नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म अन अकेडमी अभियान पर जहां पर हम आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए इकाई नौ का अध्ययन कर रहे हैं पिछली चार क्लासेस में शुरुआत में तीन कक्षाओं में हमने आईसीटी का अध्ययन किया और पिछली क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे कंप्यूटर के सात टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम कंप्यूटर के बचे हुए तीन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और फिर हम इंटरनेट वाले टॉपिक का अध्ययन करेंगे पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों भगवान बुद्ध ने ऐसी बहुत सारी बातें बोली हैं जो ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए बल्कि एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए भी काम की है उनकी सबसे बड़ी सीख जो दुनिया को मिलती है वो है रीजनिंग तर्क करना जो भी चीज हमारे सामने आए उस पर तर्क करना रीजन करना और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही थी आत्मदीपो भवा हमें अपना रास्ता खुद चलाना पड़ता है याद रखिए हम टीचर्स या फिर जो दूसरी किताबें हैं हम सिर्फ आपको गाइड करने का काम करते हैं हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि अगर वो रास्ता बहुत पथरीला है तो उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं उसे एक अच्छा रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं पर याद रखिए इस रास्ते पर आप लोगों को ही चलना है आपको ही उन किताबों को पढ़ना है इन लेक्चर्स को देखना है फिर इनका रिवीजन करना है फिर एम लगाने हैं फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है आंसर राइटिंग करनी है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तब जाकर के एग्जाम निकलेगा तो रिमेंबर आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये बहुत जरूरी बात है कि आत्मदीपो भवा इस लाइन को आप कभी ना भूलें तो आपको और आपके परिवार को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं इसी के साथ अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मुख्य परीक्षा के लिए मैंने अन अकेडमी पर बहुत सारे विषय पढ़ाए हुए हैं 19 जून के बाद दोबारा से हमारी कक्षाएं अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर शुरू हो रही है जहां पर पहले हम इतिहास का अध्ययन करेंगे और फिर हम पेपर थ्री का अध्ययन करेंगे हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस बाइलिंगल ही चलती हैं लेकिन नोट्स दोनों के अलग अलग होते हैं पूरी पूरा फोकस होता है मुख्य परीक्षा की कक्षाओं पर मेंस क्लासेस पर जहाँ पर हम क्लास में ही आंसर राइटिंग और आंसर की फॉर्मेटिंग का काम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पॉसिबल क्वेश्चंस भी हम साथ में डिस्कस करते हैं तो दोस्तों अगर आप अनकेडमी के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरा कोड एस जी लाइव इस्तेमाल कीजिए इसलिए क्योंकि 16 से 19 मई के बीच में के सब्सक्रिप्शन 10 की जगह 20 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है 10 की जगह 20 परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर आप अभी दो साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो वो आपको तेरह हजार एक सौ रुपए का मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको मेरा कोड एस जी लाइव इस्तेमाल करना होगा तो दोस्तों अकेडमी के साथ जुड़िए वहां पर हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं पुराने लेक्चर को देखिए और 19 जून के बाद दोबारा से हमारी क्लासेस वहाँ पर शुरू हो जाएंगी तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं तो याद होगा पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी जैसे सबसे पहले हमने कंप्यूटर का एक परिचय पढ़ा था यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर की विशेषताओं को कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों को इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट हमने कुछ शब्दों को भी देखा था जैसे डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का अंतर ये बातें हमने डिस्कस की थी फिर इसके बाद हमने कंप्यूटर के इतिहास को डिस्कस किया था सोलह भागों में बांट करके अबेकस से लेकर के माइक्रो प्रोसेसर और एप्पल टू तक हमने कंप्यूटर के पूरे इतिहास को समझा था और समझने के बाद हमने एक लिस्ट भी आपको दी थी ताकि क्विक रिवीजन आपका हो सके इसके बाद दोस्तों हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों का अध्ययन किया था हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात की थी तो कंप्यूटर की बहुत सारी पीढ़ियां हैं पांच प्रमुख पीढ़ियों का अध्ययन हमने किया था पहले से पांचवे तक वहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो हार्डवेयर को लेकर के बनते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया पांचवी और वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं हमने ये भी देखा था कि आने वाले समय में जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगी तो किस तरह के कंप्यूटर आएंगे तो उसमें नैनो कंप्यूटर का नाम था उसमें डीएनए कंप्यूटर था क्वांटम कंप्यूटर और बायो और केमिकल कंप्यूटर तो ये सारी चीजें आगे देखने के लिए मिलेंगी ठीक है इसके बाद दोस्तों हमने कंप्यूटर के प्रकारों का अध्ययन किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ हमने अलग अलग आधारों पर कंप्यूटर के प्रकार देखे थे अनुप्रयोग के आधार पर एप्लीकेशन के बेसिस पर तीन प्रकार के कंप्यूटर थे एनालॉग कंप्यूटर 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 डिजिटल और हाइब्रिड एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं कि इन चीजों को याद रखें जैसे कार में वो पुराने वाले मीटर आते थे ना तो वो एनालॉग होते थे अभी भी सी टी हंड्रेड आप लेने के लिए जाएंगे तो उसमें आपको एनालॉग मीटर देखने के लिए मिलता है हालांकि अब बहुत सी कार हैं जिसमें डिजिटल मीटर आने लगा जिसको ऑडोमीटर बोलते हैं कार का तो ये एग्जाम्पल्स बड़े काम आते हैं यहीं पर हमने आकार के आधार पर कंप्यूटर की बात की थी माइक्रो मिनी मैन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हमने पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप नोटबुक टैबलेट इन सब चीज़ों का अध्ययन किया था इसके बाद दोस्तों हमने कंप्यूटर के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था और देखा था कि सामान्यतः कंप्यूटर में तीन चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सीपीयू सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम जिसके आधार पर कंप्यूटर चलता है हार्डवेयर कंप्यूटर के सारे वो हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर दो प्रकार के हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइजेज उसमें होती है और तीसरा सीपीयू को हमने देखा था कि तीन चीजें उसमें हैं एएलू सी यू और मेमोरी यूनिट फिर हमने छठवे नंबर पर कंप्यूटर की मेमोरी का अध्ययन किया था और यहां पर हमने समझा था कि जितनी भी मेमोरी कंप्यूटर की होती है उसे हम दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं प्राथमिक अर्थात प्राइमरी मेमोरी द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों जो प्राथमिक मेमोरी है उसमें दो थी एक तो रीड ओनली मेमोरी और दूसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी को भी फिर हमने दो तीन भागों में बांटा था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फिर इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वही रैम को हमने दो भागों में बांटा था डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फिर द्वितीय जो मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी है यहाँ पर हमने मैग्नेटिक ट्रेप हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव सीडी डीवीडी ब्लू रे एच इन सब का अध्ययन किया था ठीक है फिर दोस्तों हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर का अध्ययन किया था जहां हमने सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात की थी अब आज की क्लास में हमें इन तीन टॉपिकों के बारे में चर्चा करनी है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की थी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो यहाँ हम समझेंगे अलग अलग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिर दोस्तों हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करना है कि कंप्यूटर में किन किन भाषाओं में प्रोग्राम बनाए जाते हैं अभी हम पाइथन भाषा का इस्तेमाल करते हैं जावा जावा का इस्तेमाल करते हैं ये कुछ प्रमुख भाषाएं हैं और फिर आखिरी में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम और पोर्ट्स के बारे में चर्चा करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक टॉपिक है इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर से अलग करके आपको पढ़ा रहा हूं। और इसके बाद हम कुछ अन्य तथ्य पढ़ेंगे जो मैं आपको रीडिंग के लिए दूंगा। आप घर जा करके उनका अध्ययन कीजिएगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपका एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो गया है कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था और उसके साथ आप दोबारा जुड़ चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तो याद कीजिए हमने पांचवें टॉपिक में यह अध्ययन किया था कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का समूह होता है एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके आधार पर कंप्यूटर चलता है उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको याद है हमने ये भी देखा था कि दुनिया की जो पहली प्रोग्रामर हैं, उनका नाम एडा लॉवरेंस या एडा ऑगस्टस था तो अब दोस्तों इसी सॉफ्टवेयर के बारे में हम अध्ययन करेंगे हमने ये भी देखा था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब इसके बाद नई चीजों को समझिए तो हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या सेट ऑफ प्रोग्राम है जिनके आधार पर कंप्यूटर चलता है और ये दो प्रकार के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इन्हें भी तीन भागों में बांटा गया है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इसके अलावा इसमें भी आता है. भी इसी का एक उदाहरण है दूसरा इसमें आता है कंप्यूटर के ड्राइवर्स ठीक है अलग अलग ड्राइवर का नाम आपने सुना होगा जैसे कई बार साउंड ड्राइवर होता है फिर स्क्रीन ड्राइवर होता है तो अलग अलग ये ड्राइवर होते हैं अब यहां से एक प्रश्न बनता है बहुत सामान्य सा आगे पढ़ने से पहले इस प्रश्न को देख लो वो पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन दे देगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर ड्राइवर फर्मवेयर उपरोक्त सभी तो आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर फर्मवेयर और ड्राइवर ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं अभी डिस्कस करेंगे हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वहीं दोस्तों दूसरा प्रकार सॉफ्टवेयर का होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर याद है तो पिछले बार पढ़ा था हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के हैं हॉरिजॉन्टल जिन्हें सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहा जाता है और वर्टिकल जिन्हें स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है तो इनका अध्ययन भी हम करने वाले हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है तो देखो दोस्तों बहुत सामान्य तरीके से समझो यहां पर एक शब्द है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इसका मतलब क्या है ये सॉफ्टवेयर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मूलभूत सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फंडामेंटल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या क्या काम करते हैं इनका पहला काम होता है एक ऑन ऑफ करना कंप्यूटर को दूसरा काम होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का निर्माण करना तीसरा इनका काम होता है सभी चीजों को कॉन्फ़िगर करना चौथा इनका काम होता है सिस्टम को मेंटेनेंस करना और पांचवा इनका काम होता है सिस्टम को रन करना और उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाना ये इनके बेसिक काम होते हैं ये यही काम कर हैं ये आपको सुविधाएं नहीं देंगे ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पर बैठ करके आप पीपीटी बना रहे हैं या फिर गेम खेल रहे नहीं ये सब चीज़ों का आधार है मतलब ऐसे मान के देखिए दोस्तों कि जब हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम नींव लगाते हैं और नींव के बाद हम दिवाले खड़ी करते हैं उसमें दरवाजे लगाते हैं ठीक है ये आधार है फिर उसमें हम रहने के लिए कुछ कुछ चीजें लेकर के आते हैं दरवाजा रूम आपके पास बन गया अब आपकी मर्जी है कि उस कमरे में आपको क्या रखना है तो ऐसे ही कंप्यूटर को समझो कि जब आप एक कमरा बना रहे हो तो वो कमरा कमरे में लगने वाला मटेरियल ये सारी चीजें फंडामेंटल कहलाती हैं लेकिन जब आप उस कमरे में रहने के लिए आओगे तो आप बेड लेकर के आओगे एसी भी ला सकते हो कूलर भी ला सकते हो ये कहलाती हैं एप्लीकेशन तो इसी तरह कंप्यूटर पे अप्लाई करो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का बेस है समझ रहे हैं कंप्यूटर का बेस है वो आपको सिस्टम बना करके देता है वो एक घर बना करके देता है अब आपकी मर्जी है कि इसमें क्या आपको चलाना है आप पावर पॉइंट चला लो आप फोटोशॉप चला लो आप एडिटर चला लो वो आपकी मर्जी है समझ में आया क्लियर है तो इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आधारभूत सॉफ्टवेयर कहलाते हैं फंडामेंटल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ठीक है टीके? दोस्तों इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे प्रकार हैं जैसे इनको मैंने दिया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ड्राइवर फर्मवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी हम बहुत बेसिक बात पढ़ेंगे फिर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अभी बस इतना याद रखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मंच प्रदान करता है यह एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर दूसरी अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है उदाहरण के लिए हमारे फोन में एंड्रॉयड होता है तो एंड्रॉयड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एंड्रॉयड के ऊपर दूसरी एप्लीकेशन का हम प्रयोग करते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज जो हम अधिकांश लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में फिर मैकेंटॉस है जो कि एप्पल में इस्तेमाल होता है अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में एंड्राइड का हम इस्तेमाल करते हैं फिर आईओएस का इस्तेमाल करते हैं पहले हम ब्लैकबेरी का भी इस्तेमाल कर रहे थे तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं दोस्तों ठीक है तो ये एक मंच है जिनके ऊपर दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं और ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम भी करते हैं या आप सिंपल भाषा में कहें कि ये हार्डवेयर को कन्फिगर करते हैं ये उन्हें समायोजित करते हैं ठीक है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हम आगे भी पढ़ने वाले हैं अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये ध्यान देने की चीज है यहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं कि सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है तो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली मेंटेनेंस का काम करते हैं ठीक है और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बन करके आते हैं ये कंप्यूटर में मेंटेनेंस या रख रखाव का काम करते हैं सर ये रख रखाव कैसी चीज है समझ नहीं आया सर समझाइए इसको ठीक है तो इसको समझने की कोशिश करो दोस्तों कि मेंटेनेंस का काम क्या होता है जैसे हमारे पास ये एक कंप्यूटर है तो ये तो पूरा सिस्टम बन के तैयार हो गया दोस्तों है ना ये पूरा सिस्टम बन के तैयार हो गया लेकिन इस सिस्टम में बाहर से कुछ आक्रमण भी होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं तो कंप्यूटर वायरस से इसे बचाना पड़ेगा दूसरा काम इसमें कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है दोस्तों उसमें कुछ जंक फाइल आ जाती हैं जंक ऐसी फाइल होती हैं जो उपयोगी नहीं होती तो इन जंक फाइल को हटाना और तीसरा इसमें एक और काम ये होता है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी है कई बार वो मैनेज नहीं रह पाती तो मेमोरी को मैनेज करना ताकि इसका अधिकतम इस्तेमाल हो सके तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में रख रखाव का काम करते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं फिर से वही घर वाला उदाहरण लीजिए दोस्तों कि ये हमारा पूरा एक घर है ठीक है जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अब इस घर में जो हमने नींव बिछाई है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा दोस्तों लेकिन इस घर को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा तो इस घर में चोरों से बचने के लिए हम दरवाजे लगाते हैं लगाते हैं कि नहीं लगाते तो वो यूटिलिटी कहलाती है दरवाजा हम क्यों लगा रहे हैं यूटिलिटी के लिए हम रोशनदान क्यों लगा रहे हैं रोशनी भी आ सके और हवा भी पास हो सके ठीक है तो ये सारी चीजें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के रख रखाव या मेंटेनेंस का काम करते हैं अब यहां से प्रश्न ये नहीं बनता कि ये क्या है प्रश्न बनते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं तो अब नाम याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट है ठीक तो है, है, है इसे डिस्क फ्रेगमेंटर या डिस्क डी फ्रेगमेंटर ऐसे नामों से जाना जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या काम करता है तो ये हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान पर लाता है और इसका प्रयोग फाइलों तथा हार्ड डिस्क की खाली पड़ी जगह को व्यवस्थित करने के लिए होता है इसको समझें ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है क्या काम करता है जैसे मान लीजिए इसको वही उदाहरण लेते हैं घर वाला कि ये हमारे पास एक घर है और हमें पास पांच अलग अलग सामान है तो एक सामान आपने यहाँ रख दिया एक यहाँ रख दिया एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ तो अब ये बताइए कि घर घर में फैल गई और अब आप पूरे घर के स्पेस का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन अगर इन्हीं चीजों को मैं इस तरह जमा दूं कि मेरे पास ये पांच चीजें हैं और मैं इनको इस तरह जमा दूं तो अब मेरे पास पूरी मेमोरी खाली है तो यही काम कंप्यूटर में डिस्क फ्रेगमेंटर करता है दोस्तों तो डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है जब हार्ड डिस्क में फाइलें हम जमा करते हैं स्टोर करते हैं तो वो इस तरह स्टोर होती हैं अलग अलग जगह पर स्टोर होती हैं तो बीच में ये जो स्पेस है फिर ये यूज नहीं हो पाता तो डिस्क फ्रेगमेंटर इन फाइलों को मैनेज करता है ताकि आपके सामने ये स्पेस आ जाए ठीक है डिस्क का काम है दूसरा एक और सॉफ्टवेयर है जिसका मोबाइल में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसे डिस्क क्लीनर कहा जाता है, है, है दोस्तों कि अगर हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में कोई भी जंक फाइल आ गई है जंक फाइल मतलब जिसका हम यूज नहीं करते जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो डिस्क क्लीनर ऐसी जंक फाइलों को हटा देता है तीसरा एक और सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जिसे डिस्क कंप्रेसर कहा जाता है तो नाम से ही क्लियर है कि यह क्या काम करेगा यह फाइलों को कंप्रेस करने का काम करता है ताकि मेमोरी का और ज्यादा बेहतर प्रयोग हो सके हम भी तो यही करते हैं अगर हमें हमारे सूटकेस में कपड़े बनाने हैं तो हम आ, 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 ऐसा करते रहते हैं बिल्कुल घुसा देते हैं सारी चीजों को तब जा कर के ज्यादा कपड़े बनते हैं अनुभव नया नया है शादी हुई है तो मैं देखता हूँ कि एक सूटकेस में किस तरह से कपड़ों को बनाया जाता है तो वो बड़ा काम है दोस्तों कंप्रेशन का काम है तो डिस्क कंप्रेशर उसे कहा जाता है ठीक है तो ये काम भी होता है फिर इसके बाद आप देखें एक और सॉफ्टवेयर इसमें होता है जिसे एंटीवायरस कहा जाता है दोस्तों एंटीवायरस तो एंटीवायरस का काम क्या होगा कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के बाहरी खतरे से बचाना किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना तो ये प्रमुख जो सॉफ्टवेयर हैं ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं दोस्तों ये नाम याद रखिएगा प्रश्न यही बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए एंटीवायरस किस तरह का प्रोग्राम है तो यह दोस्तों एक यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है तो ये आपको याद रखना है उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी दिमाग में क्लियर हुआ होगा तो उदाहरण दिए हैं डिस्क फ्रेगमेंटर डिस्क क्लीनर डिस्क कंप्रेशन एक और रह गया बैकअप यूटिलिटी और एक एंटीवायरस स्कैनर एंड रिमूवर इसके अलावा भी कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सॉफ्टवेयर आता है फिर इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आता है और फॉर्मेटिंग आता है ये भी जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एक और सॉफ़्टवेयर का नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्या काम करता है इसको समझें ये बेसिकली कंप्यूटर में आपकी फाइलों का एक बैकअप बनाते चलता है कई बार आपने देखा होगा कि आज ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अगर आपका पूरा डेटा खत्म हो जाए तो आप उन सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने डेटा को रिवर्ट कर सकते हैं तो ये क्यों हो पाता है क्योंकि जो फाइल हम कंप्यूटर में जमा करते हैं उसका एक बैकअप भी तैयार हो जाता है तो डिलीट करने के बाद भी हम उस फाइल को वापस ले सकते हैं क्यों? क्योंकि हमारे फाइल में एक सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है ठीक है चलिए उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्लियर है भूलिएगा मत हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अब हम बात करेंगे अगले सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कोशिश करें देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है तो ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है तो सर ये क्या वही है जो हिंदी को अंग्रेजी में या स्पेनिश को हिंदी में बदलता है नहीं दोस्तों ये तो यूटिलिटी हो जाएगा ये बेसिकली दूसरी भाषाओं को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का काम करता है और जो कंप्यूटर की भाषा है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं उसे हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं और ये किस रूप में होती है सभी कमेंट बताओगे कि सर ये बाइनरी के रूप में होती है ये जीरो और एक के फॉर्मेट में होती है तो ये जो अनुवादक होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं इनका काम यही है कि ये दूसरी भाषा को कंप्यूटर के समझने योग्य मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों कंप्यूटर में दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे कंप्यूटर की एक भाषा होती है लो लेवल लैंग्वेज निम्न स्तरीय इस भाषा इसमें असेंबली लैंग्वेज आती है असेंबली भाषा आती है और दूसरी कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज इसमें कंप्यूटर की अभी की भाषाएं आती हैं जैसे कि जावा हो गया पाइथन हो गया सी हो गया ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं जावा और पाइथन तो अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलने का काम करेगा इन भाषाओं को जीरो और वन में बदलने का काम करता है क्लियर है ये बात तो अब आपको याद रहना चाहिए कि अनुवादक का, का काम क्या है कंप्यूटर के समझने योग्य दूसरी भाषाओं माफ कीजिए दूसरी भाषाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य मशीनी भाषा में बदलना दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं एक होता है असेंबलर दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर तीनों का नाम याद रखिएगा पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं तो ये तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं ये तीनों ही अनुवादक सॉफ्टवेयर हैं तो प्लीज इनके नाम आपको याद रखना है अब ये काम क्या करते हैं इसको समझिएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे Assembler. कि assembler क्या काम करता है तो असेंबलर का काम ये होता है, assembler, शब्द पकड़िए, लेवल लैंग्वेज या फिर मैं कहूं जो असेंबली भाषा होती है उसे असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है मशीनी भाषा में बिल्कुल सिंपल अगर नाम याद है तो आपको चीजें याद रखेंगी असेंबलर उसका नाम ही है असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये क्या काम करेगा? असेंबली भाषा भाषा को मशीनी में बदलने का काम करेगा अभी परेशान मत हो कि असेंबली भाषा क्या होती है हम पढ़ने वाले हैं अभी कि असेंबली भाषा क्या होती है दोस्तों फिर दूसरे नंबर पर आता है कंपाइलर कंपाइलर तो कंपाइलर क्या काम करता है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को उच्च स्तरीय भाषाओं को बदलता है मशीन लैंग्वेज में ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है क्लियर है और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों इंटरप्रेटर इंटरप्रिटर और इंटरप्रिटर क्या करता है तो यह भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीनी मशीनी लैंग्वेज में में कंफ्यूज हो गए कि सर कंपाइलर भी उच्च स्तरीय भाषा भाषा को मशीनी में बदल रहा है और इंटरप्रिटर भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल रहा है तो अंतर क्या है अंतर समझिए दोस्तों जो कंपाइलर होता है ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ जैसे मान लीजिए कि आपने एक उदाहरण मान लेते हैं कि आपने पूरा एक पेज लिखा तो ये पूरे के पूरे एक प्रोग्राम आपने बनाया तो ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीनी लैंग्वेज में लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को मशीनी भाषा में आपने एक प्रोग्राम बनाया उदाहरण के लिए Unacademy की एप्लीकेशन। तो अगर कंपाइलर को आप देंगे तो वो पूरी एप्लीकेशन को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देगा लेकिन इंटरप्रेटर उसी प्रोग्राम की एक एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलने का काम करेगा कंपाइलर की स्पीड ज्यादा होती है लेकिन गलतियाँ उतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती जबकि इंटरप्रिटर ज़्यादा आसानी से गलतियों के बारे में बताता है तो ये चीज़ें याद रखें असेंबलर का काम है असेंबली भाषा और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना जैसा कि हमने पढ़ा दोस्तों अभी अभी फिर कंपाइलर का काम है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना और ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है ठीक है फिर कंपाइलर uh, की तरह यह भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है और ये लिखा भी हुआ है कि देखिए कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा एक ही बार में जबकि इंटरप्रिटर जो है वो एक एक लाइन चेक करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा यहाँ पर ये कुछ बातें हैं ये घर जा करके आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको समझा दी है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम तीसरे सॉफ्टवेयर पर आ रहे हैं दूसरे प्रकार पर आ रहे हैं तो अभी एक बार रिवीजन कर लो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ा और सिस्टम में हमने तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़े ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अब दोस्तों हम सॉफ्टवेयर के दूसरे प्रकार का अध्ययन करेंगे अर्थात हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए बनाए जाते हैं और ये लगभग हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं इनका उदाहरण क्या है तो एम एस वर्ड हो गया पावर पॉइंट हो गया हमारे एंड्रॉयड फोन में बहुत सारे प्रोग्राम हो गए तो ये सारे इसके उदाहरण हैं है? और ये दो प्रकार के होते हैं एक तो सामान्य उद्देश्य मतलब जो सामान्य कामों के लिए बनाए जाते हैं जैसे वर्ड पावर पॉइंट फोटोशॉप ये सामान्य सब काम कर सकते हैं लेकिन कुछ प्रोग्राम स्पेशल चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं और यहीं पर सॉफ्टवेयर कंपनियों की बात आती है जैसे भारत सरकार कई कार्यक्रम बनवाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे जीएसटी तो जीएसटी अपने आप में एक नया पूरा प्रोग्राम है तो वो स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कुछ विशेष कामों को करने के लिए बनाए जाते हैं तो क्लियर है दोस्तों सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक यहाँ तक हमने पहले सॉफ्टवेयर की परिभाषा को पढ़ा फिर हमने सॉफ्टवेयर के दोनों प्रकारों को पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने कल की क्लास में भी आपको समझा दिया था तो और बहुत आसान चीज़ है ऐसे याद रखो कि एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें जो हम एप्लीकेशन डालते हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया इंस्टा हो गया फिर अन हो गया विकीपीडिया हो गया ये सब काम करते हैं दोस्तों बेसिकली डिक्शनरी हो गई ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ठीक है चले अब हम कुछ सॉफ्टवेयर के दूसरे प्रकारों को पढ़ लेते हैं जहां से कुछ प्रश्न बनते हैं। प्रकार नहीं बेसिकली सॉफ्टवेयर को पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर तो एक सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों पी डी एस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है दोस्तों यह सॉफ्टवेयर इन्हें फ्रीवेयर कहा जाता है इन सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर के नाम माफ कीजिए शेयरवेयर नहीं है यह फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं यह बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और इन्हें इंटरनेट से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता खासतौर पर मोबाइल में आप देखिए तो व्हाट्सएप एक ऐसी ही एप्लीकेशन है जिसको चलाने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो मुफ्त होते हैं उन्हें पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों पर दूसरा एक नाम आता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं इसको भी समझिए कि फ्री में भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं यह भी मुफ्त में उपलब्ध होते हैं और साथ ही साथ में इनके सॉफ्टवेयर का कोड भी उपलब्ध होता है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अभी हमने एक सॉफ्टवेयर का नाम पढ़ा जिसे हमने फ्री वेयर नाम दिया या इसी को हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कह रहे हैं तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री हैं हर कोई इनका इस्तेमाल कर सकता है और इसका मैंने आपको एक उदाहरण दिया बहुत ही आसान सा कि व्हाट्सएप इसका एक उदाहरण है या फिर एक अभी जो हम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीमिंग के लिए ओबीएस तो ओबीएस भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर अभी अभी हमने डिस्कस किया जिसका नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी दोस्तों हर इंसान के लिए फ्री होते हैं इसके लिए भी कुछ पे नहीं करना पड़ता लेकिन इन सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या होती है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री तो होते ही हैं, पर साथ ही साथ में ये आपको इसका सोर्स कोड भी देते हैं अर्थात ये अपना प्रोग्रामिंग कोड भी देते हैं उदाहरण के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, तो वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम तो मिलता ही है पर उसके सोर्स कोड भी आपको साथ में मिलते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री होते हैं और उनका सोर्स कोड भी मिलता है उन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है 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 दोस्तों Linux इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण इसके बाद आता कर्नेल या इसका प्रोनाशिएशन जो भी हो ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखिएगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है कर्नेल जो है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं अगर आप विकिपीडिया पर चेक करेंगे तो लिखा रहता है कि इसमें कौन से कर्नेल का इस्तेमाल किया गया है तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है तो कर्नेल होता है क्योंकि वही सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कन्फिग्रेशन करता है और सिस्टम को प्रोसेस और ऑन करने में मदद करता है ठीक है इसके बाद अगला सॉफ्टवेयर है दोस्तों ग्रुपवेयर तो जहां पर भी बात होती है कि हमें लोगों को कनेक्ट करना है वहाँ ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जैसे ईमेल हो गए ऑनलाइन चैटिंग हो गई वॉइस मेल हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई जूम एक ऐसा ही अभी ग्रुप वेयर है दोस्तों इसका उदाहरण है जिसका बहुत इस्तेमाल हुआ है ड्यूरिंग दी पेंडेमिक ठीक आगे बढ़ते हैं इसके बाद पाँचवा सॉफ्टवेयर है पोस्ट ये कैपिटल uh, लेटर में है P O एस टी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट फुल फॉर्म याद रखना पावर ऑन सेल्फ टेस्ट तो जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है बायोस पढ़ा था हमने खुद ब खुद सभी उपकरणों जैसे कीबोर्ड प्रिंटर हार्ड डिस्क वीडियो डिस्प्ले कार्ड मेमोरी आदि की जांच करता है और उन्हें उपयोग के लायक बनाता है इसे पोस्ट कहा जाता है इस दौरान अगर हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने बायोस के बारे में पढ़ा था तो बायोस का काम यही होता है दोस्तों ठीक है बायोस अल्टीमेटली जैसे आप चीजों को ऑन करते हैं तो वो सभी चीजों को चेक करेगा आपस में कंफिगर करेगा और आपके सामने दिखाएगा तो ये पूरी प्रक्रिया ठीक है कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया को हम बूटिंग बोलते हैं ये चीज भी याद रखिएगा कंप्यूटर जब चालू होता है तो उसे बूटिंग कहा जाता है और इसके बीच में जो प्रक्रिया होती है वो पोस्ट के नाम से आती है वो चेक करती है कि सारे हार्डवेयर सही हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं अगर कोई भी गलती है तो वो उसे सामने दिखाता है दोस्तों और बूटिंग हम जानते हैं कि ये चालू होने की प्रक्रिया है ठीक है आगे फ्रीवेयर तो फ्रीवेयर को भी हमने पढ़ लिया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री होता है शेयरवेयर ये भी जरा पढ़िए ये इंपॉर्टेंट चीज है शेयरवेयर ये सॉफ्टवेयर पूछा गया था इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा शेयरवेयर बेसिकली एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है जो डाउनलोड करने के लिए तो मुफ्त होता है लेकिन इनका प्रयोग सीमित समय के लिए किया जाता है आपने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे जिन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है आप इनका एक हफ्ते इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन एक हफ्ते के बाद आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हो जाते हैं फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं और कुछ समय के लिए हम उनको चला भी सकते हैं लेकिन उसके बाद हमें उनको शुल्क देना होता है शेयर वेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जैसे बहुत सारे हैं एमेजॉन का एक एक एप्लीकेशन है जो बहुत अच्छी है जो मैं बहुत यूज करता हूं ऑडिबल ठीक है तो ऑडिबल में वो कहता है कि तीस दिन का फ्री ट्रायल ले लो फिर आपको पैसे पे करना पड़ेगा एक मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर ऑडिबल जैसी चीजें आप यूज करो तो कभी भी इनका सब्सक्रिप्शन मत लिया करो हमेशा किताब को खरीदा करो ठीक है सब्सक्रिप्शन लेना फायदेमंद नहीं है इनकी किताब खरीद लो और एक किताब को हमें जर्नली दो ढाई महीने लग ही जाते हैं कंप्लीट करने में ओके इसके बाद आगे के बाद आगे के आता है लिंकर यह अगला सॉफ्टवेयर है तो यह एक प्रोग्राम होता है जो बाइनरी भाषा में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को मशीन पर चलाने के लायक कोड में बदलता है ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्टिंग और डीबगिंग इंपॉर्टेंट है समझो क्या होता है दोस्तों जब भी एक प्रोग्राम बनाया जाता है तो उस प्रोग्राम को बनाने के बाद उसे टेस्ट किया जाता है और इसी को कहा जाता है टेस्टिंग अब मान लीजिए कि हमने प्रोग्राम को टेस्ट किया और इसमें अगर कोई समस्या आ गई इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस समस्या को बग कहा जाता है बग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली समस्या को बग कहते हैं जैसे हम भी एक सामान्य प्रॉब्लम आ गई तो उसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर की भाषा में बग कहा जाता है और जब हम इस बग को ठीक करते हैं तो उसे डी बगिंग कहा जाता है दोस्तों बग को ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डी बगिंग कहा जाता है याद रखिएगा बग को ठीक करने की प्रक्रिया बगिंग होती है और इसे ठीक करने के लिए जो हम चीज लगाते हैं बाहर से उसे पैच कहा जाता है ठीक है पैच अब इसको उदाहरण के द्वारा समझो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये एक इंसान का मान लेते हैं कि ये इसको मान लिया कि हमने ये हमारा हाथ है ये मेरा इतना हाथ है तो अगर इस हाथ में मुझे कहीं पर एक चोट आ जाती है कहीं पर भी मुझे एक चोट आ गई तो इस चोट को कंप्यूटर क्या कहेगा कहेगा कि भैया तुम्हारे हाथ में बग आ गया है क्या आ गया बग आ गया ऐसी भाषा बोल दे डॉक्टर तो डरी जाए आदमी क्या हो गया भैया परेशानी हो जाए ठीक है लेकिन जब हम इस चोट को ठीक करेंगे जब हम इसको ठीक करेंगे तो इसको ठीक करने की प्रक्रिया चोट को ठीक करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे डीबगिंग कहेंगे डीबगिंग कहेंगे अब दोस्तों मान लीजिए कि मुझे यहां पर चोट लगी थी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहां मुझे चोट लगी थी और इस चोट को ठीक करने के लिए मैंने जिस पट्टी का इस्तेमाल किया या तो मैं यहाँ पर पट्टी लगा सकता हूँ बैंडेड लगा सकता हूं और साथ ही साथ मान लो कि मैंने कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई ओके तो ये जो पट्टी है और ये जो एंटीसेप्टिक क्रीम है इसे हम पैच का का नाम देंगे तो क्या होता है जब एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें भी छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं उनको बग कहा जाता है और इन बग को ठीक करने की प्रोसेस डीबगिंग होती है और बग को ठीक करने के लिए जो उपकरण अपनाया जाता है उसे पैच कहते हैं ये सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल फोन में हमेशा अपडेट आती है और उस अपडेट में लिखा रहता है कि ये बग फिक्स कर दिया गया है और बग फिक्स करने के लिए हमने ये पैच भेजा है हमारी एप्लीकेशंस को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए इसीलिए एप्लीकेशंस के जो बग हैं वो ठीक हो जाते हैं अपडेट करने के बाद तो ये पूरे शब्द याद रखिएगा पैच क्या है बग क्या है और डीबगिंग क्या है तो ये कुछ शब्द हैं दोस्तों जो जुड़े हुए हैं इन चीजों से क्लियर है दोस्तों समझ में आया फिर एक लोडर है ये आप पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये दोस्तों हमने एक और टॉपिक यहां पर कंप्लीट कर लिया कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मिनट क्विक आपको रिवीजन दे देता हूं। पहले हमने कंप्यूटर के का अध्ययन किया याद रखिएगा सॉफ्टवेयर क्या है तो सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम है जिनके आधार पर कंप्यूटर चलता है सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मूलभूत सॉफ्टवेयर होते हैं फंडामेंटल सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर के साथ समन्वय स्थापित करके कंप्यूटर को शुरू करने का काम करते हैं विच द प्लेटफॉर्म टू ऑपरेट प्रोसेस फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने देखा विशेष कार्य कर, करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जैसे कि एम एस वर्ड हो गया पावर पॉइंट हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा फिर हमने ये देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर साहब पांच प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं इसमें एक आता है आपका ऑपरेटिंग uh, सिस्टम दूसरा इसका एक प्रकार है लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीसरा इसमें एक प्रकार आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चौथा इसमें एक आता है ड्राइवर ठीक है डिवाइस के ड्राइवर और पांचवा इसमें आता है फर्मवेयर फर्मवेयर ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है यह भी कंप्यूटर को एक मंच प्रदान करता है जिस पर कंप्यूटर के दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं ठीक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर की uh, भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है बाइनरी भाषा में बदलने का काम करता है असेंबलर जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है निम्न स्तरीय भाषाओं को बदलता है कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को एक साथ ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रिटर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हमने बात की ये कंप्यूटर के मेंटेनेंस का, का काम करते हैं ये रख रखाव का, का काम करते हैं इसमें डिस्क क्लीनर डिस्क फ्रेगमेंटर डिस्क कंप्रेशन बैकअप यूटिलिटी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर अपडेट ये सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं क्लियर ये बातें हमने पढ़ी फिर हमने कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर की बात की जैसे कि फ्रीवेयर जिन्हें पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है ये सभी के लिए फ्री होते हैं शेयरवेयर जो एक कुछ समय के लिए फ्री होते हैं फिर इनके लिए पैसा देना पड़ता है फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री होते हैं और इनका सोर्स भी सभी को दिया जाता है दोस्तों ये हमने कुछ अलग अलग प्रकारों का अध्ययन किया उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जो है कंप्यूटर की भाषाएं या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो दोस्तों भाषा कंप्यूटर के जितने भी कोड हैं वो जिस भाषा में लिखे जाते हैं या सिंपल भाषा में समझें कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम हैं वो जिस भाषा में लिखे जाते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर की लैंग्वेज कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं एक होती है लो लेवल लैंग्वेज जिसे निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है और दूसरी ओर होती है हाई लेवल लैंग्वेज अर्थात उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा दोस्तों ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये दो प्रकार की होती है एक मशीनी भाषा और दूसरी असेंबली भाषा जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को हम तीन भागों में बांट सकते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ठीक है प्रोसीजरल लैंग्वेज में फोटोन लिप्स एल्गोल, कोबोल बेसिक लोगो पास्कल और सी ये सारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहलाती हैं नॉन प्रोसीजरल में एस है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सी प्लस प्लस जावा पाइथन रूबी और सी है ठीक है ये टेबल आपको याद करना है क्योंकि यहीं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सीधा प्रश्न पूछा गया कि फोटोन क्या है तो ये कंप्यूटर की एक भाषा है अब क्या पूछ सकता है ये नहीं पूछेगा कि प्रोसीजरल है ऑब्जेक्टिव है बस ये पूछ लेगा कि बताओ पाइथन किस प्रकार की भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है तो मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं इस टेबल को बहुत अच्छे से देखो और फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तब तक मैं भी पानी पी लेता हूं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों ठीक है चलिए एक मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आगे चलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है और इन भाषाओं के कुछ नाम यहीं से याद रखिएगा क्योंकि यहीं से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे हमने पहले भी आपको बताया है कि ये जो चार्ट हम बार बार यूज करते हैं दोस्तों तो इन चार्ट्स को रिविजन करते समय आपको ध्यान रखना है कि इन्हें पढ़ के जाए क्योंकि यहीं से बहुत से प्रश्न बन जाते हैं तो अब हम एक एक भाषा को पढ़ने का प्रयास करेंगे पहले लो लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे फिर हम उच्च स्तरीय भाषा की बात करेंगे ठीक है तो लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जिसे कंप्यूटर सीधे माफ कीजिए जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है निम्न स्तरीय भाषाएं कहलाती हैं ये दो प्रकार की होती हैं मशीनी भाषा और असेंबली भाषा तो पहले तो लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन याद रखिए ऐसी सभी भाषाएं जिन्हें कंप्यूटर सीधे समझ सकता है उन्हें हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं ये दो प्रकार की हैं मशीनी और असेंबली अब यहीं पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो मशीनी भाषा होती है दोस्तों ये हमेशा जीरो और एक के फॉर्मेट में होगी जबकि जो असेंबली भाषा है इसमें अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाएगा इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन फिर भी ये बहुत सरल होती है इसमें बहुत छोटे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जैसे अक्यूमुलेटर लिखना है तो ए सी सी लिखा जाएगा मल्टीप्लाई लिखना है तो एम यू एल लिखा जाएगा तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल असेंबली भाषा में किया जाता है तो निम्न स्तरीय भाषाएं ऐसी भाषाएं जिन्हें कंप्यूटर सीधे समझ सकता है मशीन भाषा जो कि जीरो और एक अर्थात बाइनरी फॉर्मेट में होती है और असेंबली भाषा जो अंग्रेजी के अक्षरों में लिखी जाती है और इसमें सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही आसान भाषा होती है यह समझने के लिए अब यही पर रिवाइज करो दोस्तों कि हमने एक सॉफ्टवेयर की बात की थी असेंबलर तो असेंबलर क्या करता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर जब कंप्यूटर को मशीनी भाषा ही समझ में आती है तो हम कोड बाइनरी फॉर्मेट में ही क्यों नहीं लिखते दोस्तों क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन कोड्स को लिखना यही कारण है कि हम दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर उन भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलने का काम करते हैं तो पहले मशीनी और असेंबली भाषा में अंतर को समझें जरा थोड़ा सा कि मशीनी भाषा जीरो और एक के फॉर्मेट में कार्य करती है और मशीनी भाषा में जितने भी प्रोग्रामों को लिखा जाता है उन्हें ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है इस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था फर्स्ट जनरेशन में किया गया था असेंबली भाषा को अंग्रेजी के अक्षरों में लिखा जाता है और इन्हें न्यूमोनिक कोड कहते हैं याद रखिएगा न्यूमोनिक कोड असेंबली भाषा को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड मशीनी भाषा को कहा जाता है मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा आसान होती है सरल होती है और इसे ट्रांसलेटर की सहायता से मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है इसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था अब यहां पर आता है इंटीग्रेटेड स्टडी का फॉर्मेट इसका मतलब यह है दोस्तों देखो यहां पे जो शब्द लिखे इनको जोड़ो आप हमने कल की क्लास में माफ कीजिए की क्लास में हमने कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ी थी तो वहां हम बार बार कह रहे थे कि मशीनी भाषा का प्रयोग हो रहा है असेंबली भाषा का प्रयोग हो रहा है तो अब उस चीज को रिवाइज करो और वहां कंसेप्ट बैठाओ कि मशीनी भाषा मतलब जो जीरो और वन के फॉर्मेट में थी वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ऑब्जेक्ट कोड का इस्तेमाल किया गया था असेंबली भाषा ये भी लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन इसमें अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल होता है और यह न्यूमेनिक कोड कहलाती है और यह सरल भाषा मानी जाती है तो इसे आप इंटीग्रेटेड स्टडी बोलोगे जब आपने एक नया सीखा और पुराने वाले कंसेप्ट के साथ उसे जोड़ दिया फिर आप दूसरी चीजें कनेक्ट करना शुरू करोगे कि अच्छा इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए क्योंकि असेंबली भाषा को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीनी भाषा में जिसके लिए में असेंबलर की आवश्यकता है ठीक है चलिए तो ये तो हो गई लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब हम बात करेंगे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसके बारे में पढ़ें वह भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता उसे उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है यहां पर भी समझने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है और याद रखें हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों एक का नाम है कंपाइलर और दूसरे का नाम है इंटरप्रिटर को एक साथ ट्रांसलेट करता है जबकि इंटरप्रिटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है एक एक लाइन के द्वारा ट्रांसलेट करता है दोस्तों ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसे भी तीन भागों में बांटा गया है एक है प्रोसीजरल लैंग्वेज दूसरा है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में खास बात यह होती है कि इसमें अंग्रेजी के अक्षरों के साथ साथ संख्या और चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है इसीलिए हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज कह रहे हैं याद रखो मशीनी भाषा में हम सिर्फ अंकों का प्रयोग करते हैं असेंबली भाषा में हम सिर्फ अक्षरों का प्रयोग करते हैं लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हम अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं और सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को तीन भागों में बांटा गया है प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाई लेवल है और हाई लेवल में भी हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए अब इन तीन भाषाओं के प्रकारों को समझते हैं और कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं के फुल फॉर्म को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आता है दोस्तों प्रोसीजरल प्रोग्रामेबल लैंग्वेज इसमें प्रोसीजर प्रोसीज का, का मतलब क्या है कि क्रम फॉलो किया जाएगा एक प्रोसेस या एक ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा तो प्रोसीजरल इस प्रकार की भाषा में प्रोग्रामों को एक क्रम के रूप में लिखा जाता है और इसमें Fortone, Algol, Cobol, Basic, Pascal और C, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं दोस्तों याद रखिएगा इन सभी चीजों को ये सभी प्रोसीजरल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ठीक है इसमें क्या होगा प्रोग्राम को एक क्रम में बनाया जाता है एक ऑर्डर में बनाया जाता है चलिए तो अब इन भाषाओं को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन-कौन सी भाषाएं हैं इनका फुल फॉर्म क्या है तो जो 410 है इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन पूछा गया है याद रखिएगा यह पहली उच्च स्तरीय भाषा है यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे आईबीएम कंपनी ने 1957 में डेवलप किया था जॉन बैकस ने इसको डेवलप किया था जॉन बैकस आईबीएम के एक इंजीनियर थे जिन्होंने 1957 में फोटोन भाषा को विकसित किया दूसरे नंबर पर आती है लिस्प एल आई एस पी लिस्प का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों लिस्ट प्रोसेसिंग ओके इसे 1958 में जॉन मैकार्थी के द्वारा डेवलप किया गया था और इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में होता है हमारा इसके बाद का टॉपिक सोशल मीडिया है फिर साइबर सिक्योरिटी और फिर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करनी है तो वहाँ हम उपयोग करेंगे इस चीज का तो याद रखें लिस्ट प्रोसेसिंग इसका प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में होता है फिर है दोस्तों एल्गोल एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एल्गोरिथमिक लैंग्वेज यह 1958 में पीटर नॉर ने डेवलप किया था और इसका उपयोग बीज गणित में होता है सिर्फ फुल फॉर्म याद रखो यहां पे यह सब याद मत रखो ठीक है इसके बाद कोबोल इसका फुल फॉर्म पूछा गया था याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कोबोल का फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और 1959 में ग्रेस हॉपर के द्वारा इसे विकसित किया गया था फिर है दोस्तों बेसिक सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज है अब तो नहीं पर शुरुआत में इसका हद से ज्यादा उपयोग होता था अभी सबसे ज्यादा हम पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों पाइथन और जावा के बीच में रेस चलती रहती है तो बेसिक जो है इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ध्यान दीजिएगा इस फुल फॉर्म पे बी से बिगिनर ऑल ए से ऑल पर्पस एस से सिंबॉलिक आई से इंस्ट्रक्शन और सी से कोड बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसे प्रोफेसर थॉमस कुर्ट्स और जॉन कैमिनी के द्वारा विकसित किया गया था इसका इस्तेमाल गणतीय और व्यवसायिक दोनों कार्यों में होता है आगे बढ़े अगली भाषा है लोगो लॉजिक ठीक है बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक्स के द्वारा कंप्यूटर भाषा की शिक्षा दी जाती है फिर है पास्कल 1970 में निकोलस विर्थ ने इसका प्रयोग आविष्कार किया था बनाया था और प्रोग्रामिंग अवधारणा को अच्छे तरीके से सिखाने के लिए पास्कल भाषा का प्रयोग किया जाता है फिर है दोस्तों C, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम सुना होगा आपने इसका इसे 1972 में डेनिस रिची और केन थॉमसन के द्वारा बनाया गया था और यह बनाई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आज इसका प्रयोग विंडोज में होता है लिनक्स में होता है और भी कई जगह इसका प्रयोग होता है सी भाषा को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की जड़ माना जाता है सी भाषा एक मध्यम स्तर की भाषा है लेकिन फिर भी इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है बहुत बहुत-बहुत बातें। क्या प्रश्न बनेंगे अब हम यह डिस्कस करते हैं देखो पहला प्रश्न यहां से यह बनेगा फॉरटॉन फॉर का फुल फॉर्म बताइए फॉर ट्रेन का फॉर्म बताइए तो फॉर ट्रेन फौर्मुला, ट्रांसलेशन फॉर्म्यूला ट्रांसलेशन ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दूसरा फुल फॉर्म जो पूछा जा सकता है वो है कोबोल तो कोबोल याद रखिएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और तीसरा प्रश्न आ सकता है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ठीक है और यहां पर दोस्तों सी भाषा के बारे में प्रश्न आ सकता है पहला प्रश्न पूछेगा सी किस प्रकार की भाषा है तो आप बताएंगे यह उच्च स्तरीय भाषा है यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिर दूसरा पूछेगा हाई लेवल में भी कौन सी है तो बताएंगे कि यह है, एक सिक्वेंशियल ठीक है यह प्रोसीजरल यह प्रोसीजरल माफ कीजिए हाई लेवल लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल लिनक्स के कोड लिखने के लिए किया गया था लेकिन अब इसका इस्तेमाल विंडोज और लिनक्स दोनों में होता है और ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव मानी जाती है जड़ मानी जाती है दोस्तों पास्कल और लोगो इन दोनों भाषाओं का प्रयोग एजुकेशन के लिए किया जाता है लोगो का प्रयोग बच्चों की एजुकेशन के लिए और पास्कल का जो प्रयोग है वो बेसिक प्रोग्रामिंग्स के जानकारी देने के लिए पास्कल का उपयोग किया जाता है तो याद रखें हमने फोर uh, डिस्कस किया हमने लोगो की बात की हमने लिस्प की बात की बेसिक सी ये सभी किस प्रकार की भाषाएं हैं ये सभी हाई लेवल

ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं डेफिनेट सी बात है कि हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं पर हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं अब शब्द को समझिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसका मतलब यह है दोस्तों कि आज दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो भाषाएं काम करती हैं उन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा कहा जाता है बिल्कुल वास्तविक दुनिया के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकती हैं यूजर के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकती हैं उन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा कहा जाता है और इन भाषाओं में ये जटिल भाषाएं हैं डेफिनेट सी बात है और इन भाषाओं में सबसे प्रमुख है दोस्तों जावा जावा स्क्रिप्ट पाइथन रूबी सी प्लस प्लस ये प्रमुख ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं हैं दोस्तों तो याद रखिएगा फिलहाल हम इन्हीं भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं और ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं या रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए ये सॉफ्टवेयर बना सकती हैं वर्चुअल रियलिटी जैसे सॉफ्टवेयर ये इन्हीं भाषाओं में बनाए जाते हैं दोस्तों जो हम वर्चुअल रियलिटी के अलग अलग सॉफ्टवेयर देखते हैं ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं और कुछ प्रमुख ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाओं की बात करते हैं तो पहली भाषा है C++ C किस प्रकार की भाषा थी तो यह प्रोसीजरल लैंग्वेज थी ठीक है जिस पर लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया गया और बाद में विंडोज ने भी इसका इस्तेमाल किया लेकिन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो ये क्या करती है देखिएगा सी भाषा की कुछ विशेषताएं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कुछ विशेषताओं को मिलाकर के बनाया गया है इसे 1983 में जार ने स्टॉप स्ट्रिप्स जो भी इनका प्रोनाशिएशन हो विकसित किया गया था इसका प्रयोग कहाँ होता है गैम एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होता है और दूसरे एप्लीकेशंस को बनाने के लिए तो गेम्स बनाने में या फिर दूसरे एप्लीकेशंस को बनाने में C++ का इस्तेमाल होता है फिर है दोस्तों जावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जावा का तो इसका विकास उन्नीस में जेम्स गो, के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एप्लीकेशन को बनाने में एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में सर्वर एप्लीकेशन गेम डेवलप करने इन सब जगह इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली भाषा है जावा का पहले नाम ओक था आज जावा दुनिया की एक स्टैंडर्ड भाषा बन चुकी है जिसका प्रयोग हर एक क्षेत्र में किया जा रहा है जावा का लेटेस्ट वर्जन जावा एस ई फोर्टीन है जावा आ, के अंदर एक जावा का माइक्रो एडिशन है जावा स्टैंडर्ड एडिशन है और जावा एंटरप्राइज एडिशन है ये सब याद नहीं इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जावा का विकास जेम्स गोस्लिंग के द्वारा किया गया था और इसका प्रयोग हर प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाने में किया जा सकता है अब इसकी अगर फीचर्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सिंपल है सिक्योर्ड है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म रोबस्ट पोर्टेबल भाषा है डायनेमिक है हाई परफॉर्मेंस है ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं और हाईली यूज करते हैं हम जावा भाषा का प्रयोग ठीक है फिर आगे दोस्तों है एक सी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसे विकसित किया था और विंडोज प्रोग्रामिंग के लिए हम सी शार्प भाषा का इस्तेमाल करते हैं पाइथन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है पाइथन का पाइथन को गिडो वेन रोसम के द्वारा विकसित किया गया था पाइथन का प्रयोग वेबसाइट को बनाने में एप डेवलपमेंट में मशीन लर्निंग में और सभी प्रकार के कामों में हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं एक और भाषा है रूबी रूबी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है दोस्तों ठीक है और इसका विकास यूकी हीरो मार्ट मात्सु मोतो के द्वारा किया गया था फिर है प्रोलोग प्रोलोग इसका पूरा नाम प्रोग्रामिंग लॉजिक है याद रखिएगा यह एक उच्च स्तरीय भाषा है और इसका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया जाता है यहां कुछ दूसरी भाषाओं के नाम हैं जैसे कि ए एस पी एक्टिव सर्वर पेज जे एस पी जावा सर्वर पेज पी एच पी हाइपर टेक्स प्रोसेसर पर्ल प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज पी एल वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन ए पी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेटलै मैट्रिक्स लेबोरेटरी एलगोल एलगोरिदमिक लैंग्वेज ये डिस्कस कर चुके हैं मैथामेटिकिया लिटेक्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन प्रोलोग प्रोग्रामेबल ठीक है एडा और रूबी ये दूसरी कुछ प्रमुख भाषाएं हैं इसमें लिटिक्स याद रखना ये भाषा नहीं है एक सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट को बनाने का काम करता है ठीक है तो ये दोस्तों हमारी कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए अब जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं वो सिर्फ यही पूछे जाते हैं कि भैया बताओ ये प्रोल, इनके फुल फॉर्म एक तो इनके फुल फॉर्म याद रखना जो हमने पहले पढ़े हैं फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और सामान्यतः ये पूछ लिया जाता है कि हम अधिकांशतः किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं बेसिक भाषा क्या है कौन सी भाषा हाई लेवल है और कौन सी भाषा लो लेवल है एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये जो चार्ट है यहाँ पर एक मिनट हाँ ये ये बता रहा है कि कौन सी भाषाओं का हम ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जैसे 2019 का जो क्वार्टर थ्री है वो देखते-देखते और जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग 23 तो जैसा कि मैंने कहा कि जावा और पाइथन के बीच में ये रेस चलती रहती है जावा स्क्रिप्ट और पाइथन के बीच में फिर जावा एक भाषा है जो आप जानते हैं बाईस फिर उसके अलावा सी प्लस है पीएचपी है सॉरी सी है पी एच पी है सी प्लस प्लस है सी फिर आर फिर स्विफ्ट ऑब्जेक्ट सी और कोटलेन ये भी अलग अलग भाषाओं के नाम हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ भाषाओं के नाम याद रखिए और मूलभूत बातें याद रखिए टॉपिक आपका कवर हो जाएगा तो एक बार मैं क्विक आपको रिवीजन करा देता हूं और फिर हम कुछ अलग कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जस्ट वन मिनट हाँ जैसे कि अभी हमने भाषाओं के बारे में पढ़ा लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर सीधे समझ सकता है हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की है मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज जीरो वन के बाइनरी फॉर्मेट में होती है और इसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है असेंबली भाषा अल्फाबेट में लिखी जाती है और इसमें हाँ ये अल्फाबेट में लिखी जाती है और ये सरल भाषा होती है दोस्तों ठीक है इसके बाद हमने फिर बात की हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में हाई लेवल लैंग्वेजेस को हमने देखा कि इसमें तीन प्रकार की भाषाएं हैं एक प्रोसीजरल है दूसरा नॉन प्रोसीजरल और तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रोसीजरल में हमने फोर्टन डिस्कस किया सी डिस्कस किया बेसिक भाषा इंपॉर्टेंट है कोबोल इंपॉर्टेंट है पास्कल है लोगो है ये कुछ इंपॉर्टेंट भाषाएं थी नॉन प्रोसीजरल में एक ही थी एस और जो आ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसमें जावा जावा स्क्रिप्ट सी हैज सी शार्प सी प्लस प्लस ये सारी भाषा रूबी ये सब भाषाएं हमने डिस्कस की ठीक है इसके बाद दोस्तों ये कुछ फैक्ट हैं जैसे कि मशीनी भाषा के कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है असेंबली भाषा के कोड को न्यूमेनिक कोड कहा जाता है जबकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को सोर्स कोड कहा जाता है तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया फिर यहाँ लिखा हुआ है कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में सी सी प्लस प्लस और सी हैच का इस्तेमाल किया जाता है लिनिक्स में सी यूनिक्स में सी आई ओ एस और मैक में सी सी प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट सी एंड्रॉइड में सी सी प्लस प्लस और जावा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो ये कुछ और फैक्ट थे जो कि भाषाओं से जुड़े हुए थे ठीक है चलिए तो अब हमारे हम कंप्यूटर के आखिरी टॉपिक का अध्ययन करेंगे दोस्तों और आखिरी टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के अलग अलग ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार और फिर दुनिया के प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टमों की हम चर्चा करेंगे तो देखो इसके बेसिक को समझो तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सॉफ्टवेयर है साहब वो दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने पांच अलग अलग भागों में बांटा था और इसी में एक भाग था जिसे हमने ओ या ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया था और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मंच प्रदान करता है हार्डवेयर और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित होता है अर्थात वो कन्फिगर होते हैं और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके जो दूसरे माफ कीजिए इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके दूसरे ऑप्लिकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी सिस्टम पर रन करते हैं अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो इसका उदाहरण कंप्यूटर में हम देखें तो एक विंडोज है बहुत फेमस फिर मैकेस है इसके अलावा लिनिक्स है यूनिक्स है ये कुछ प्रमुख उदाहरण है अगर हम बात करें मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टमों की तो इसमें सबसे फेमस है Android, Android के अलावा अलावा ब्लैकबेरी, उसके ठीक है? इसमें भी विंडोज आता है तो ये किसके उदाहरण है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बेसिक चीज है दोस्तों ये एक मंच है जिसके ऊपर दूसरे एप्लीकेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर काम करते हैं आइए इसको पढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करता है तथा यूजर एवं हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है तो यही हमने बताया इंटरफेस का मतलब है दोनों को जोड़ना दोनों को जोड़ करके सामने रिजल्ट दिखाना कंफिगर करना इसको हम इंटरफेस कहते हैं दोस्तों इसके मुख्य कार्य डिवाइस को मैनेज करना डिस्क को मैनेज करना सिक्योरिटी मैनेज करना नेटवर्किंग करना यूजर इंटरफेस, मेमोरी प्रबंधन और प्रोसेसर प्रबंधन अब एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा कि यार इस मोबाइल का इंटरफेस अच्छा नहीं है इस मोबाइल का इंटरफेस अच्छा है ये वाला एंड्रॉयड का इंटरफेस अच्छा है तो इंटरफेस का मतलब है किस रूप में आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं आगे वो उसका इंटरफेस कहलाता है किस तरीके से वो अरेंज कर रहा है चीजों को ये इंटरफेस है ठीक है कितनी स्पीड है चीजों की मेमोरी कैसी है ये सारी चीजें अब आप देखिए एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं और लगातार चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है हमेशा मोबाइल्स में अपडेट आते हैं कि और उसमें हम क्या नया कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद देखें उदाहरण क्या है तो वही है एम एस ऑफिस हो गया जिसे एम एस डॉस कहा जाता है एप्पल हो गया विंडोज़ हो गया यूनिक्स लिनक्स एंड्रॉयड ये सारी चीज़ें विंडोज़ के दो हैं शुरुआत में एम एस डॉस का इस्तेमाल किया गया था और फिलहाल जो माइक्रोसॉफ्ट है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है और एप्पल में शुरुआत में एप्पल ही कहा जाता था बाद में इसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या मैकेंटॉस कहा जाने लगा और इसके भी अलग अलग वर्जन आते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों ठीक है अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं लगभग 20 प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लेकिन 14 के कुछ नाम है बस सिर्फ नाम याद रखिए इनको डिटेल से नहीं पढ़ना है ऑल दो मैं आपको नोट्स दूंगा उनको रीड कर लीजिएगा पर नाम देख लो जैसे एक है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां एक यूजर काम कर सकता है मल्टी यूजर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं लिनक्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अभी जितने भी आ, हम ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं जैसे विंडोज 10 हो गया 11 हो गया ये ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे एक से कामों को एक साथ करते हैं तो बैच फिर सिंपल टास्किंग एक ही टास्क करेगा मल्टी बहुत सारे टास्क एक साथ करता है जैसे हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग होते हैं ठीक है ये एक होना था सिंगल प्रोसेसिंग और ये मल्टी प्रोसेसिंग एक बार में एक प्रोसेसिंग सिंगल प्रोसेसिंग एक बार में बहुत सारी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग या प्रोग्रामिंग ठीक है फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये इनके अलग अलग प्रकार हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑल दो आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार रीड कर लीजिएगा हमने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी हैं जैसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय में केवल एक ही यूजर काम कर सकता है उदाहरण के लिए एम एस डॉस एंड्रॉय विंडोज नाइन्टी फाइव और विंडोज 98, एट इवन अभी जो हम 11 वगैरह चलाते हैं ये भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं फिर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय पर एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं उदाहरण के लिए दोस्तों लिनिक्स और यूनिक्स ये इसके एग्जांपल है फिर आया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ये एक इंटरफेस है जिस पर कार्य करने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है ठीक है और टेक्स्ट का प्रयोग होता है फिर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ग्राफिक्स का प्रयोग होता है उदाहरण के लिए विंडोज ठीक है फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब को एक साथ बैच के रूप में दिया जाता है तो ऐसे अलग-अलग प्रकार हैं इनको आप एक बार देख लीजिएगा अब इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है ये जो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इनके फैक्ट हमें याद हो जाए जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया किसने बनाया एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया एंड्राइड का ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया ये चीजें महत्वपूर्ण है तो चलिए अब हम कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है यहां से दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा एक टॉपिक पर सबसे पहले है जी एम ओ एस इसे कहा जाता है दोस्तों जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम ये माना जाता है कि दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1950 के दशक में IBM के द्वारा डेवलप किया गया था जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बाद आता है दोस्तों यूनिक्स यूनिक्स तो जो यूनिक्स है वो नवंबर 1971 में बनाया गया था इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे जैसे कि केन थॉम्पसन और ये सभी लोग बेल लेबोरेटरीज के लिए काम किया करते थे ये दोस्तों दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है इंपॉर्टेंट यह है कि ये एक ओपन माफ कीजिए इसमें सी और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया और यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है इसके बाद आता है डॉस यूनिक्स के बाद आता है एमएसडॉस डॉस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखा होगा आप लोगों ने फॉर श्योर sure. ठीक है 1981 में आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने मिलकर के डेवलप किया था और इसमें दोस्तों सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था फिर आता है इसके बाद फिर आता है दोस्तों अगला जो है विंडोज के अलग अलग प्रकार तो ये देखिए विंडोज के अलग-अलग प्रकार हैं शुरुआत विंडोज ने कहां से की थी तो 1985 में विंडोज का पहला वर्जन आया था जिसे 1.0 कहा गया ये देखिए 1.0 और इसके बाद आप देखिए फिर विंडोज 3.1 आया विंडोज 95 विंडोज XP विंडोज विस्टा विंडोज 7 विंडोज 8 विंडोज 10 और 2021 में विंडोज 11 को रिलीज़ किया गया जिसका इस्तेमाल अभी हम ज्यादातर रोक कर रहे हैं तो ये विंडोज के अलग-अलग वर्जन है विस्टा एक्सपी प्रोफेशनल XP ME 2000 NT 95 NT तो ये अलग-अलग वर्जन है विंडोज के और ये आगे भी अपडेट होते रहेंगे फिलहाल इतना याद रखो कि विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया शुरुआत में इसमें सिर्फ सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था अब इसमें सी प्लस प्लस भाषा का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है Windows का पहला वर्जन 1.0 था, जो कि 1985 में रिलीज किया गया था 2021 में विंडोज ने अपने नए वर्जन विंडोज 11 को दोस्तों रिलीज किया है ठीक है ये इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की बात करें लिनिक्स मल्टी यूजर ओपन सोर्स ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनिक्स ठीक है इसे 1991 में डेवलप किया था लिनिक्स ने ठीक है यह मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इंपॉर्टेंट है यह ओपन सोर्स है मतलब ये पूरी तरीके से मुफ्त है इसके सोर्स कोड भी दिए गए हैं दोस्तों लिनक्स लिनक्स के बाद आता है मैक ओएस जिसे मैक मैकइंटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है मैकइंटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है और इसे 1984 में एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था फिर है आईओएस इसे आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है जिसका इस्तेमाल मोबाइल के लिए किया जाता है इसमें सी सी प्लस प्लस स्विफ्ट और ऑब्जेक्ट सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है इसे 2007 में एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था फिर दोस्तों Android है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये डेवलप किया गया था गूगल के द्वारा ठीक है गूगल के द्वारा देखें इसमें ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स पर बेस्ड है जो कि लिनक्स पर बेस्ड है आ, ये बनाया था ओपन हैंडसेट अलायंस और गूगल ने मिलकर के सितंबर 2008 में इसमें प्रमुख जो लोग शामिल रहे वो एंडी रुबिन रिच माइनर और निक सीर्स हैं ये जावा का प्रयोग करता है अपने यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए सी भाषा का प्रयोग करता है कोर बनाने के लिए और सी प्लस प्लस, प्लस भाषा का इस्तेमाल करता है दुनिया का पहला जो एंड्रॉयड डिवाइस है या मोबाइल है वो एचटीसी का ड्रीम नाम का फोन था जो दुनिया की पहली एंड्रॉयड डिवाइस है तो एंड्रॉयड कब आया दो में किसने बनाया गूगल ने बनाया आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया 2007 में किसने बनाया एप्पल ने बनाया मैक का फुल फॉर्म मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के कंप्यूटरों में इस्तेमाल किया जाता है और इसे 1984 में एपल ने बनाया। विंडोज का पहला जो सॉफ्टवेयर आया वो 1985 में आया जिसे विंडोज 1.0 कहा गया 2021 में विंडोज का ग्यारहवा वर्जन आया है लिनक्स एक मल्टी प्रोग्रामेबल मल्टी प्रोसेसिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है Linux, ये आपको याद रखना है ठीक है तो लिनिक नाम का एक सॉफ्टवेयर भी प्रिपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया अब अगर दोस्तों विंडोज की तरह आप एप्पल की बात करें तो एप्पल ने सबसे पहले जो लॉन्च किया था आ, पुराना जो एप्पल का बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जस्ट जस्ट जस वन मिनट ठीक है तो ये उन्होंने लॉन्च किया था इसके लिए 1997 में और अभी इसके बाद आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बढ़ता गया और 2021 में एप्पल का जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11 या बिग सुर के नाम से भी जाना जाता है 2020 में उन्होंने कैटलिना लॉन्च किया था 19 में मोजावे लॉन्च किया था 18 में हाई सियरा लॉन्च किया था इसके अलावा आप देखें कि आ, 2011 में 11-12 के बीच में लाइन नाम का सॉफ्टवेयर उन्होंने लॉन्च किया था अभी एप्पल में आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहले एप्पल दूसरी कंपनियों के प्रोसेसर को इस्तेमाल करता था अब एप्पल अपने खुद के प्रोसेसर बनाने लगा है तो एप्पल का जो पहला प्रोसेसर था दोस्तों उसका नाम है एप्पल ए फोर जो 2010 में इन्होंने लॉन्च किया था और अभी अभी आप देखिए कि अब एप्पल A1 M1 इस प्रकार की नई नई चिपों को लॉन्च कर रहा है तो एप्पल M1 ये सारे एप्पल के खुद के प्रोसेसर हैं जो डेवलप कर रहा है इसी तरह दोस्तों ये एंड्रॉइड के अलग अलग वेरिएंट हैं पहला एंड्रॉयड का वेरिएंट सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था जिसे एंड्रॉयड 1.0 कहा गया फिर इनके नाम स्वीट डिशेस के नाम पर बनाए गए कपकेक डोनट क्लियर ठीक है आइसक्रीम सैंडविच ठीक है हनीकॉम और ये क्या है सिंगर ब्रेड ठीक है फ्रोयो ये नाम बनाए गए जेली बीन किट कैट लॉलीपॉप मार्शमेलो नोगट ये अलग-अलग नाम बनाए गए ठीक है, है ओरियो पाई एंड्रॉइड 10 एंड्रॉइड 11 और अभी 17 अक्टूबर 2021 को एंड्रॉइड 12 लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 12 लॉन्च किया गया है ठीक है तो ये एंड्रॉइड का नया वर्जन है ठीक है एंड्रॉइड का नया वर्जन है एंड्रॉइड 12 तो इनको एक बार देख लीजिए लिस्ट है अब दोस्तों हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जहां हमें कंप्यूटर के पोर्ट्स को डिस्कस करना है तो जब आप एक कंप्यूटर को देखते हैं या लैपटॉप को देखते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के पोर्ट होते हैं तो इनके बस फुल फॉर्म याद रखो जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट होता है यूएसबी। तो यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस प्लीज याद रखना यूएसबी और आजकल आप देख रहे होंगे कि यूएसबी में भी अलग अलग तरह के वो आ रहे हैं जैसे यूएसबी वन तो यूएसबी वन के द्वारा 12 एमबीपीएस पर सेकंड को सपोर्ट किया जाता था यूएसबी टू चार सो एम बी पर सेकंड को सपोर्ट करता है और यूएसबी थ्री फाइव जी बी पर सेकंड को सपोर्ट करता है ठीक है दूसरा आप एक सॉफ्टवेयर देखिए इसमें एक होता है पैरेलल पोर्ट एक होता है गेम स्पोर्ट एक होता है वीजीए पोर्ट एक होता है डिजिटल वीडियो इंटरफेस इसके अलावा भी ऑडियो के अलग-अलग जैक -अलग होते हैं जिनके नाम दिए गए हैं तो सीरियल पोर्ट कुछ इस तरह का दिखाई देता है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों पैरल पोर्ट इस तरह का एक पोर्ट होता है फिर पी एस टू पोर्ट पर्सनल सिस्टम टू यूएस बी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस वी जी ए पोर्ट वीडियो ग्राफिक एरे का पोर्ट होता है पावर कनेक्टर फायरवेयर मॉडेम का एक पोर्ट होता है जिसका उपयोग हम इंटरनेट के लिए करते हैं डी वी आई पोर्ट डिजिटल वीडियो इंटरफेस एच डी एम आई का फुलफॉर्म पूछा गया था हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस तो इसके साथ दोस्तों हमारा कंप्यूटर वाला टॉपिक खत्म होता है यहां हमने कुछ तथ्य दिए हैं कुछ फैक्ट्स दिए हैं मैंने 50 फैक्ट पर दिए हैं दोस्तों डिफरेंट फैक्ट्स हमने आपको दिए हैं प्लीज प्लीज इनको घर जाके जरूर पढ़ना जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो इन 50 तथ्यों का अध्ययन जरूर करना यहां से बहुत सारे प्रश्न आएंगे और जब आप ये पीडीएफ पढ़ लोगे तब हम आपके एम का एक टेस्ट रखेंगे कंप्यूटर का जहाँ हम कंप्यूटर के सारे एम लगभग 200 प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि कंप्यूटर का ये जो टॉपिक है जिसे हमने पढ़ना शुरू किया था लगभग लगभग मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटे के टॉपिक में हमने पूरे कंप्यूटर को ख़त्म किया है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा तो ये कंप्यूटर के पूरे टॉपिक हैं दोस्तों जो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं जिनको आप देख सकते हैं हमने शुरुआत की थी परिचय से और हमने इसे खत्म किया है ऑपरेटिंग सिस्टम और पोर्ट्स पर ला करके ठीक है वहाँ पर हमने शुरू किया है तो ये चीज आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ठीक एक और बात याद रखिए दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड जो बातें हमने पढ़ी हैं किसके एम भी हम आगे जाकर के सॉल्व करेंगे मेक श्योर sure कि आप सारी पी को रिवाइज कर रहे हैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तभी जा करके आप एम को अटैम्प्ट कर पाएंगे अब हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है इंटरनेट एक बार देख लो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये डिस्काउंट मिलेगा अनलॉक ट्वेंटी पर अभी दस की जगह आपको एक सौ निन्यानवे शुरू करते हैं और अगले टॉपिक का नाम है जो हमारा आज का मुख्य विषय है इसका नाम है दोस्तों इंटरनेट तो अब हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेट की बात करेंगे फिर दीजिए मुझे सॉफ्टवेयर टॉपिक को हम निकाल लें फिर हम ये टॉपिक Discuss करेंगे इंटरनेट चलिए तो दोस्तों अब हमें इंटरनेट वाले टॉपिक को डिस्कस करना है याद रखिए इंटरनेट को संचार और प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसी के कारण आधुनिक युग को इंटरनेट और कंप्यूटर का युग कहा जाता है बिकॉज जितना रेवोल्यूशन जितनी बड़ी क्रांति इंटरनेट दुनिया में लेकर के आया है आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अविष्कार इतनी क्रांति दुनिया में लेकर के आया है बिकॉज आप आज देखेंगे कि हर क्षेत्र में हम इंटरनेट के बिना किसी भी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते इंटरनेट की वजह से आज ये एजुकेशन पॉसिबल हो पाई है जो आप रिमोट एरियाज में लेकर के भी कहीं पर भी और मैं अपने घर पर रह कर के क्लासेस कंडक्ट कर सकता हूँ इतनी सारी इंटरनेशनल पेमेंट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें ओ और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम ढेर सारा कॉन्टेंट देख सकते हैं रिसर्च के लिए ढेर सारी चीज़ें जो हमें गूगल पर मिलती हैं तो नेचुरल सी बात है कि यही कारण है कि इंटरनेट को न सिर्फ एमपीपीएससी बल्कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए दोस्तों ये अध्याय शुरू करने से पहले मैं एक उम्मीद करके चल रहा हूँ कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहाँ हमने संचार की बात की थी आईसीटी का हमारा पहला लेक्चर था जहाँ हमने नेटवर्क को डिस्कस किया था और वहाँ हमने बहुत सारी बातों की चर्चा की थी कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है टॉपोलॉजी क्या होती है तो मेक श्योर sure कि यह लेक्चर शुरू करने से पहले आपने वो पहला वाला लेक्चर देखा है क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें उससे जुड़ी हुई रहेंगी तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस टॉपिक को हमें कौन कौन सी बातों की चर्चा करनी है तो इस टॉपिक को हम 10 भागों में बांट करके पढ़ेंगे दस अलग अलग पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे सबसे पहले हम इंटरनेट की सामान्य जानकारी लेंगे एक जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे यहाँ पर हम दो तीन बातों की चर्चा करेंगे यहाँ पर हम समझेंगे इंटरनेट क्या होता है हम ये भी समझेंगे कि इंटरनेट किस तरह काम करता है ये दो सबसे बड़े टॉपिक होंगे हम इंटरनेट के लाभ और हानियों की चर्चा भी करेंगे ये भी देखेंगे कि इंटरनेट पर मालिकाना हक किसका है इंटरनेट पर ऑनरशिप किसकी होती है दोस्तों फिर दूसरे टॉपिक में हमें इंटरनेट के इतिहास का अध्ययन करना है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात करनी है यहां हमें ग्रेजुअली समझना है कि कैसे इंटरनेट का कंसेप्ट जेसी लिक्लाइडर ने दिया उसके बाद अमेरिका की एक रक्षा कंपनी ने आरपानेट के द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की फिर विंट सर्फ और बॉब कान के द्वारा टीसीपी प्रोटोकॉल बनाया गया जिसके बाद इंटरनेट पॉसिबल हो पाया और विंट सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है तो उस इतिहास को हम इस दूसरे हिस्से में समझेंगे फिर हम भारत में इंटरनेट की चर्चा करेंगे कि भारत में इंटरनेट कैसे शुरू हुआ और कैसे इसका धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ और कमी आई वाले टॉपिक में हमने इंटरनेट की कुछ नीतियों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था फिर दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आएंगे जहां हमें इंटरनेट के अलग अलग प्रोटोकॉल की बात करनी है इंटरनेट के सबसे ब्रोसिक जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है टी सी प्रोटोकॉल पर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल इंटरनेट पर होते हैं प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम ठीक है एक नियम है दोस्तों जो इंटरनेट पर मदद करते हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर या सूचना के आदान और प्रदान में उसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं इंटरनेट के प्रोटोकॉल पढ़ने के बाद हम इंटरनेट एड्रेस को समझेंगे कि इंटरनेट पर जब एक वेबसाइट आप देखते हो तो उसमें एच होता है डब्लू होता है डॉट होता है कहीं डॉट होता है तो इनके नाम क्या हैं और इनका अर्थ क्या है www आखिरकार क्या है इन सब टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे फिर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ती है ये भी देखेंगे जैसे मॉडेम सबसे ज़रूरी डिवाइस है इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए मॉडेम के अलावा हब रिपीटर और भी बहुत सारी डिवाइस की जरूरत पड़ती है तो हम उन डिवाइस का अध्ययन करेंगे दोस्तों हम इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ प्रमुख टूल्स को समझेंगे जैसे कि इसमें कुछ प्रमुख टूल आता है वेब ब्राउजर सर्च इंजन हाइपर टैक्स हाइपर लिंक हाइपर मीडिया ब्लॉग तो ये सारी चीज़ें क्या हैं ये इंटरनेट के टूल्स कहलाते हैं इनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे फिर दोस्तों हम इंटरनेट से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों की बात करेंगे देखिए इंटरनेट पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं है बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं जो कि इंटरनेट को नियमित करने का काम करते हैं या रेगुलेट करने का काम करते हैं ताकि इंटरनेट बिना किसी बाधा के चल सके तो यहाँ हमें उन्हीं संगठनों की बात करनी है अंतरराष्ट्रीय संगठन भी डिस्कस करेंगे और भारत के जो संगठन हैं उनकी चर्चा भी हम करेंगे फिर दोस्तों हम यहाँ पर एक टॉपिक है जिसमें हम इंटरनेट की शब्दावली पढ़ेंगे ये गलत हो गया है सामान्य जानकारी नहीं ये इंटरनेट की शब्दावली है और फिर हम कुछ अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे कुछ अदर फैक्ट्स की हम स्टडी करेंगे इस तरह कुल दस भागों में बांट करके हमें इंटरनेट वाले टॉपिक का अध्ययन करना है उम्मीद यही करेंगे कि आप इस टॉपिक को उतना ही इंजॉय करें जितना आपने कंप्यूटर को किया था और बहुत ध्यान से फोकस होकर एक, एक कंसेप्ट को समझना मैग्जिम चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे और फिर इसके बाद जब हम सोशल मीडिया पढ़ लेंगे तो, तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इंटरनेट के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे तो सामान्य परिचय में हमें सामान्य जानकारी कार्य प्रणाली इंटरनेट वेब के प्रकार इंटरनेट का मालिक इंटरनेट की सुविधाएं और इंटरनेट के लाभ तथा हानियों का अध्ययन करना है तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी हमें छह सब टॉपिक पढ़ना है तब जाकर के ये कंप्लीट होगा आइए शुरू करते हैं इंटरनेट की कहानी दोस्तों इंटरनेट का जो फुल फॉर्म है तो इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है ये पहला चीज याद रखिएगा सामाज इसे अंतरजाल भी कहा जाता है ठीक है इंटरनेशनल नेटवर्क तो आप क्या है इसको समझिए और बहुत ध्यान से आप फोकस कीजिए तो इंटरनेट क्या करता है दुनिया के अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक -अलग उपकरणों को खास तौर पर हम कहें कि दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम इंटरनेट के द्वारा किया जाता है दुनिया भर में हजारों लाखों ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें इंटरनेट चलता है उन सभी डिवाइस को आपस में जोड़ना इंटरनेट कहलाता है दोस्तों इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है इसके अलावा इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है अर्थात इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है इंटरनेट के कारण आज की दुनिया को हम संचार का युग कहते हैं इरा ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेट क्या है तो जवाब दीजिएगा कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है इंटरनेट शब्द की उत्पत्ति की दो अलग अलग कहानियां हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंटरनेट शब्द पहली बार उन्नीस में फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल के द्वारा दिया गया था जबकि अन्य किताबों में लिखा हुआ है कि विंट जिन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है उन्होंने पहली बार इंटरनेट शब्द को उन्नीस था 1974 में प्रेजेंट किया था अब देखिए से एक ही प्रश्न जर्नली बनता है कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है तो वो विंट ग्रे सर्फ को कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल को बनाया था जिसका उपयोग आज इंटरनेट करता है अब अभी हम समझेंगे कि यह प्रोटोकॉल क्या है और यह सारी चीजें क्या है फिलहाल आपके दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दुनिया की ऐसी सभी डिवाइस जिन्हें इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है उनको आपस में जोड़ने का काम इंटरनेट करता है और आसान भाषा में दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं, तो उन सभी कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ना इंटरनेट कहलाता है दोस्तों आपको याद होगा तो नेटवर्क वाली क्लास में हमने नेटवर्किंग के अलग अलग प्रकारों को पढ़ा था और वहां हमने आपको बताया था कि ऐसा नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है तो इंटरनेट भी एक वाइड एरिया नेटवर्क है क्योंकि ये दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना है और वो टॉपिक है इंटरनेट की कार्य प्रणाली अब पूरा फोकस रखिएगा कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है तो इंटरनेट का काम क्या है जैसे अगर हम ये मान लें कि ये हमारी पूरी दुनिया है साहब ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पर एक कंप्यूटर है यहां पर एक कंप्यूटर है यहां पर है यहां पर है यहां पर एक कंप्यूटर है इस प्रकार से अलग अलग कंप्यूटर फैले हुए हैं तो इंटरनेट क्या करता है इंटरनेट इन सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है ठीक है ये सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो ये इंटरनेट का मुख्य काम है लेकिन दोस्तों मुझे ये बताओ ऐसे हजारों लाखों कंप्यूटर होंगे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो सवाल ये पैदा होता है कि सर इंटरनेट आखिरकार काम कैसे करेगा क्योंकि इसी डायग्राम में आप देखो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड जाल है ये क्योंकि एक कंप्यूटर सिर्फ दूसरे कंप्यूटर से नहीं जुड़ा वो दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है तो अब इस चीज को समझते हैं कि इंटरनेट फंक्शन कैसे करता है तो मान लीजिए कि इंटरनेट पर एक ये कंप्यूटर है ए और ये दूसरा कंप्यूटर है एस सच हमने मान लिया कि बी और यहां से एक इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के द्वारा यहां तक भेजा जाना है तो ये काम कैसे होगा तो इस काम के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का जिसे हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं जिसे हम टी सी प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं अब ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि एक मैसेज है और वो हम मैसेज एक बना लेते हैं हमेशा की तरह हमारा प्यारा सा मैसेज एक मैसेज हमें भेजना है आई लव यू ये मैसेज ए नाम के व्यक्ति से बी नाम के व्यक्ति तक जाना है तो ये कैसे जाएगा तो इसके लिए इंटरनेट दो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा एक टीसीपी प्रोटोकॉल और दूसरा आईपी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम ठीक है या नियमों का एक समूह जिसके आधार पर चीजें चलती हैं प्रोटोकॉल का हम सामान्य जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं कि प्रोटोकॉल का पालन कीजिए इसका मतलब होता है नियम का पालन कीजिए तो इंटरनेट पर बहुत सारे नियम बनाए गए हैं ताकि इंटरनेट आसानी से चल सके तो सबसे पहले दोस्तों आईपी प्रोटोकॉल की बात करते हैं अब समस्या यहां पर यह है कि ये जो ए नाम का कंप्यूटर है ये दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है और इसे एक मैसेज भेजना है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या आई लव यू और ये मैसेज बी नाम के व्यक्ति को ही जाना चाहिए अन्यथा बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं तो दोस्तों एक प्रोटोकॉल इसमें काम करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल इसके द्वारा क्या किया जाता है दुनिया में जितनी भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं उनका एक विशिष्ट पता उनको दिया जाता है उनका एक एड्रेस दिया जाता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है मैं फिर से रिपीट करूंगा। दुनिया में जितनी भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती है उन सभी डिवाइस का अपना एक पता होता है और उसी पते को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है और एक डिवाइस का पता कभी दूसरी डिवाइस का नहीं होगा मतलब एक जैसा एड्रेस कभी भी नहीं होता है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुनिया में आज अरबों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट से चलती हैं और हर एक डिवाइस का अपना एक अलग पता है, जैसे हर एक इंसान का अपना एक स्पेसिफिक डीएनए होता है उसी तरह इंटरनेट से जुड़ी हुई हर एक डिवाइस का अपना एक पता होता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है तो अब जब ए वाला व्यक्ति को बी वाले बंदे को मैसेज भेजना है तो इन दोनों कंप्यूटरों को अपना अपना आईपी पता रहेगा तो अब यहां पर कहीं मैसेज नहीं जाएगा वो मैसेज बी के पास ही जाएगा तो सर ये तो आपने बता दिया कि हम बी के पास ही मैसेज जाएगा क्योंकि पता लिखा हुआ है मतलब इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से समझिए कि मैं एक पत्र लिख करके भेज रहा हूं तो मैंने अपने लेटर पे पता लिख दिया तो सर ये तो क्लियर हो गया कि अब ये इसी पते पर पहुंचेगा लेकिन दूसरा प्रश्न अब भी है कि ये जानकारी यहां से यहां तक जाएगी कैसे तो यहां पर फिर काम आता है टीसीपी प्रोटोकॉल ये क्या करता है दोस्तों ये काम करता है पैकेट स्विचिंग पर फिर से बता दूं ये काम करता है पैकेट स्विचिंग पर मतलब ये होगा दोस्तों कि ये जैसे हमारा एक मैसेज था कि आई लव यू ये क्या करेगा ये इस पूरे मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और जब ये आखिरी पर पहुंचने वाले होते हैं तो वापस में एक पूरा मैसेज बन जाता है तो जब यह मैसेज ए से बी तक जाएगा तो पहले ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा जिसे पैकेट कहा जाता है और फिर जब वो बी के पास पहुंचने वाला होगा सारी जानकारी एक साथ आ जाएगी तो इस पूरी प्रक्रिया को पैकेट स्विचिंग कहा जाता है मतलब ये हुआ इंटरनेट पर जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैकेट स्विचिंग के द्वारा पहुंचाई जाती है इसीलिए दोस्तों इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है -पी -पी प्रोटोकॉल क्योंकि दोनों के बिना इंटरनेट का काम नहीं होगा ये इंटरनेट के मूलभूत प्रोटोकॉल कहलाते हैं दे आर नोन एज फंडामेंटल प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट समझ में आया ये तो यहां तक बात हो गई सर इंटरनेट पर हम एक जानकारी दूसरी जानकारी पर ले कैसे जाएंगे अब और बेसिक समझते हैं कि सर इंटरनेट बिल्कुल काम कैसे करेगा तो इंटरनेट में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कंप्यूटर है ये एक कंप्यूटर है और यहां पर एक दूसरा कंप्यूटर है और हमें एक जानकारी को वहां तक ले जाना है कंप्यूटर को ले जाना इंटरनेट के द्वारा तो हर एक कंप्यूटर में अपनी एक मेमोरी होती है जिसे हम कंप्यूटर का सर्वर कह सकते हैं जहां पर पूरा डेटा स्टोर होता है इसी तरह यहाँ पर भी एक मेमोरी रहेगी तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों को हमें इंटरनेट से जोड़ना होगा और इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा इन दोनों कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगा ये सबसे बेसिक काम है दोस्तों सर ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं तो दोस्तों ये कंपनी होती है जो कि इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं जैसे भारत में एक कंपनी है बी एस एन एल एक कंपनी है आइडिया फिर एक है जियो एयरटेल ये सब कंपनियां क्या करती हैं ये इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करती हैं इसीलिए इन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है अब क्या होगा अब दोनों कंप्यूटरों को अगर आपस में जोड़ना है तो इसमें एक उपकरण लगाया जाता है दोस्तों कंप्यूटर में और इस उपकरण को मॉडेम कहा जाता है मॉडेम, ठीक है और ये जो मॉडेम है यही इंटरनेट कनेक्ट करवाता है दो कंप्यूटरों के बीच में। तो अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है दोनों कंप्यूटर में मॉडेम फिट है तो बस एक जानकारी दूसरे एक जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है तो इस तरह काम करता है इंटरनेट सबसे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों हमारे पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए फिर एक सर्वर होगा फिर एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी राउटर की जरूरत पड़ेगी और एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी इस तरह इंटरनेट काम करता है अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे तो पहला प्रश्न वो पूछेगा कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है तो आंसर क्या होगा इंटरनेशनल नेटवर्क दूसरा पूछेगा इंटरनेट क्या है तो बताइएगा समान प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना इंटरनेट कहलाता है फिर तीसरा प्रश्न करेगा कि इंटरनेट जो है वो किस प्रोटोकॉल सबसे इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल क्या है फंडामेंटल प्रोटोकॉल क्या है तो आंसर करेंगे टीसीपीआईपी जो है वो इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल है टीसीपी पैकेट स्विचिंग का काम करता है आईपी इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइसेस का एक विशिष्ट पता होता है फिर वो अगला प्रश्न पूछेगा कि इंटरनेट पर एक जानकारी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजी जाती है तो बताएंगे टीसीपी प्रोटोकॉल के द्वारा पैकेट स्विचिंग के माध्यम से जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है इंटरनेट सेवाएं प्रदान कौन करता है तो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है भारत में एयरटेल जियो ये सारी कंपनियां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम करती हैं तो ये है दोस्तों इंटरनेट के बारे में बिल्कुल बेसिक सामान्य जानकारी जिसके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए बताइए स्पष्ट है अब समझ में आ रहा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है और भी इंटरेस्टिंग बात आपको पता है कि दुनिया में इंटरनेट को जोड़ने के लिए समुद्रों में लाइंस बिछाई जाती हैं ऑप्टिकल केबल बिछाई जाती है ताकि इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह पर जोड़ा जा सके लेकिन एलन मस्क का कहना है कि वो एक चीज बना रहे हैं जिसे स्टार कहा जा रहा है इसमें हम सेटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे गूगल ने भी उसकी कंपनी कंपनी में में। अभी इन्वेस्ट किया है है? एलन साहब की में। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब सामान्य परिचय के तहत ही एक बात आपको और समझना है कि इंटरनेट पर दोस्तों जितना भी डेटा है इंटरनेट पर जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं, उन्हें तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है मतलब ऐसा मान के चलिए कि इंटरनेट पर जितनी भी जानकारी है विच इज ह्यूज ठीक है जितनी भी जानकारी इंटरनेट पर है उसे तीन भागों में बांटा गया है सबसे पहला भाग कहलाता है दोस्तों सरफेस वेब दूसरा भाग कहलाता है डीप वेब और तीसरा भाग कहलाता है डार्क वेब अब इनको समझते हैं और जानते हैं कि इनका महत्व क्या है तो देखिए दोस्तों सबसे पहला भाग कहलाता है इसे हम सरफेस वेब के नाम से जानते हैं जो इंटरनेट का चार प्रतिशत है सर क्या होता है सरफेस वेब आइए समझने की कोशिश करते हैं ये इंटरनेट का एक ऐसी या इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी इंफॉर्मेशन है ऐसी जानकारी है जिसे सामान्य तरीके से बिना किसी अनुमति के एक्सेस किया जा सकता है और यह पब्लिक डोमेन में होती है सरफेस वेव इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी जानकारियां हैं जिनको प्राप्त करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल के लिए विकीपीडिया एग्जाम्पल के लिए गूगल का सर्च इंजन याहू फेसबुक इंस्टाग्राम आप जाइए इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप और हम बहुत इजीली इन चीजों तक पहुंच सकते हैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ चार प्रतिशत हिस्सा है सिर्फ फोर परसेंट पार्ट है जो पब्लिक डोमेन में है या जिसे आम लोग एक्सेस कर सकते हैं पर ये सिर्फ चार परसेंट है ओनली फोर परसेंट का मतलब इतना इंटरनेट मुझे याद है कि मैं कितनी सारी सर्फिंग कर चुका हूं आप भी कितनी सर्फिंग कर चुके हैं इंटरनेट पर पर ये सिर्फ फोर परसेंट है पूरे इंटरनेट का जो जानकारी हमें पब्लिक डोमेन में होती है इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है इसे हम डीप वेव कहते हैं डीप डीप ठीक है है वेव इसमें होता है ऐसी जानकारी जिसके लिए अनुमति की आवश्यकता होती है या सिंपल भाषा में कहें जिसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड की जरूरत होती है इसमें कंपनियों का डेटा होता है इसमें दोस्तों डेटा होता है गवर्नमेंट एजेंसीज का ये सारी चीज़ें इसका एक एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि जब हम एक पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसको देखने के लिए हमें आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है तो वो डीप वेव के अंदर आता है जिसे देखने के लिए एक आईडी पासवर्ड या अनुमति की जरूरत होती है इंटरनेट का सबसे बड़ा भाग यही है दोस्तों डीप वेव सबसे बड़ा भाग है इंटरनेट का ये बहुत सारी चीजें यहीं पर स्टोर करके रखी जाती हैं। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों सबसे खतरनाक सबसे डेंजरस डार्क वेव डार्क वेव ये जो डार्क वेव है ये इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप सामान्य ब्राउजर के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते या सामान्य तरीके से आप नहीं खोल सकते इसे एक्सेस करने के लिए आपको टॉर नाम के एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है द अनियन राउटर इसका फुल फॉर्म है द अनियन राउटर इसी ब्राउजर के द्वारा आप डार्क वेब पर जा सकते हैं दोस्तों डार्क वेब पर बहुत सारा क्राइम हैकर्स ये सारे लोग डार्क वेब पर पाए जाते हैं और डार्क वेब पर इलीगल गतिविधियां होती हैं अवैध गतिविधियां होती हैं और जितना भी पेमेंट डार्क वेब पर होता है वो सारा पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के द्वारा होता है साइबर क्राइम की दुनिया जो है दोस्तों वो डार्क वेब में ही आती है तो ये इंटरनेट के तीन अलग अलग हिस्से हैं पूछा जाता है प्रश्न सामान्यतः कि वह हिस्सा जिसे बिना अनुमति के एक्सेस किया जा सकता है वो सरफेस वेव है जो चार परसेंट बनाता है वह हिस्सा जहाँ जाने के लिए आईडी पासवर्ड या अनुमति की जरूरत पड़ती है वो डीप वेव कहलाता है और वह हिस्सा जो कि इंटरनेट का एक ऐसा भाग है जहां अवैध गतिविधियां होती हैं और एक विशेष ब्राउजर की आवश्यकता जाने के लिए पड़ती है उसे दोस्तों डार्क वेब के नाम से जाना जाता है इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है तो डीप वेब जो है वो इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है दोस्तों एक बार इनको पढ़ लीजिए तो सरफेस वेव की डेफिनेशन इस तरीके से बनाई जाएगी एक ऐसा वेव जो सर्वर पर स्टोर है और जिसे एक्सेस करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती यह गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन के रिजल्ट में आसानी से मिल जाता है फेसबुक यूट्यूब गूगल ट्विटर याहू माइक्रोसॉफ्ट फ्लिपकार्ट आदि डीप वेव इस प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है जैसे प्रत्येक कंपनी का अपना पर्सनल डेटा होता है गवर्नमेंट का अपना डेटा होता है वो सारी चीजें डीप वेव पर जाती हैं डार्क वेव यह एक ऐसा वेव है जिसको देखना अवैध होता है यहाँ पर हैकिंग मर्डर हथियारों की खरीद फरोख्त ड्रग्स की तस्करी जैसे अपराध होते हैं इसे खोलने के लिए टॉर द अनियन राउटर नाम के एक विशेष ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर जितना भी लेन देन होता है वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होता है दोस्तों तो ये इंटरनेट के तीन अलग अलग हिस्से हैं सरफेस डीप और डार्क वेब उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गया तो अभी तक हमने इंटरनेट को समझा फिर हमने इंटरनेट की कार्य को समझा और हमने ये समझा कि इंटरनेट पर जितनी भी जानकारी है उसे तीन भागों में हम बांट कर देख सकते हैं दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की हम बात करते हैं और अब हमें डिस्कस करना है कि इंटरनेट का मालिक कौन है हु इज द ऑनर ऑफ इंटरनेट तो दोस्तों दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है देयर इज नो ट internet. Internet हाँ, पर जाने के लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसे देने पड़ते हैं और अगर आप डीप वेब की कोई जानकारी ले रहे हो तो आई डी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है इसीलिए इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है बस इंटरनेट पर नियामक संस्थाएं हैं इंटरनेट की अलग अलग रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं इंटरनेट के स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल सेट करने के लिए ऐसे संस्थानों में कुछ नाम है एक है इंटरनेट सोसाइटी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड इंटरनेशनल सॉरी आई कैन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड दंबर इसका फुल फॉर्म पूछा गया था याद रखिएगा डोमेन नेम रजिस्टर्स आई आर टी एफ इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स फिर आई ई टी एफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू थ्री सी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ठीक है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्हें हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे फिलहाल अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इंटरनेट का कोई मालिक है जवाब होगा नहीं इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है कुछ संस्थाएं हैं जो इनको नियंत्रित करती हैं दो संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक तो आई कैन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर और दूसरा डब्ल्यू थ्री थ्री सी वर्ल्ड वाइड वेव Consortium. इनके नाम आपको जरूर याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं दोस्तों आगे हम इनकी डिटेलिंग भी करेंगे ठीक है आगे बढ़े कि इंटरनेट से हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज हम इंटरनेट से मिलती हैं तो देखिए हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इंटरनेट पर जब हम सर्च करते हैं चीजों को तो उसे वेब सर्फिंग कहा जाता है उसके अलावा डब्ल्यू की सुविधा है इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक इमेज इन सब की सुविधा है ई e कॉमर्स है इंटरनेट टी है चैटिंग है वीडियो कॉल है ऑनलाइन शॉपिंग है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर टेल नेट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है टेल नेट एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़े विश्व के किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन कर उस पर कार्य कर सकते हैं तो जब जब कंप्यूटर में हम माफ कीजिए जब जब हम इंटरनेट पर किसी भी अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते समय जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है उस तकनीक को टेल नेट कहा जाता है प्रश्न पूछा गया है याद रखिएगा कि इंटरनेट पर लॉगिन करते समय किस तकनीक की आवश्यकता होती है तो टेल नेट की आवश्यकता होती है टेल नेट की तरह दो और शब्द हैं एक है पुश नेट और दूसरा है नेट ठीक है पुश नेट एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आपका संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जा सकता है जहां से उसे कोई भी देख सकता है तो कुछ नेट के द्वारा आप अपना संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेज सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आगे यूज नेट एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी विषय आधारित समूह में बांटा जाता है मतलब ये हुआ यूज नेट बेसिकली फिल्टरिंग का काम करता है या फिर इंडेक्सिंग का काम करता है अगर चीजें फैली हुई हैं तो यूज नेट उन्हें एक फॉर्मेट में लेकर के आएगा यही दोस्तों यूजनेट का काम है ठीक है तो यह काम यूजनेट के द्वारा किया जाता है टेलनेट लॉगिन के समय काम आएगा पुशनेट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजने के काम आता है और जब फिल्टरिंग और इंडेक्सिंग की बात आती है तो यह काम दोस्तों यूजनेट के द्वारा किया जाता है पुशनेट यूजनेट और टेलनेट वेरोनिका और आर्ची आर्ची सर्च इंजन है और वेरोनिका एक प्रोटोकॉल है जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थेके? इसके बाद दोस्तों इंटरनेट के लाभ और हानियां तो ये मुझे आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ये टॉपिक आप खुद पढ़िएगा नोट्स में से बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जैसे इंटरनेट के लाभ क्या तो बहुत सारे लाभ हैं दोस्तों ये आ, एजुकेशन प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ई गवर्नेंस ये इसके लाभ हैं हानियाँ क्या हैं तो यहाँ पर साइबर बुलिंग होती है ठीक है यहाँ पर हैकर्स पाए जाते हैं बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गलत है बहुत सारे यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ना कि फेक न्यूज़ यहाँ पर पाई जाती है तो ये इंटरनेट की कहानियाँ है तो दोस्तों ये हमारा पहला टॉपिक था इंटरनेट का जहाँ पर हमने इंटरनेट के परिचय को डिस्कस किया जहाँ हमने इंटरनेट की सामान्य जानकारी को देखा एक बार मैं रिपीट कर दूं टॉपिक को सबसे पहले हमने इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट की कार्य प्रणाली इंटरनेट वेब के प्रकार फिर हमने इंटरनेट से जुड़ी हुई सुविधाएं इंटरनेट के लाभ इंटरनेट की हानियाँ ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए अब हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे जहाँ हमें इंटरनेट के इतिहास को पढ़ना है एक मिनट का समय दीजिए फिर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों इंटरनेट का इतिहास चलिए दोस्तों तो अब हम इंटरनेट के इतिहास का अध्ययन करेंगे जहां हम समझेंगे कि कैसे क्लाउड सैनन ने एक थ्योरी दी जिसे इंफॉर्मेशन थ्योरी कहा जाता है और वहां से लेकर के अब तक इंटरनेट का लगातार विकास होता चला गया तो इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है 1940 में 1940 में जब क्लाउड शैनन नाम के व्यक्ति ने एक थ्योरी पेश की जिसे इन्फॉर्मेशन थ्योरी कहा जाता है इसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर स्थानों पर स्थित एक रिमोट एरियाज़ में सूचना को पहुंचा सकते हैं इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं याद रखने की बात है कि क्लाउड शेनन को ही फादर ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्योरी कहा जाता है सूचना थ्योरी का जनक कहा जाता है 1940 में ही एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जेसी लिकलाइडर इन्होंने इंटरनेट की संकल्पना दी इन्होंने कंसेप्ट दिया इंटरनेट का कि एक ऐसी चीज भी हो सकती है जिससे हम कंप्यूटर के जो अलग अलग दुनिया में कंप्यूटर्स हैं इनको जोड़ने का काम कर सकते हैं देखो अभी याद रखने की बात है कि कंप्यूटर का भी बड़े पैमाने पर विकास नहीं हुआ है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की खोज नाइनटीन में होगी और उसी के बाद हम छोटे पर्सनल कंप्यूटर बना पाएंगे तो अभी सिर्फ ये कंसेप्ट के रूप में ही इंटरनेट आगे बढ़ रहा है फिर इसके बाद दोस्तों 1965 में 1965 में पॉल बैरन और डोनाल्ड डेविस के द्वारा पैकेट स्विचिंग तकनीक पर काम किया गया पैकेट स्विचिंग तकनीक वही है कि एक इंफॉर्मेशन को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो पहले उसे छोटे-छोटे पैकेट में तोड़ा जाए और फिर यह जानकारी दूसरे स्थान पर भेजी जाए तो 1965 में पॉल बैरन और डोनाल्ड डेविस के द्वारा पैकेट स्विचिंग की खोज की जाती है या इसका आविष्कार किया जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि फिलहाल जो इंटरनेट हम चलाते हैं वो इंटरनेट इसी पैकेट स्विचिंग की तकनीक पर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है डेटा का ट्रांसमिशन करता है फिर 1969 में 1969 में अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसने दुनिया का पहला इंटरनेट बनाया या इंटरनेट जैसी चीज बनाई जिसे आरपा नेट कहा गया आरपा नेट का फॉर्म था दोस्तों एडवांस्ड रिसर्च Project administration. नेटवर्क पहली बार एक जगह के कंप्यूटरों को जोड़ा गया और उनमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया तो यही तो इंटरनेट का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेमोन्ट्रेशन है इंटरनेट आज पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ता है आरपानेट छोटी जगह के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता था तो यहां से मानी जाती है बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट कि छोटे रूप में ही सही लेकिन इंटरनेट की शुरुआत हुई जब नाइन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने आरपा नेट की शुरुआत की आरपा नेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क लेकिन अभी भी इंटरनेट में बहुत सारे काम किए जाने बाकी थे खास तौर पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का बनना बाकी था इसी कमी को दोस्तों पूरा किया 1974 में 1974 में जब विंट सर्फ और बॉब कान इन दोनों ने मिलकर के टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल का निर्माण किया जिसके आधार पर आज इंटरनेट चलता है यही कारण है दोस्तों कि विंट सर्फ को कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है कारण बड़ा स्पष्ट है कि इंटरनेट को चलाने वाला जो प्रोटोकॉल है टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल इसको बनाने वाले विंट सर्फ और बॉब कौन थे और इसी समय दोस्तों उन्नीस में पहली बार इंटरनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया जो कि विंट सर्फ के द्वारा ही किया गया था अब कहानी को और आगे बढ़ना था अब धीरे धीरे इंटरनेट को कमर्शलाइज किया जाना था और लोगों तक इसकी पहुंच बनानी थी तो इसके लिए दोस्तों आगे और भी अविष्कार हुए खास तौर पर उन्नीस जब भारत में इंटरनेट ने दस्तक दी और भारत में इंटरनेट की शुरुआत एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क के द्वारा हुई ये भारत में अभी भी आम लोगों के लिए इंटरनेट शुरू नहीं किया गया सिर्फ शैक्षिक संस्थानों के लिए सबसे पहले इंटरनेट लाया गया और इसे नेट के नाम से जाना जाता है एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क के नाम से जाना जाता है यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट था अब इंटरनेट एक ऐसी चीज बनने लगी थी जिसे लोग इमेजिन कर सकते थे और लोगों तक जल्द ही इसकी सुविधाएं पहुंचने वाली थी दोस्तों इसी के बीच में, 1989 में इंटरनेट का सबसे बड़ा टूल डब्लू अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब की खोज का आविष्कार किया टिम बर्नस ली ने जो कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे और सर्न की प्रयोगशाला में काम करते थे डब्लू वेबसाइट का एक डॉक्यूमेंट होता है एक पेज होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की बहुत सारी चीजों को एक्सेस कर पाते हैं डब्ल्यू का आविष्कार का अविष्कार प्रयोगशाला में काम करते हुए ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नस ली ने किया था और उन्होंने इसे ओपन सोर्स रखा ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके आगे जब हम बढ़े दोस्तों तो 1989 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक इंटरनेट की शुरुआत हुई कमर्शियल इंटरनेट शुरू हुआ और लोगों को इंटरनेट दिया जाने लगा इसी बीच में यह कहानी याद रखिएगा कि 1969 में आरोपानेट की शुरुआत हुई और 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का अविष्कार हुआ जिसकी मदद से छोटे कंप्यूटर बनाए जाने बनाए, बनाए जाने लगे तो लोगों तक अब कंप्यूटर पहुंच चुके थे यही कारण है कि 1989 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कमर्शियल इंटरनेट को शुरू किया गया दोस्तों 1990 में टिम बर्नस ली ने एक और चीज बनाई जिसे एच कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एच के द्वारा ही वेबसाइट और वेब पेज का निर्माण किया जाता है अभी हम पढ़ेंगे इंटरनेट की अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में खास तौर पर www डब्ल्यू की लैंग्वेजेस के बारे में तो वहाँ एच का एक प्रमुख नाम है ठीक है इसके बाद दोस्तों 1993 में 1993 में मार्क एंडरसन के द्वारा दुनिया के पहले वेब ब्राउजर मोजैक की शुरुआत की गई तो मोजैक दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था उन्नीस में डब्लू 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 को रेगुलेट करने के लिए टिम बर्नस ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम का निर्माण किया गया जिसे डब्लू थ्री सी कहा जाता है ताकि रेगुलेट किया जा सके डब्लू डब्ल्यू के यूज को उन्नीस में इंटरनेट एक्सप्लोरर की शुरुआत हुई एमेजोन और ईबे की शुरुआत हुई दोस्तों वहीं 15 अगस्त उन्नीस को भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा अर्थात वी एस एन एल के द्वारा जिसे बाद में टाटा ने खरीद लिया इसने भारत में इंटरनेट को शुरू किया कमर्शियल यूज के लिए या लोगों के इस्तेमाल के लिए और दोस्तों उन्नीस में ए ने एक इंस्टेंट मैसेजर लॉन्च किया जो पहला मैसेंजर था जिसे लॉन्च किया गया था इंटरनेट पर ठीक है तो ये इंटरनेट का एक इतिहास है इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहली बात अगर आपसे पूछी जाए कि बताइए फादर ऑफ थ्योरी किसे कहा जाता है तो आंसर क्या होगा कि क्लाउड शेनोन को फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी कहा जाता है इंटरनेट की अवधारणा किसने दी कंसेप्ट किसने दिया तो जे सी लिकलाइडर के द्वारा इंटरनेट का दोस्तों कंसेप्ट दिया गया था फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दुनिया में जो इंटरनेट पर हम जानकारी भेजते हैं वो किस माध्यम से भेजते हैं तो आप कहेंगे पैकेट स्विचिंग के द्वारा भेजते हैं तो पैकेट स्विचिंग तकनीक का अविष्कार किसने किया था तो इसमें नाम आएगा और डेविस का दोस्तों जिन्होंने 1965 में आविष्कार किया पैकेट स्विचिंग तकनीक का फिर पूछा जाएगा कि पहला इंटरनेट का प्रारूप कौन सा था तो 1969 में अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा शुरुआत की गई आरपानेट की ठीक है आरपा नेट की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क के लेकिन अभी भी इंटरनेट को बहुत बड़ा सफर तय करना था और इसी बीच में दोस्तों 1974 में 1974 में दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए विंट सर्फ जिन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है इन्होंने टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का आविष्कार किया जिस पर इंटरनेट आज चलता है और उन्नीस में ही पहली बार दोस्तों इंटरनेट शब्द सामने आया अब भारत में भी इंटरनेट आने वाला था और 1986 में 1946 में इरनेट के रूप में भारत में भी इंटरनेट की शुरुआत हुई जिसे एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क का नाम दिया गया दोस्तों अभी भी इंटरनेट को एक्सेस करना उतना आसान नहीं था खास तौर पर उस पर वेबसाइट्स बनाना तो इसी का समाधान निकाला गया 1989 में जब टिम ली के द्वारा डब्ल्यू डब्लू की आविष्कार किया गया जिसने इंटरनेट को पूरे तरीके से बदल करके रख दिया इसके बाद टिम बर्नस ली ने एक और काम किया दोस्तों उन्होंने नब्बे में कीजिए उन्नीस में उन्होंने एच टी एम एल एच टी एम एल हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज बनाई जिसके द्वारा अलग अलग वेबसाइट्स को बनाया जा सकता था इसी बीच ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में शुरुआत हो चुकी थी कमर्शियल इंटरनेट की दोस्तों आगे चलकर के 15 अगस्त 15 अगस्त 1900 पंचानवे को 15 अगस्त उन्नीस को फाइनली विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में भी इंटरनेट की शुरुआत की गई इसी बीच में मोजैक नाम का वेब ब्राउजर बनाया गया जो कि दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था एल नाम का एक इंस्टेंट मैसेंजर बनाया गया जो कि इंटरनेट पर बनाया गया पहला मैसेंजर था एमेजॉन ईबे और इंटरनेट एक्सप्लोर जैसे सॉफ्टवेयर भी अब आ चुके थे तो ये इंटरनेट का इतिहास है जहां से कुछ बेसिक प्रश्न बन सकते हैं जिनको दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है चलिए अब इंटरनेट का इतिहास पढ़ने के बाद हमें ये देखना होगा कि भारत में इंटरनेट कैसे आगे बढ़ा ये तो हमने देख लिया सर कि भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत है वो 1986 में हुई थी जब एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क अर्थात इरनेट को भारत में लाया गया हमने ये भी देख लिया सर कि जो कमर्शियल इंटरनेट भारत में आया वो 15 अगस्त उन्नीस को आया जब विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में इंटरनेट शुरू किया गया लेकिन इसके बाद भी कुछ कहानियां हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है जैसे दोस्तों एक नेट एक भारत में संस्थान है जिसे एनआईसी कहा जाता है नेशनल सेंटर इसके बारे में हम ई गवर्नेस वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे फिलहाल इतना याद रखिए कि जो NIC है वो भारत के सभी जिला मुख्यालयों को प्रशासनिक सुविधा के हेतु नेटवर्क से जोड़ता है तो भारत में जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जितने भी पोर्टल हैं उसमें से अधिकांश का संचालन एन के द्वारा किया जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा किया जाता है मेक श्योर sure कि आपको इसका फुल फॉर्म याद रहे ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है एन हम डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल याद रखिए सभी जिलों को भारत के जोड़ता है और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्यों की अलग अलग वेबसाइट इन सब का डेटाबेस एनआईसी के द्वारा ही एन के द्वारा संरक्षित किया जाता है और उनकी वेबसाइट को मेनटेन किया जाता है दोस्तों आगे बढ़ें तो 2011 में एक योजना शुरू की गई जिसे भारत नेट कहा जाता है और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ठीक है ठीके? आगे देखें तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने एक ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की जिसे डेटा वन के नाम से जाना जाता है बीएसएनएल को पहले सेल वन के नाम से जाना जाता था और बीएसएनएल के द्वारा जो ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई उसे डेटा वन के नाम से जाना जाता है भारत में सबसे पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल थी जिसका आविष्कार या जिसका इन्वेंशन सबीर भाटिया के द्वारा किया गया था तो सबीर भाटिया ने एक मेल बनाई हॉटमेल बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा खरीद लिया गया और आज भी हॉटमेल दोस्तों एग्जिस्ट करता है ठीक है इसके बाद भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम डेटा इन इंटरनेट डोमेन है यह भारत की नई इंटरनेट नीति है एन आई एफ एल आई बी एन ई टी इसका फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क यह यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एक इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क है तो यूजीसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है फुल फॉर्म याद रखिएगा आईएनएफ INF से इंफॉर्मेशन बनता है एल आई बी से लाइब्रेरी बनता है और नेट से नेटवर्क बनता है तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसकी शुरुआत की गई है यू के द्वारा ठीक है और इसने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी का नेटवर्क है फिर एक है रेबन नेट रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क ये सी डॉट के द्वारा शुरू किया गया नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ध्यान दीजिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इस बार नई दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक निकेतन में आयोजित किया गया आई आई जी एफ इसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया इन फॉर इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यह हर साल आयोजित किया जाएगा दोस्तों और इसमें इंटरनेट और ई e गवर्नेंस को बेहतर कैसे बनाएं इस बारे में बात की जाएगी तो अगर भारत में इंटरनेट की बात करें तो 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की जाती है जब एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क बनाया जाता है उसके बाद पंद्रह अगस्त उन्नीस को विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में कमर्शियल इंटरनेट को शुरू किया जाता है फिर भारत में एन नाम का एक संस्थान बनाया जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो कि भारत सरकार की वेबसाइट को मेंटेन करता है और इसका पहला काम था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर हैं उन सभी लोगों को एक कॉमन नेटवर्क से जोड़ना इसके बाद भारत सरकार ने भारत नेट और डिजिटल इंडिया जैसी सुविधाओं को शुरू किया हमने कुछ और नीतियों को आईसीटी वाले लेक्चर में भी पढ़ा था वहाँ भी हमने देखा था कि भारत नेट डिजिटल इंडिया इन सब का उद्देश्य है भारत के हर एक गांव को ब्रॉडबैंड की स्पीड से जोड़ना हमने ये भी देखा कि बी के द्वारा जो एक डेटा ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की गई उसे डेटा वन नाम दिया गया वहीं भारत की जो इंटरनेट पॉलिसी है उसका नाम डेटा इन इंटरनेट डोमेन है और आई आई जी एफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 को अक्टूबर में आयोजित किया गया नई दिल्ली में और इसका अनाउंसमेंट किया था अनिल कुमार जैन के द्वारा दिन का सम्मेलन है जहां इंटरनेट को और बेहतर कैसे बनाया जाए समावेशी कैसे बनाया जाए इस बारे में चर्चा होनी है देखो जब भी आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना समावेशन इनक्लूजन इस शब्द का मतलब होता है ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों को पहुंचाना इसी को हम समावेशन कहते हैं दोस्तों तो अब हमारे तीन टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं अब हमें बात करनी है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल की तो एक बार जरा देख लीजिए चीजों को फिर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल को पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया सामान्य जानकारी को फिर हमने इंटरनेट का इतिहास पढ़ा फिर हमने भारत में इंटरनेट की चर्चा की अब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल का अध्ययन करेंगे और अभी जो हमने आपको टीसीपी और आईपी की कहानियां बताई थी उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चलिए दोस्तों तो हमारे चौथे और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल पहले हम ये समझेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में कितने प्रकार की लेयर होती है और फिर हम टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को समझेंगे और इंटरनेट के जो दूसरे प्रोटोकॉल हैं उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं दोस्तों इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं मतलब इस प्रकार से माने कि अगर ये पूरी की पूरी दुनिया है अगर ये पूरी की पूरी दुनिया है तो इंटरनेट एक दूसरे को इस तरीके से जोड़ता है एक बहुत ही बहुत ही अजीब सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम होता है इंटरनेट और इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के द्वारा हमें जानकारी को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजना होता है तो दोस्तों जानकारी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सके इसके लिए जो इंटरनेट की नियामक संस्थाएं हैं उन्होंने नियम बनाए हैं उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं और इन्हीं नियमों को मिलाकर के इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है आईपी के नाम से जाना जाता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक इंटरनेट के माध्यम से जानकारी भेजने के लिए जिन समान नियमों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स विच इज़ यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वाया इंटरनेट इज नोन एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल में दो चीज़ें होती हैं जैसा हमने अभी देखा था कि एक तो इसमें शब्द होता है टीसीपी अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा शब्द इसमें होता है आईपी अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल तो दोस्तों जैसा हमने अभी आपको बताया था कि जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है इसका काम होता है कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और यह सूचना को पैकेट में तोड़ करके ले जाता है पैकेट स्विचिंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है वही इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है जिसे हम आईपी कहते हैं यह इंटरनेट से जुड़ी हुई हर एक डिवाइस का एक पता होता है और इसी पते को हम आईपी एड्रेस के रूप में जानते हैं अब एक आईपी एड्रेस कैसा दिखाई देता है पहले ये समझिए फिर हम समझेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल फोर और सिक्स क्या होता है और आईपी की जरूरत कैसे पड़ी तो दोस्तों आपने अगर देखा हो तो कुछ इस तरीके से आपको एक आईपी एड्रेस दिखाई देता है सच एज इस तरीके से ठीक है बारह तो ये आईपी एड्रेस हमें दिखाई देता है ये वो एड्रेस है जो हमें दिखाई देता है लेकिन दोस्तों इस एड्रेस को जब हम मशीनी भाषा में बदलते हैं जब हम इसे मशीनी लैंग्वेज या फिर हम इसे बाइनरी लैंग्वेज में बदलते हैं तो पता है एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता ये जो नंबर आपको यहाँ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं हर एक नंबर में आठ बिट होते हैं अर्थात जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन तो आठ बिट इसमें भी होंगे दोस्तों आठ बिट इसमें भी होंगे और आठ बिट इसमें भी होंगे और आठ बिट इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस है वो बेसिकली बत्तीस 30 बिट से मिलकर के बनता है, 32 बिट से मिलकर के बनता है हालांकि अब इंटरनेट प्रोटोकॉल का छठवा संस्करण आ चुका है जिसमें 128 बिट होते हैं 128 बिट होते हैं और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि 8 बिट हमने एक पढ़ा हुआ है टेबल पढ़ी थी कि 8 बिट मतलब कितना होता है दोस्तों एक बाइट होता है ठीक है आठ बिट एक बाइट को मिलाते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर हमें चार बाइट्स देखने के लिए मिल रहे हैं चार बाइट्स का मतलब एक बाइट में आठ बिट तो चार बाइट में बत्तीस बिट टोटल देखने के लिए मिलेंगे तो इस प्रकार का हमें एक आईपी एड्रेस दिखाई देता है ये हमें दिखाई देता है और उसके नीचे ये उनकी मशीनी भाषा होती है अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से अभी मैं बस आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं एड्रेस के बारे में तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया हमने देखा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का सीधा सा मतलब है डेटा भेजने के लिए इंटरनेट पर जो समान नियम बनाए जाते हैं उन्हें इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को ही टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है टीसीपी का मतलब है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यह है। पैकेट स्विचिंग के द्वारा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है वही आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट से जितनी भी डिवाइस जुड़ी हुई हैं, उन सबको एक विशिष्ट पता प्रदान करता है एक एड्रेस प्रदान करता है जिसे हम आईपी कहते हैं अब दोस्तों ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसे चार अलग अलग लेयर में डिवाइड किया जाता है चार अलग अलग इसकी लेयर हैं जैसे हमने पहले लेक्चर में देखा था ना जो हमने ओ मॉडल देखा था तो उसमें भी अलग अलग लेयर होती थी उसी तरह दोस्तों इसमें भी चार अलग अलग लेयर देखने के लिए मिलती है एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर और और लिंक लेयर लेयर इन्हीं चार लेयर के अंदर इंटरनेट के बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं तो आइए जरा इन लेयर के बारे में बात करते हैं तो एक है एप्लीकेशन लेयर इसका काम यूजर इंटरफेस दिखाना होता है जो सामने चीजें दिखाई देती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर ये एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को ले जाती है इंटरनेट लेयर ये एड्रेस वगैरह का काम करती है और लिंक लेयर ये चीज़ों को जोड़ने का काम करती है तो दोस्तों जो एप्लीकेशन लेयर है इसमें प्रमुख जो प्रोटोकॉल है सबसे पहला है एच प्रोटोकॉल दूसरा है एच प्रोटोकॉल फिर टेलनेट एफ टी पी एस एम टी पी ओ Gopher गोपर और DNS. अभी इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे फिलहाल बस आप इतना समझने की कोशिश करो कि ये जो अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं जैसे एच टी टी पी एच टी टी पी एस ये सभी एक्चुअल में इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही हिस्सा हैं और इनका उपयोग हम इंटरनेट पर करते हैं और यह इंटरनेट के एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोटोकॉल आता है दोस्तों टीसीपी जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक इसमें होता है यूडीपी यूडीपी के अलावा डी सीसी और आर एस वी पी ठीक है ये सब याद नहीं रखना है यहां पर बस आप यूडीपी याद रखें और टी सी पी हमें ऑलरेडी पता है हालांकि एप्लीकेशन ये सारे प्रोटोकॉल बड़े इंपॉर्टेंट हैं फिर आता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल तो इसका काम एड्रेस देना होता है तो इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल का छठवा वर्जन जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं उसके अलावा आईपी सेक से और ईसीएन जैसे प्रोटोकॉल आते हैं अगेन यहाँ पर इंटरनेट वर्जन फोर और इंटरनेट वर्जन सिक्स या आई हमारे लिए ये, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर लिंक लेयर में भी ए आर पी 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 मैक इथरनेट और वाईफाई आते हैं यहाँ हमें इथरनेट और वाईफाई जरूरी है और इन दोनों का अध्ययन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब कुछ फुल फॉर्म देख लीजिए तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल का फुल है यूजर -ग्राम, प्रोटोकॉल। पढ़ेंगे, ग्राम बहुत छोटे पीस ऑफ डेटा को कहा जाता है तो उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूजर ग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है फिर है दोस्तों पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका उपयोग ईमेल में होता है फिर है एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम से ही पता पड़ रहा होगा कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच टी टी पी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इसी के द्वारा हम जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं और इसी एच टी टी पी का और सिक्योर्ड रूप बनाया गया है एच टी टी पी एस अर्थात हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यह दोस्तों फिर एक टेल है इसकी चर्चा हमने कर ली है और फिर गोफर है तो ये लिस्ट बड़े ध्यान से आप देखिए इसलिए देखिए कि एक तो यहाँ पर फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बन सकते हैं दूसरा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ टेल नाइट क्या है गोफर क्या है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाते हैं और इतना याद रखो लेयर याद नहीं भी रहे कोई बात नहीं पर इतना याद रहना चाहिए कि ये सब इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाते हैं चलिए दोस्तों तो अब हम एक एक प्रोटोकॉल को पढ़ना शुरू करेंगे तो टीसीपी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है टीसीपी का मतलब बड़ा सामान सा है कि अगर एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करना एक मैसेज है पहले उसे छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जाएगा फिर उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जाएगा इसे टीसीपी प्रोटोकॉल कहा जाता है अब हमें बात करनी है इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है तो आइए जरा आईपी को डिस्कस करते हैं और अभी बेसिक बातें हमने आईपी के बारे में आपको बता दी तो जैसा कि दोस्तों हमने अभी देखा था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम ये है कि वो सारी डिवाइस जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई है उन सभी को एक पता प्रदान करना उन सभी को एक एड्रेस प्रोवाइड करना ताकि जानकारी को सही जगह पर भेजा जा सके देखो इंटरनेट की तुलना आप पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हो अब एक पोस्ट ऑफिस भारत के सभी पोस्ट ऑफिस से कनेक्ट है अज्यूम कीजिए कि अगर हमारे पास एड्रेस ही नहीं होता अगर मुझे एक मेल या फिर मुझे एक पत्र भेजना है किसी को पत्र भेजना है अगर मेरे पास सामने वाले व्यक्ति का पता ही नहीं है तो क्या मैं उनको पत्र भेज पाऊंगा नहीं भेज पाऊंगा ठीक इसी तरह इंटरनेट काम करता है दोस्तों कि अगर इंटरनेट के पास जानकारी ले जाने के लिए पता नहीं होगा तो वो भटक जाएगा और एक इंफॉर्मेशन गलत जगह पर सेंड हो जाएगी तो इसी कंसेप्ट को ठीक करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा गया तो शुरुआत बड़ी आसान थी क्योंकि पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो इंटरनेट से बहुत कम डिवाइस जुड़ी होती थी तो जो आईपी एड्रेस है अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस है वो बड़ा ही सामान्य हुआ करता था एक दो तीन कुछ इस तरह से आईपी एड्रेस दिए जाते थे क्योंकि इंटरनेट से जुड़ने वाली डिवाइसेस की संख्या बहुत कम होती थी लेकिन जैसे जैसे दोस्तों इंटरनेट का विकास होता गया और जैसे जैसे लोगों के पास इंटरनेट पहुंचने लगा तो इससे जुड़ने वाली डिवाइस की संख्या भी बढ़ने लगी अब जैसे जैसे ये संख्या बढ़ने लगी तो जो इंटरनेट की नियामक संस्थाएं हैं इनके पास समस्या आने लगी सोचा कि अब हम कैसे कंट्रोल करेंगे इंटरनेट को या हम कैसे माफ़ कीजिए हम कैसे रेगुलेट करेंगे इंटरनेट को तब 1981 में 1981 1981 में 1981 में एक नया कंसेप्ट दिया गया और इसे कहा गया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर। और इसके द्वारा कहा गया कि अब हम आईपी एड्रेस की जगह आईपी एड्रेस वर्जन फोर का इस्तेमाल करेंगे और इसके द्वारा हम दुनिया में लगभग चार दशमलव तीन बिलियन डिवाइसेस को एड्रेस दे सकते हैं लगभग चार दशमलव तीन अरब डिवाइस को हम पते दे सकते हैं बहुत अच्छी बात थी उनको लगा कि यार इतनी इंटरनेट से डिवाइसेस कहाँ ही बनेंगी अब तो ये जिंदगी भर चलेगा लेकिन नौ सालों के बाद ही इंटरनेट से डिवाइसेस की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगी अब इनके सामने एक और समस्या आई कि अब क्या किया जाए तो इसी बात को ठीक करने के लिए दोस्तों 1998 में उन्नीस में जब डिवाइस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी चार अरब के पार भी जाने वाली थी तब इन्होंने एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन सिक्स कहते हैं आईपी सिक्स कहते हैं इसका इस्तेमाल इन दोनों का इस्तेमाल बेसिकली हम कर रहे हैं लेकिन फिलहाल हम आईपी सिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें आई गेस टू के ऊपर वन ट्वेंटी एट की पावर आप लगा दीजिए इतने सारे आईपी एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं मतलब आई डोंट थिंक सो कि अब आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक हमें नए आईपी एड्रेस की जरूरत पढ़ने वाली है तो क्या आपको ये कहानी समझ में आई कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्यों लाया गया ताकि चीज़ों को सही जगह पर भेजा जा सके इंटरनेट पर शुरुआत बड़ी आसान तरीके से की गई लेकिन जब डिवाइस की संख्या बढ़ने लगी हम 1981 में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 4 लेकर के आए इसके बाद भी जब संख्या बढ़ने लगी तो उन्नीस में इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन सिक्स लेकर के आए ठीक है अब हमें इन दोनों में अंतर को समझना है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स में किस तरह का अंतर है तो पहले एक बार आप देख लीजिए कि आईपी एड्रेस कैसे दिखाई देता है ताकि चीजें आपके लिए और आसान हो तो एक आईपी एड्रेस दोस्तों कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये वो संख्या जो आप ऊपर देख रहे हैं ना वन नाइनटी टू डॉट वन फोर नाइन डॉट टू फाइव ये वो एड्रेस है है जो हमें दिखाई देता है। लेकिन मशीन इसको रीड नहीं करती मशीन इसकी बाइनरी भाषा को रीड करती है और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर है और देखिए नीचे आप इसमें कि हर एक अंक में आठ आठ बाइट होती है दोस्तों और आठ आठ बाइट चार तरीके से होती है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में नंबर का उपयोग किया जाता था और डॉट का इस्तेमाल किया जाता था इसीलिए इसे न्यूमेरिक डॉटेड डेसिमल नोशन के नाम से जाना जाता था यह देख लिया इस तरह आईपी एड्रेस दिखाई देता है अब अंतर को समझिए कि दोनों में अंतर क्या है इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर और यहाँ हमने लिखा दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स इन दोनों में अंतर को हम समझेंगे तो पहला बेसिक अंतर जो हम जानते हैं कि आ, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर को उन्नीस इक्यासी में लॉन्च किया गया था जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स को 1998 में लॉन्च किया गया था अब जरा एक एक बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसमें सिर्फ, और सिर्फ अंक का इस्तेमाल किया जाता है और अंक के साथ साथ नंबर को अलग करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए ये न्यूमेरिक डॉटेड एक नंबर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल की संरचना वर्जन फोर की संरचना को जरा समझिए स्ट्रक्चर को जरा समझिए दोस्तों इसमें कुछ इस तरह का नंबर आपको दिखाई देगा जैसे कि यहां आपको दिखाई देगा मान लेते हैं वन नाइन टू वन फाइव एट पॉइंट सेवन टू पॉइंट सिक्स एट ऐसा ये नंबर हमें दिखाई देगा अब देखिए इस नंबर आईपी प्रोटोकॉल फॉर्म में हम सिर्फ नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है और यह है अंक और डॉट का डॉट का इस्तेमाल अलग करने के लिए और अंक का यूज कर रहे हैं लेकिन दोस्तों जब इसमें आप मशीनी भाषा को देखते हैं जब इसका ट्रांसलेशन आप देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है इसमें हर एक अंक के ग्रुप के लिए आठ बिट का उपयोग किया जाता है और आठ बिट के ऐसे चार सेट होते हैं ठीक है आठ बिट के ऐसे चार सेट होते हैं तो टोटल कितनी बिट हो गई दोस्तों तो टोटल आप याद रखेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर में कुल मिलाकर के बत्तीस बिट का प्रयोग किया जाता है और जैसा हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आठ बिट मतलब कितना होता है एक बाइट होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें 32 बिट या फिर चार बाइट्स होती हैं समझ में आ रही बात आपको दोस्तों तक इसमें 32 बिट या चार बाइट्स होती हैं हर ये अंक हमको दिखता है याद रखिए और ये मशीनी भाषा की भाषा है तो मशीनी भाषा में 32 बिट का ये अंक होता है अब जरा हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स को डिस्कस करते हैं इसमें दोस्तों अंक के साथ साथ अंक का इस्तेमाल तो किया ही जाता है पर अंक के साथ साथ इसमें अक्षरों का इस्तेमाल भी किया जाता है यही कारण है कि आईपी प्रोटोकॉल आई को अल्फा न्यूमेरिक, कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है क्योंकि इसके एड्रेस को एक बार मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूं एक चीज समझ लीजिए और अलग करने के लिए इसमें डॉट के स्थान पर कॉलन का प्रयोग किया जाएगा आईपी प्रोटोकॉल में हम डॉट का इस्तेमाल कर रहे थे इसमें कॉलन का इस्तेमाल कर रहे थे तो इसे अल्फा न्यूमेरिक हेक्सा कॉलन कहा जाएगा दोस्तों अब ये कैसा दिखाई देता है ये चीज जरा आप देखिए कि आईपी सिक्स दिखता कैसे है एक सेकेंड में एक नंबर निकालता हूं ये देखिए ये इस तरह का दिखाई देता है आईपी सिक्स का एड्रेस काफी बड़ा है इसमें अगर आप चीजों को समझें तो आईपी प्रोटोकॉल में हमारा एक दो तीन और चार ये चार ग्रुप बन रहे थे यहां पर ग्रुप देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा यहाँ पर कुल आठ ग्रुप बनते हैं दोस्तों और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आईपी प्रोटोकॉल फोर में हम सिर्फ नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ नंबर के साथ साथ हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं अब इंटरेस्टिंग बात यह भी समझना है आपको विच इज इंपॉर्टेंट कि दोस्तों ये जो हमारा ये जो हमारा आईपी प्रोटोकॉल फोर था इसमें हम 32 बिट का इस्तेमाल करते थे लेकिन दोस्तों ये जो आईपी प्रोटोकॉल सिक्स है इसमें एक है 128 बिट का यूज किया जाता है कैसे होता है यह भी समझिएगा दोस्तों अब 128 में uh, 128 अगर बिट है तो बाइट कितने हो जाएंगे तो इसको आठ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसमें दोस्तों निकल के आएंगे कुल 16 बाइट टोटल 16 बाइट्स हो जाएंगे ओके okay, अब ये किस तरह से होता है इसकी संरचना को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि की ये कैसे होता है तो देखो ये जो एक अंक आपको दिखाई दे रहा है ये पहला ग्रुप इसमें हर एक ग्रुप में दोस्तों लगभग 16 16 बिट होती है 16 बिट इसमें भी 16 फिर इसमें भी 16 बिट आएंगी इसमें भी 16 बिट आएंगी इसमें भी सोलह बिट आएंगे इसमें भी सोलह इसमें भी सोलह इसमें भी सोलह और इसमें भी सोलह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो अठों अड़तालीस अच्छ, चार और आठ चार बारह तो वन ट्वेंटी एट ये डिफरेंस होता है समझ आ रहा है आपको यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो हर एक ग्रुप बन रहा था उसमें आठ बिट आ रही थी यहाँ भी आठ बिट यहाँ भी आठ बिट और यहाँ भी आठ बिट और ये टोटल कितना हो रहा था बत्तीस लेकिन यहाँ पर सोलह बिट आएंगी और ये टोटल होगा वन ट्वेंटी एट तो ये आईपी एड्रेस हैं जिनका इस्तेमाल आज हम करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्यों था क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्जन फोर है उसके द्वारा आप सिर्फ फोर पॉइंट थ्री बिलियन एड्रेस जनरेट कर सकते थे और इसके द्वारा सेवन पॉइंट नाइन इंटू टेन टू द ट्वेंटी एट इतने सारे एड्रेस आप जनरेट कर सकते हैं विच इज़ ह्यूज ठीक है एक और अंतर याद रखिएगा कि आई पी फोर को न्यूमेरिक जाता है और आईपी प्रोटोकॉल सिक्स को अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल कहा जाता है रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों कि आईपी प्रोटोकॉल फोर में हम सिर्फ नंबर का इस्तेमाल करते हैं जबकि आई प्रोटोकॉल 6 में हम नंबर के साथ साथ अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं आई प्रोटोकॉल में दो बिंदुओं को अलग करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं जबकि आई प्रोटोकॉल 6 में हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है और आई फोर और आई सिक्स के बीच का अंतर क्या है ठीक है बड़ा सिंपल सा है दोस्तों कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा इतना जरूर याद रखिएगा कि जो आई प्रोटोकॉल फोर है उसमें बत्तीस बिट होती है और आई प्रोटोकॉल सिक्स में 128 बिट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ठीक है पिछले साल भी हमने ये पढ़ा था यहाँ से एक प्रश्न निकल करके आया था इस बार के प्रम्स में उम्मीद करते हैं दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं पूछा जा सकता है कि जो नंबर शो होता है वो कैसा है तो ये आई पी फोर सिर्फ न्यूमेरिक है और वो अल्फा न्यूमेरिक है ठीक चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आईपी प्रोटोकॉल के भी कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों जैसे कि इसमें चार प्रकार का आईपी एड्रेस होता है एक पब्लिक प्राइवेट डायनेमिक और स्टैटिक इसमें डायनेमिक और स्टैटिक बड़ा इम्पोर्टेंट है स्टैटिक आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस है जो कभी नहीं बदलेगा एक बार उसका जो आईपी बन गया हमेशा अब वही आईपी एड्रेस रहेगा लेकिन दोस्तों डायनेमिक एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो लगातार बदलता रहता है तो डायनेमिक जो आईपी एड्रेस है इसका इस्तेमाल सुरक्षा कंपनियां भी करती हैं और कई बार इसका इस्तेमाल हैकर्स के द्वारा भी किया जाता है तो ये आई एड्रेस के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं ठीक है तो हमने टीसीपी प्रोटोकॉल को पढ़ लिया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ लिया फिर हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल अर्थात आईपी की बात कर ली आईपी वर्जन फोर को पढ़ लिया और आईपी वर्जन सिक्स को पढ़ लिया अब हम दूसरे इंटरनेट प्रोटोकॉलों का अध्ययन करेंगे जिनकी चर्चा हमें करनी है तो इसके बाद दोस्तों आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल और इसे हम एच या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों वेबसाइट पर डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम एच प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है ये भी इंटरनेट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसकी शुरुआत में एच लिखा हुआ होता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब एक वेबसाइट या वेब पेज को आप एक्सेस करते हैं तो शुरुआत में जो एच लिखा रहता है वो क्या है तो बताएंगे कि वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है दोस्तों इसमें समस्या ये थी कि यह बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं था इसमें कुछ समस्याएं आ रही थी तो इसी का बेहतर वर्जन लॉन्च किया गया जिसे एच कहा जाता है इसका फुल फॉर्म भी वही है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर यह जो एस शब्द है इसका मतलब है सिक्योर इसका मतलब क्या है सिक्योर तो काम यह भी वही करता है डेटा ट्रांसफर का लेकिन यह वेब पे ज्यादा सिक्योर माना जाता है जब भी आप नेट बैंकिंग के लिए वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो वो आपको एच का वर्जन देता है इवन जब आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं तो ये प्रोटोकॉल के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ता है तब आपका वेब पेज सिक्योर्ड हो जाता है बेहतर हो जाता है तो इसी का इस्तेमाल आजकल ज्यादातर बड़ी कंपनियां ब्लॉग या वेबसाइट्स करती हैं एच याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड ओके तो ये दोनों क्लियर है एच HTTP और एच दोनों का काम डेटा को ट्रांसफर करना है बे पर वेब पर डेटा ट्रांसफर करना है बस का मतलब सिक्योर्ड है आगे बढ़े तीसरा प्रोटोकॉल जो है दोस्तों उसे पीओपी कहा जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल को डाउनलोड और अपलोड करने के लिए किया जाता है फिर अगला प्रोटोकॉल है आई सी एम पी प्रोटोकॉल इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यह प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के समय एरर को संभालता है यह इसका काम है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो उसे चेक करना ठीक है इंपॉर्टेंट इसमें पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग हम ईमेल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फिर अगला प्रोटोकॉल है दोस्तों एम आई एम ई प्रोटोकॉल मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ईमेल के माध्यम से जो मल्टीमीडिया डेटा भेजा जाता है उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है तो ईमेल के माध्यम से हम जो भी मल्टीमीडिया फाइल भेजते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम आई एम ई प्रोटोकॉल का पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन फिर आता है दोस्तों यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल तो जो कम आकार का डेटा होता है उसे डेटाग्राम कहा जाता है और कम आकार के डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं वह दोस्तों यू प्रोटोकॉल होता है इसका प्रयोग अधिकांशतः स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस जैसे कि नेटफ्लिक्स यूट्यूब यहां पर किया जाता है फुल फॉर्म याद रखिएगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल फिर है एस एन एम पी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका काम है नेटवर्क को मैनेज करना तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एस एन एम पी फिर है दोस्तों आई एम ए पी प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सिस प्रोटोकॉल यह प्रोटोकॉल सभी मेल को मेल सर्वर में स्टोर करने का कार्य करता है तो जो हमारे मेल सर्वर में स्टोर होते हैं उसे स्टोर करने का काम आई या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रोटोकॉल है वो है एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो समझ ही आ रहा होगा आपको कि ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है परेशान मत होइएगा जो जरूरी है वो हम अभी रिपीट कर लेंगे फिर एफ टी पी तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफ टी पी प्रोग्राम या प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा यू एस एस डी बस याद रखिए याद सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा ये जनरली आपने नंबर डायल किए हैं ये मोबाइल के लिए होता है स्टार वन टू थ्री है तो ऐसे जो हम नंबर डायल करते हैं वो यूएसएसडी कहलाते हैं तो यहां से दोस्तों सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जा सकता है यूएसएसडी का तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा तो जो ये स्पेशल नंबर होते हैं मोबाइल्स में उनके लिए हम यूएसएसडी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं फिर आता है दोस्तों गोफर या आखिरी प्रोटोकॉल है इसके द्वारा कंप्यूटर के सर्वर में जो फाइल होती है उस फाइल को लोकल कंप्यूटर में एक्सेस किया जाता है ठीक है चलिए अब इसमें महत्वपूर्ण कौन है सर जो याद रखना ही है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों इसमें यूएसएसडी याद रख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म याद रखना अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा एफटीपी याद रखना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी ठीक है और एच टी टी पी एस याद रखिएगा उसके अलावा आप देखें जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसमें एक UDP याद रखना यूजर डेटाग्राम प्रोटो प्रोटोकॉल फिर इसमें दोस्तों एक आई एम ए पी आई मैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ठीक है और यहाँ पर सिर्फ दो ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए एक POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एच टी टी पी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो ये कुछ जरूरी इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं तो फुल फॉर्म याद रखिएगा प्रश्न सामान्यतः ऐसे बनते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि ईमेल को ले जाने के लिए या ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है तो आप बताएंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है दूसरा एच का फुल फॉर्म क्या है तो हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड तीसरा वो पूछ सकता है कि बताओ जब हम किसी फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगता है बता देंगे एफ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है जब हम किसी भी अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते समय किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है टेल नेट नाम के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है जो हमने पहले पढ़ा था गोफर क्या है तो गोफर एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा सर्वर पर रखी हुई हमारी फाइल को हम अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर अगर एक फाइल है उसे कंप्यूटर में लाना है तो उसके लिए गोफर का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों यूएसएसडी क्या है तो यह एक प्रोटोकॉल है जो मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है विशेष नंबर डायल करने के लिए तो ऐसे कुछ प्रश्न इंटरनेट प्रोटोकॉल से बन सकते हैं टी और आई का फुल फॉर्म भी पूछा गया है इनके काम भी पूछे गए हैं तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है अब दोस्तों हम दो मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट एड्रेस के बारे में चलिए दोस्तों तो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पांचवें टॉपिक में हमें इंटरनेट एड्रेस की चर्चा करनी है इंटरनेट के पते की बात करनी है दोस्तों इंटरनेट के एड्रेस का सीधा सा मतलब होता है कि वह वेबसाइट जिसे हम विजिट करते हैं उसका नाम और वो लिंक जिसके द्वारा हम उस वेबसाइट पर पहुंचते हैं उसी को इंटरनेट का एड्रेस कहा जाता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे इंटरनेट का जो पूरा एक वेबसाइट की लिंक और उसके नाम को मिलाकर के यू आर एल कहा जाता है और उसके अंदर भी बहुत सारे हिस्से होते हैं जैसे कि उसमें प्रोटोकॉल होता है सेपरेटर होता है डोमेन नेम होता है डायरेक्टरी होती है रिसोर्स होता है तो उन सभी बातों को समझने की अब हम कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको एक शब्द समझना होगा दोस्तों यू आर एल अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा अब इसका मतलब क्या है जैसे कि मान लीजिए आपने एक लिंक पर क्लिक किया सपोज कीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर जाइए तो जो भी आपका सर्च बार है दोस्तों तो इस सर्च बार में आपको एक लिंक दिख रही होगी वो लिंक कुछ ऐसी होनी चाहिए एच टी टी पी एस उसमें लिखा होगा फिर यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कुछ नाम लिखा होगा डब्लू 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 ठीक है तो इस प्रकार की आपको एक लिंक दिखाई देगी ये जो पूरी लिंक होती है दोस्तों इसी लिंक को हम यू आर एल के नाम से जानते हैं तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पूरा पता ही यू आर एल कहलाता है यू आर एल हमें बताता है कि उस वेबसाइट का नाम क्या है वह किस प्रकार की वेबसाइट है और जो कंटेंट आप ढूंढ रहे हैं वो उस वेबसाइट में कहां पर स्थित है तो यू आर एल पूरा पता हो गया इसे ऐसे कंपेयर करते हैं दोस्तों कि अगर आप मुझसे मेरा पता मांगेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं फला कॉलोनी में रहता हूं, फिर ये मेरे शहर का नाम है ये मेरे शहर का पिन कोड है ये मेरा राज्य है और ये मेरा देश है तो यहाँ पर मैंने पांच अलग अलग बातें बताई, कॉलोनी का नाम भी बताया हमने आपको पिन कोड भी बताया हमने आपको शहर का नाम बताया राज्य का नाम बताया और हमने आपको देश का नाम बताया लेकिन इन पांचों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं तो इन पांचों को मिलाकर के हम एड्रेस कहते हैं उसी तरह दोस्तों जो यू आर एल होता है जिसकी शुरुआत टिम बर्नरस ली के द्वारा की गई थी उसमें भी बहुत सारी बातें होती है जैसे हमारे एड्रेस में पांच अलग अलग तरह की बातें हैं उसी तरह यू में भी अलग अलग तरह की बातें होती हैं, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों सबसे पहले जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपको इस तरह का एक एच HTTP या एच लिखाई दिखता है इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल ये तो हमने अभी अभी पढ़ा कि एच एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसी का जो सिक्योर वर्जन है वो हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है तो ये जो पहला हिस्सा हमें यू में दिखाई देता है एच इसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं इसके बाद दोस्तों ये जो प्रोटोकॉल है ये पूरी वेबसाइट से अलग किया जाता है और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सेपरेटर का ये जो आप अलग अलग चिन्ह देख रहे हैं ये सेपरेट कर रहा है प्रोटोकॉल को वेबसाइट के अगले हिस्से से तो प्रोटोकॉल के बाद सेपरेटर आता है इसके बाद दोस्तों आपको www दिखाई देगा इसे सब डोमेन कहा जाता है जो वर्ल्ड वाइड जो आपको यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब लिखा दिखाई देता है www ये सब डोमेन कहलाता है फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी वेबसाइट का मुख्य नाम इसे हम डोमेन नेम कहते हैं दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि वेबसाइट में डॉट कॉम डॉट इन डॉट ई आर अलग अलग शब्द लिखे रहते हैं तो ऐसे शब्दों को टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है फिर एक सेपरेटर आएगा फिर दोस्तों डायरेक्टरी आती है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपने कौन सा फोल्डर खोला है तो हम यूट्यूब पर गए और YouTube पर हमने क्या खोला अभियान खोला और इस अभियान वाले फोल्डर में भी हमने कौन सी फाइल खोली है प्लेलिस्ट खोली है जो हमारा रिसोर्स है याद रखिएगा डायरेक्टरी और रिसोर्स चेंज होते हैं। अभी मुझे अभियान की प्लेलिस्ट खोलनी थी तो मेरा रिसोर्स प्लेलिस्ट था लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो चलाऊंगा तो फिर वो मेरा सोर्स हो जाएगा रिसोर्स का मतलब है वो जानकारी जो एक यूजर इंटरनेट से चाहता है दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यू आर एल के अलग अलग भाग तो जो पहला भाग एच टी टी पी या एच टी टी पी एस के रूप में दिखाई देता है वो इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल कहलाता है उसके बाद हमें सेपरेटर दिखाई देगा फिर दोस्तों हमें सब डोमेन दिखाई देगा उसके बाद डोमेन का नाम आता है फिर जो डॉट कॉम वगैरह होते हैं वो टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं इसके बाद डायरेक्टरी आती है और फिर रिसोर्स आता है ये चीजें अक्सर बदलती रहती हैं तो पूछा जाता है कि किसी भी यू में अर्थात यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर में प्रमुख वेब के या वेब के नाम को क्या कहा जाता है तो जो भी उस वेब पेज का नाम होता है उसे डोमेन कहा जाता है जैसे मान लीजिए कि अभी आप गए आपने अमेजन सर्च किया तो डोमेन क्या हो जाएगा अमेजन हो जाएगा डोमेन नेम फिर आपने सर्च किया अज्यूम करते हैं फ्लिपकार्ट तो डोमेन नेम फ्लिपकार्ट हो जाएगा अनअकेडमी तो अनअकेडमी आपका डोमेन नेम हो जाएगा पूछता है कि डॉट कॉम डॉट इन जैसे शब्द यू में क्या कहे जाते हैं तो जवाब देंगे इन्हें टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है दोस्तों क्या होते हैं अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आया एड्रेस के साथ कंपेयर करो हमारे जब हम अपना पता देते हैं तो उसमें भी चार पांच प्रकार की चीजें होती हैं तो इसी तरह दोस्तों जब इंटरनेट पर आप एक वेबसाइट का पता निकालते हैं तो उसमें भी चार पांच अलग अलग हिस्से होते हैं तो इंटरनेट पे किसी वेबसाइट के पूरे एड्रेस को क्या कहा जाता है जवाब होगा सर यू आर एल कहा जाता है जिसमें पूरा एड्रेस होता है यू आर एल का फुल फॉर्म क्या है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यू आर एल के अलग अलग हिस्से होते हैं जिसमें प्रोटोकॉल सेपरेटर सब डोमेन डोमेन टॉप लेवल डोमेन फिर डायरेक्टरी और फिर रिसोर्स आता है तो चलिए अब हम एक एक हिस्से को पढ़ते हैं और इनके अर्थों को समझते हैं ठीक है आगे बढ़े दोस्तों तो सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि प्रोटोकॉल का अर्थ क्या है इंटरनेट पर जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो समान नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को हम प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स ऑन इंटरनेट विच हेल्प इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन इसको हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या हर वेबसाइट पे एच टी टी पी या एच टी टी पी एस ही लिखा मिलेगा क्या बस यही प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है नहीं दोस्तों अधिकांश वेबसाइट में एच टी टी पी या एच टी टीपीएस का इस्तेमाल होता है लेकिन इसके अलावा भी बहुत से प्रोटोकॉल हैं जैसे कि एफ एक है आ, मेल्टो एक है टेलनेट न्यूज़ ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वेबसाइट की शुरुआत हमेशा एच HTTP या एच से भी हो वो दूसरे श, आ, दूसरे प्रोटोकॉल से भी हो सकती है सच एस एफ टी पी न्यूज एट्सेट्रा ठीक है और प्रोटोकॉल का काम क्या होता है तो वेब पर डेटा को ट्रांसफर करना यह हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोटोकॉल है एच ये वेब पर डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है दोस्तों फिर इसके बाद अगला शब्द आता है सेपरेटर तो सेपरेटर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह यू में अलग अलग जो शब्द हैं उनको अलग करने का काम करता है उनको डिवाइड करता है तो यह यू के भागों को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है जैसे हमने देखा कि प्रोटोकॉल को जो सब डोमेन है उससे सेपरेट करने के लिए हमें कोलन का इस्तेमाल करना पड़ा तो सवाल ये भी पैदा होता है क्या सर हम एक ही प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं दोस्तों यहां पर भी ऑप्शन है जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी चिन्ह का इस्तेमाल करें आप चाहे तो इन चिन्हों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप चाहें तो अल्फाबेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नंबर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो लेकिन जो चीज हम आपको दिखाए वो अधिकांश वेबसाइट्स में इसी तरह यूज की जाती है ठीक है फिर तीसरा शब्द है वो है दोस्तों सब डोमेन तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डब्लू ये क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब अभी इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इसको सब डोमेन कहा जाता है यहां पर भी मैं क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं कि हमेशा सब डोमेन www ही हो दूसरे सब डोमेन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है दोस्तों ठीक है फिर अगला जो भाग है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं याद रखिएगा डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का मुख्य नाम होता है तो जब आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम पिक कर लीजिए डोमेन नेम पिक करने का मतलब होता है अपनी वेबसाइट का मुख्य नाम बताइए जैसे अन अकेडमी डॉट कॉम तो इसमें अन अकेडमी जो है वो डोमेन नेम है यूट्यूब यूट्यूब एक डोमेन नेम है दोस्तों तो किसी भी वेबसाइट का जो मुख्य नाम होता है उसे डोमेन नेम कहा जाता है यही प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इनको ध्यान से याद रखिएगा इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो डोमेन नेम है वो अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है चौसठ से ज्यादा उसमें कैरेक्टर नहीं होने चाहिए मतलब इतना बड़ा भी नाम मत रखिए मैक्स टू मैक्स आप चौसठ शब्दों का नाम रख सकते हैं इससे बड़ा आप नाम किसी वेबसाइट का नहीं रख सकते और ये लॉजिकल भी है किसी भी वेबसाइट का अगर बहुत बड़ा नाम आप रखेंगे तो लोगों को सर्च करने में प्रॉब्लम होगी सात आठ या मैक्स टू मैक्स दस वर्ड ये सही लेंथ होती है किसी भी वेबसाइट का नाम रखने के लिए दोस्तों फिर अगला शब्द आता है टॉप लेवल डोमेन या इसको डोमेन सफिक्स के नाम से भी जाना जाता है अब आपने बहुत से शब्द देखे होंगे जो वेबसाइट के नाम के जस्ट बाद में लगे होते हैं जैसे अभी जो वेबसाइट आप चला रहे हैं उसमें youtube.com लिखा होगा इसी तरह unacademy.com होता है फिर और भी वेबसाइट आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो उसमें gov.in लिखा होता है तो जो वेबसाइट के नाम के जस्ट बाद आपको देखने मिलते हैं दोस्तों उन्हें हम टॉप लेवल डोमेन या डोमेन का सफिक्स कहते हैं यह बताते हैं कि यह जो वेबसाइट है ये किस प्रकार की वेबसाइट है जैसे अधिकांश वेबसाइट के पीछे आपने डॉट कॉम लिखा हुआ देखा होगा इसका मतलब है ये कमर्शियल है, कमर्शियल कमर्शियल वेबसाइट इसका उपयोग कामों के लिए किया जाएगा। जिन वेबसाइटों के पीछे डॉट इन लिखा रहता है मतलब ये भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, या या जनरली ये भारत सरकार की वेबसाइट होती है और कुछ कंपनियां भी डॉट इन का इस्तेमाल करती हैं इसी तरह डॉट ए मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है फिर दोस्तों कुछ वेबसाइटों के सामने लिखा रहता है डॉट को डॉट इन को मतलब यहां पर कंपनी है और आई एन का मतलब यहां पर इंडिया है मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि भारत में रजिस्टर की गई है उस वेबसाइट के पीछे आपको डॉट को डॉट इन देखने मिलेगा फिर डॉट नेट है, ये गेटवे और होस्ट को दिखाता है डॉट ओ आर जी ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है और सामान्यतः एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है कई बार आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट्स को सर्च करेंगे या कुछ वेबसाइट को सर्च करेंगे तो वो डॉट ओ आर जी उनमें लिखा रहता है या उनका टॉप लेवल डोमेन डॉटर जी होता है फिर एक शब्द आता है डॉट ए डी यू तो एडीयू से समझ में आता है कि ये एजुकेशनल वेबसाइट है दोस्तों फिर डॉट जीओवी तो डॉट जीओवी सरकारों के लिए इशू किया जाता है गवर्नमेंट्स के लिए इशू किया जाता है डॉट बी आई जेड तो बी आई जेड का मतलब यहाँ पर वेबसाइट है डॉट इन्फो तो ये, ये भी बहुत इस्तेमाल होती है तो इन्फो info मतलब इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है डॉट एम आई एल ये मिलिट्री की वेबसाइट होती है और डॉट एल टी डी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ का सब डोमेन होता है अब सवाल यह पैदा होता है सर क्या यह जरूरी है कि वेबसाइट इन चीजों को फॉलो करें मतलब ऐसा नहीं हो सकता सर कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिट है वो डॉट कॉम को अपना ले या फिर एक शैक्षणिक संस्थान वो डॉट कॉम को अपना ले जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल हो सकता है याद रखिए ये क्लासिफिकेशन किया गया है और ये पूरी तरीके से निर्भर करता है वेबसाइट के मालिक के ऊपर ऑनर ऑफ वेबसाइट के ऊपर कि वो इसे एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम हमारी वेबसाइट को डॉट कॉम का नाम देंगे डॉट इन का नाम देंगे या कोई दूसरा नाम देंगे ठीक है या फिर दूसरा कोई टॉप लेवल डोमेन देंगे तो अगर आपसे पूछे कि टॉप लेवल डोमेन क्या होता है तो वेबसाइट के नाम के बाद जो हिस्सा यू में आता है वो टॉप लेवल डोमेन कहलाता है और यह वेबसाइट के प्रकार को दर्शाता है कि यह किस प्रकार की वेबसाइट है यह पूछा जाता है कि एजुकेशनल टॉप लेवल डोमेन क्या होता है तो डॉट ई डी यू डॉट कॉम का मतलब क्या है तो ये एक टॉप लेवल डोमेन है जिसका मतलब होता है कमर्शियल को डॉट इन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया तो प्लीज इनको ध्यान से आपको पढ़ना है क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है दोस्तों तो हमने क्या क्या डिस्कस किया हम यू आर एल पढ़ रहे हैं यू आर एल का मतलब है इंटरनेट पर एक वेबसाइट का पूरा पता जैसे हमारे घर का पूरा पता फिर हमने इसी यू के हिस्से को पढ़ना शुरू किया जैसे हम अपने घर के पते के हिस्से को पढ़ना शुरू करते हैं तो इस यू में सबसे पहले हमें प्रोटोकॉल देखने मिला फिर हमें सेपरेटर देखने मिला फिर सब डोमेन देखने मिला फिर डोमेन देखने मिला और उसके बाद हमें टॉप लेवल डोमेन देखने मिला तो ये तो हो गया साहब वेबसाइट का नाम किस तरह से आएगा लेकिन इसके बाद भी दो शब्द आते हैं एक शब्द होता है डायरेक्टरी और दूसरा शब्द होता है रिसोर्स इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझो कि जैसे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट है इसका नाम है यूट्यूब हमने ये वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम यूट्यूब है अब यूट्यूब में भी बहुत सारी चीजें हैं तो यूट्यूब में आपको एक फाइल खोलना है एक फोल्डर खोलना है अभियान इसको हम एक फोल्डर मान लेते हैं चैनल की जगह हम इसे एक फोल्डर मान लेते हैं और अभियान के अंदर भी आपको एक वीडियो ओपन करना है इंटरनेट ये वीडियो है दोस्तों वीडियो का नाम है तो देखिए अब तक हमारी वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है यहां पर सबसे पहले प्रोटोकॉल आया फिर सेपरेटर आया फिर सब डोमेन आया फिर डोमेन आया और फिर डॉट कॉम के रूप में टॉप लेवल डोमेन आया इसके बाद दोस्तों आएगी डायरेक्टरी डायरेक्टरी का मतलब है इस फोल्डर का नाम आएगा और फोल्डर के नाम के बाद सबसे आखिरी में आएगा रिसोर्स तो तो रिसोर्स का मतलब होता है वह स्थान जहां पर एक यूज़र पहुंचना चाहता है या फाइल का पता जो एक यूज़र सर्च करना चाहता है तो डायरेक्टरी और रिसोर्सेस ये चेंज होते रहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अज्यूम कीजिए कि अगर आपको सिर्फ अभियान पर पहुंचना होता तो क्या डायरेक्टरी आती नहीं आती फिर सीधा रिसोर्स आता तो एक फाइल जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो रिसोर्स कहलाती है और वो जिस फोल्डर में होती है वो फोल्डर उसकी डायरेक्टरी कहलाती है डायरेक्टरी बहुत बड़ी हो सकती है अभियान के अंदर गए अभियान के अंदर आपने एक प्ले को खोला तो अभियान भी डायरेक्टरी है फिर अभियान के अंदर वो प्लेलिस्ट uh, भी डायरेक्टरी है लेकिन रिसोर्स हमेशा वही होगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं दोस्तों तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत आसान है अगर इसे आप डेली लाइफ एग्जाम्पल में हमारे घर के एड्रेस की तरह समझें तो इसी को कहा जाता है दोस्तों इंटरनेट का पता या इंटरनेट पर किसी वेब का उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा अब इसमें एक शब्द जिसकी चर्चा हमने बार बार की उसके बारे में जरा हम बात करते हैं और वो शब्द है www, डब्ल्यू डब्ल्यू अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे लेकिन कुछ बेसिक बातों की हम चर्चा कर लें कि आखिरकार ये होता क्या है तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे दोस्तों ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये बेसिकली सर्वर पर उपलब्ध जानकारियों का एक डॉक्यूमेंट होता है जो हाइपर टेक्स्ट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है इसको बनाने का श्रेय टिम बर्नस को जाता है तर समझ नहीं आया आसान भाषा में बताएं ठीक है अब जब हमें YouTube नाम की ऐसा करते हैं YouTube की जगह लेते हैं जैसे हमें अन अकेडमी नाम की एक वेबसाइट को बनाना है तो अब मुझे ये बताइए क्या इस वेबसाइट में सिर्फ एक पेज होता है नहीं जब आप इस वेबसाइट को बनाते हैं तो इसमें बहुत सारा टेक्स्ट होता है अर्थात इसमें बहुत सारे अक्षर होते हैं आजकल की वेबसाइट में बहुत सारी फोटोज भी होती है फोटोज के अलावा इसमें कुछ वीडियोस भी होते हैं और एक पेज की जगह आप देखिए आजकल वेबसाइट में हजारों पेज होते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें टेक्स्ट भी लिखा अन की वेबसाइट बनाने के लिए उसमें हमने फोटो भी डाली और उसमें हमने वीडियो भी डाला अब इन सब चीजों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए तो दोस्तों यही काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट पर जो अलग अलग पिक्चर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट होता है और जो वीडियोस होते हैं उन सभी को यह हाइपर टेक्स्ट के द्वारा हाइपर टेक्स्ट के द्वारा इन सब चीजों को जोड़ करके हमारे सामने वेब पेज के रूप में प्रदर्शित करता है तो जो अन अकेडमी की वेबसाइट आपको दिखाई देती है जिसमें सारी चीजें जिसमें फोटोज भी डली हुई हैं हाइपर लिंक भी है मीडिया भी है सब कुछ है वो सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि टिम ली ने एच टी टी पी प्रोटोकॉल और डब्लू 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 का आविष्कार किया जिसके माध्यम से आप एक वेब पेज बना पाते हैं और अलग अलग चीजों को मर्ज करके एक साथ दिखा पाते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि डब्ल्यू 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 क्या है तो बताइएगा एक वेब पेज के सभी डॉक्यूमेंटों का समूह है जो हाइपर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अगर यह नहीं होगा तो हमें यह चीजें एक साथ नहीं दिखाई देंगी इसका अविष्कार किसने किया तो इसे बनाने वाले ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे टिम बर्नसली जिन्होंने 1989 में डब्ल्यू का आविष्कार किया था अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर www को बनाने के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता तो पड़ती होगी क्योंकि ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी है और जब हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें भाषाओं की आवश्यकता होती है तो इसी तरह जब हम एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं या www का निर्माण करते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ भाषाओं की जरूरत होती है और उसमें पहली एक भाषा है दोस्तों एच टी एच टी एम एल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यह www डब्लू डब्लू पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की भाषा है जिसमें हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का प्रयोग होता है अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाइपर टेक्स्ट क्या है और हाइपर लिंक क्या है फिर अगला है दोस्तों एक्स एम एल पिछले साल भी हमने पढ़ा था याद है अगर आपने पढ़ा था ये सवाल आया था ठीक है XML का फुल फॉर्म है Extensible Markup Language HTML भाषा में जहां वेब पेज की डिजाइन पर ध्यान होता है वही XML भाषा में डेटा स्टोर करने और डेटा के ट्रांसफर पर बल दिया जाता है एक और भाषा है XHTML Extensible हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में एच टी एम एल तथा एक्स एम एल दोनों भाषाओं की विशेषता होती है एक और है दोस्तों यह सन कंपनी द्वारा विकसित की गई भाषा है जिसका प्रयोग वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की आवश्यकता बहुत कम होती है फिर है दोस्तों पी एच पी हाइपर टेक्स्ट अर्थात प्री प्रोसेसर पी एच पी पी एच पी का प्री एक है जिसका प्रयोग डायनेमिक वेब पेज के विकास में किया जाता है इस भाषा का विकास रेस मम सॉरी रेसमस लैंडोर्फ के द्वारा उन्नीस में किया गया था फेसबुक और याहू की वेबसाइट PHP भाषा में ही तैयार होती है तो देखिए एक प्रश्न ऑलरेडी यहां से आ चुका है तो इस बार प्रश्न आने की संभावना कम है लेकिन फिर भी इनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि इन भाषाओं का प्रयोग हम वेबसाइट के निर्माण में करते हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ठीक है अभी हम डब्ल्यू के बारे में कुछ और बातों का भी डिस्कशन करेंगे तो वहां पर भी इन चीजों का रिविजन हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं तो ये दोस्तों हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने इंटरनेट के एड्रेस को डिस्कस किया या इंटरनेट के पते की चर्चा की क्लियर है हमने पढ़ा यू क्या होता है और हमने यू के अलग अलग हिस्सों का अध्ययन किया ठीक और कुछ प्रश्नों की बात भी की अब दोस्तों हमारे इस लेक्चर के हम छठवें भाग का अध्ययन करेंगे जहां हमें उन डिवाइस की चर्चा करनी है जिनका उपयोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है या फिर वो डिवाइस जिनके बिना हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते या बेहतर कनेक्शन स्थापित नहीं कर सकते इन्ही डिवाइसेस को नेटवर्क की डिवाइसेस भी कहा जाता है कि किसी नेटवर्क को बनाने में भी इन्हीं डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है इनके नाम याद रखिएगा फिर इनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो डिवाइस है दोस्तों उसे मॉडेम कहा जाता है ठीक है उसे मॉडेम कहा जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है क्लियर फिर इसके बाद जो दूसरी डिवाइस है उसे हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं फिर दोस्तों हब नाम की एक डिवाइस होती है फिर रिपीटर नाम की एक डिवाइस है ब्रिज नाम की एक डिवाइस होती है गेटवे नाम की एक डिवाइस होती है और राउटर नाम की डिवाइस होती है इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइस होती हैं, जैसे सर आप कहेंगे सर तार की भी जरूरत पड़ती है बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर वगैरह की आवश्यकता होती है लेकिन वो ऑलरेडी हम आईसीटी वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ठीक तो चलिए दोस्तों इन डिवाइस के बारे में कुछ बेसिक बातें हम समझ लेते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना है सबसे पहले बात करेंगे मॉडर्न तो जो मॉडर्न है वो बेसिकली क्या काम करता है दोस्तों तो वो इंटरनेट को वो इंट माफ कीजिए वो दोस्तों ये जो मॉडर्न है ये इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है तो मॉडम एक ऐसा हार्डवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और ये मदद करता है इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने में खास तौर पर अगर कनेक्शन तार के द्वारा किया गया है अगर वायर के द्वारा कनेक्शन किया गया है दोस्तों मॉडेम दो शब्दों से मिलकर के बनता है एक शब्द है एम ओ और दूसरा शब्द है डी ई -E. ठीक है, M -O का अर्थ होता है मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन और ई -E का अर्थ होता है डी मॉड्यूलेशन सर इनका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए मॉडर्न का उपयोग अब उतना नहीं होता पर शुरुआत में क्या होता था दोस्तों कि जनरली एक टेलीफोन का वायर आता था और इसी टेलीफोन के वायर को ये हमारा टेलीफोन हो गया और इसी टेलीफोन के वायर को हमें हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता था तो इस टेलीफोन वायर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है और इसी डिवाइस को हम मॉडेम का नाम देते हैं अब तो हर लैपटॉप और कंप्यूटर में ये इनबिल्ट आता है पहले इसको लगवाना पड़ता था तो ये मॉडेम काम क्या करता है तो देखिए ये जो हमारे सिग्नल आते हैं जैसे ये हमारे टेलीफोन की लाइन है तो ये जो सिग्नल आते हैं दोस्तों ये एनालॉग भाषा में आते हैं किस भाषा में आते हैं ये पूरे सिग्नल दोस्तों एनालॉग भाषा में आते हैं तो ये सिग्नलों को सबसे पहला काम करता है मॉडेम का जो काम होता है ये सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो जब कंप्यूटर को एक जानकारी चाहिए तो मॉडम के पास वो सिग्नल आएगा और मॉडम इसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा लेकिन जब कंप्यूटर से कोई जानकारी हमें वापस भेजनी होती है तो कंप्यूटर उसे डिजिटल सिग्नल में ही भेजता है और फिर ये मॉडम इन्हें डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो मॉडेम का काम है सिग्नलों को बदलना एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग दोस्तों जब कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है तो इसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है और जब कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है तो इसे डी मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है जबकि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया डी मॉड्यूलेशन कहलाती है तो यही काम होता है मॉडेम का तो दो तीन बातें याद रखेंगे मॉडेम क्या है एक हार्डवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ने के लिए किया जाता है फिर आपसे पूछा जाएगा कि मॉडेम कितने शब्दों से मिलकर के बना है तो मॉडेम दो शब्दों से मिलकर के बना है एम ओ और डी ई एम ओ का अर्थ है मॉड्यूलेशन डी ई का अर्थ है डी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना जबकि डीमॉडुलेशन का काम होता है एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में बदलना अब सामान्यतः हम घरों में वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं या राउटर का इस्तेमाल करते हैं तो राउटर में आप देखिएगा मॉडेम नाम की एक डिवाइस लगी रहती है जिससे हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन जोड़ा जाता है और कंप्यूटर में भी जब हम केबल के द्वारा इंटरनेट लेना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटरों में भी या लैपटॉप में एक मॉडेम नाम का हार्डवेयर लगा होता है दोस्तों ठीक है तो उम्मीद करता हूं मॉडेम आपको समझ में आया होगा एक बहुत महत्वपूर्ण हार्डवेयर है जब हम इंटरनेट कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं ठीक है मॉडेम के बाद बहुत सारी डिवाइसेस हैं जैसे एक डिवाइस का नाम है मल्टी एक्सर यह एक ऐसा उपकरण है जो कम गति की लाइनों को लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइन को हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ता है तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि जो भी लो स्पीड वाली ट्रांसमिशन लाइन है उन्हें हाई स्पीड वाली ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ने का काम करता है अगला शब्द है हब तो इसको ऐसा याद मत करो हब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप बहुत सारे उपकरणों को जोड़ सकते हैं जैसे आपने यूएसबी का हब देखा होगा तो उसमें क्या होता है, कि एक ऐसी है और यहां से एक मेन कनेक्शन गया है और इसमें आप तीन चार या पांच छह यूएसबी केबलों को जोड़ सकते हैं तो इन्हें हब कहा जाता है तो इसका इस्तेमाल भी लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है फिर अगला है दोस्तों रिपीटर जब डेटा को कई केबलों के माध्यम से भेजा जाता है तो सिग्नल खराब हो जाता है तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए रिपीटर्स का उपयोग किया जाता है आज भी रिपीटर्स एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है आप देखिएगा कि जब हम ब्रॉडबैंड वगैरह लगाते हैं तो खंभों पर रिपीटर्स लगाए जाते हैं क्यों क्योंकि वो कनेक्शन कई सारी लाइन से होकर के आता है तो सिग्नल खराब ना हो इसीलिए रिपीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बहुत सारी अलग अलग केबलों के माध्यम से इंटरनेट को प्रसारित किया जाता है इसके बाद दोस्तों अगला शब्द है ब्रिज, तो ये दो में डेटा को भेजने का काम करता है फिर एक शब्द है गेटवे, इसका भी यही काम है दोस्तों राउटर तो राउटर राउटर के माध्यम से आप इंटरनेट को वायरलेस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं वायर वाले तरीके से भी इंटरनेट को आगे बढ़ाया जा सकता है तो ये कुछ डिवाइस है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए खास तौर पर रिपीटर के बारे में याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर जहां पर इंटरनेट को अलग अलग लाइनों से भेजा जाता है वहां सिग्नल को खराब होने से बचाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों कि वहां हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं ठीक है चलिए तो इसी तरह दोस्तों हमारा छठवा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम कितनी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं फिर हमारे सातवें टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां हमें इंटरनेट के अलग अलग टूल्स का अध्ययन करना है चलिए दोस्तों तो हमारे सातवें टॉपिक को अब हम शुरू करेंगे जहां हमें इंटरनेट के अलग अलग टूल्स का अध्ययन करना है इंटरनेट के टूल्स का अर्थ है ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो हमारी मदद करते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए या इंटरनेट पर दी गई जानकारी को एक्सेस करने के लिए उदाहरण के लिए दोस्तों वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते वेब ब्राउजर इंटरनेट की सारी जानकारी को हमारे एक्सेस करने के लायक बनाता है फिर उसी में एक चीज होती है जिसे हम सर्च इंजन कहते हैं सर्च इंजन हमारी मदद करता है वेब ब्राउजर पर अलग अलग चीजों को ढूंढने में तो दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण टूल हैं फिर ऐसा ही एक टूल दोस्तों ईमेल कहलाता है ईमेल के द्वारा हम पत्र भेज सकते हैं और 25 एम तक की फाइल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं तो इन्हीं टूल्स का अध्ययन अब हम इस सातवें टॉपिक में करेंगे ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से बहुत सारे फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर हम हाइपर लिंक हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया को डिस्कस करेंगे फिर हम वेब पेज और वेबसाइट की बात करेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू के एक दो फैक्ट रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे फिर इसके बाद दोस्तों हम वेब ब्राउजर और सर्च इंजन की बात करेंगे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहीं पर आप फैक्ट डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सा वेब ब्राउजर कब बना भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है या भारत का पहला सर्च इंजन कौन सा है और सबसे आखिरी में हम ईमेल को डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का अध्ययन करेंगे जहां हम इसके शब्दों को समझेंगे नियम को समझेंगे और उसके अलावा इससे जुड़े हुए अलग अलग प्रोटोकॉल्स का अध्ययन करेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं कि हाइपर लिंक हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया क्या क्या अर्थ होता है तो जैसे जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट पर अगर हमने एक वेबसाइट को विजिट किया तो एक वेबसाइट में आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे अलग अलग पेजेस होते हैं ठीक है जैसे अगर आप अन अकेडमी की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेज हैं, यूपीएससी का पेज है पहला पेज होम पेज कहलाता है फिर एम का पेज है ऐसे हजारों पेज आपको अन की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेंगे तो अब इस बात को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो अलग अलग वेब पेज हैं इनको जोड़ने का काम कौन करता है तो इन वेब पेज को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम हाइपर लिंक के नाम से जानते हैं तो हाइपर लिंक का काम यही है दो वेब पेजों को आपस में जोड़ना या कनेक्ट करना अब एक चीज अगला शब्द एक चीज और देखी होगी आपने कि कई बार जब आप एक वेबसाइट विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट में अलग अलग जानकारी रहती है फिर एक जगह लिखा रहता है क्लिक हेयर जैसे कि आपको मान लीजिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ले जाना है तो यहां लिखा रहेगा दोस्तों क्लिक हेयर और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप एक नई वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं तो इसे कहा जाता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट तो हाइपर टेक्स्ट के द्वारा किसी भी एक पेज को पढ़ते समय हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि एक वेब पेज को अपने अंदर स्टोर करता है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आप उस वेब पेज पर पहुंच जाते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है लगभग हर एक प्रकार की वेबसाइट में फिर एक चीज आपने देखी होगी दोस्तों कि कई बार जब ऐसा ही एक ऑप्शन आता है क्लिक हेयर का ऑप्शन आता है तो उसके द्वारा सिर्फ वेब पेज नहीं खुलता वेब पेज के साथ साथ उसमें डॉक्यूमेंट उसमें टेक्स्ट भी होता है उसमें फोटो भी होती है और उसमें वीडियो भी होता है तो इसको खोलने के लिए हम हाइपर मीडिया का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हाइपर टेक्स्ट के द्वारा आप एक ऐसी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे जिसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट है या जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है लेकिन हाइपर मीडिया का उपयोग करके आप टेक्स्ट के साथ साथ ऐसी वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे जिसमें फोटोज भी हैं वीडियोस भी हैं तो आज हम हाइपर टेक्स्ट की अपेक्षा हाइपर मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं एक बात और मैं बताना भूल गया हाइपरलिंक के बारे में वो बात यह है दोस्तों कि हाइपरलिंक की एक विशेषता यह होती है कि अधिकांशतः इसे नीले रंग से दर्शाया जाता है इसे ब्लू कलर से दिखाया जाता है और इसका जो साइन है तो इसे हाथ के साइन के द्वारा या हैंड साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है पूछा गया है कि हाइपर को सामान्यतः किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है तो हाथ के चिन्ह के द्वारा सामान्यतः हाइपरलिंक को दर्शाया जाता है तो हाइपरलिंक क्या काम करता है दोस्तों? दो दो या दो से अधिक वेब पेजों को आपस में जोड़ने का काम हाइपरलिंक हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें एक वेबसाइट का पता होता है और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे हाइपर एक ऐसा हाइपर uh, लिंक एक सॉरी हाइपर मीडिया एक ऐसी मीडिया लिंक होती है जो एक ऐसी वेबसाइट को अपने अंदर रखता है जिसमें डॉक्यूमेंट के साथ साथ वीडियो और इमेजेस होती हैं और अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो ये एक बेसिक अंतर है दोस्तों हाइपर लिंक हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया में उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इस चीज को फिर यहां से आप पढ़ लीजिएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है इसके बाद अगला शब्द है वेब पेज और इसी के साथ साथ हम वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे तो वेब पेज बेसिकली दोस्तों इसको इस तरीके से समझें कि यह इंटरनेट पर यह इंटरनेट पर एच भाषा में एचटीएमएल की भाषा में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है यह है इंटरनेट पर एचटीएमएल की भाषा में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक निश्चित जानकारी स्टोर होती है उदाहरण के लिए दोस्तों फिर से हम आपको एग्जांपल देंगे अन अनअकैडमी की वेबसाइट का जब आप अन अनअकैडमी पर जाते हैं तो वहां आपको पहला एक पेज दिखाई देता है और किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है अब अगर आप दूसरे तो जब आप इस पेज पर गए तो आपने कुछ जानकारी देखी आपको वहां कुछ फोटो दिखाई देंगी कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा तो इसको दोस्तों एच भाषा में तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट कहा जाता है और यह एक वेब पेज कहलाता है और दोस्तों जब बहुत सारे वेब पेज आपस में जुड़ जाते हैं तो ये निर्माण करते हैं वेबसाइट का जब बहुत सारे वेब पेज आपस में जुड़ जाते हैं तो ये निर्माण करते हैं दोस्तों वेबसाइट का ठीक है तो वेबसाइट कुछ नहीं है बहुत सारे वेब पेजों का एक समूह है और वेब पेज इंटरनेट पर एच भाषा में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी जानकारी जैसे कि टेक्स्ट फोटो और वीडियो शामिल होते हैं इनकी एक विशेषता यह है कि चाहे आप वेबसाइट को एक्सेस करना चाहें या फिर आप वेब पेज को एक्सेस करना चाहें तो इन दोनों का एक्सेस करने के लिए दोस्तों हमें जरूरत होती है वेब ब्राउजर की जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि ये वेब ब्राउजर क्या होता है बिना वेब ब्राउजर के ना तो हम वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और ना ही हम किसी वेब पेज पर विजिट कर सकते हैं अगर मोबाइल में भी दोस्तों हम जाना चाहते हैं किसी पेज पर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग वेब ब्राउज़र का एंड्रॉयड में सामान्यतः हम गूगल के क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं या फिर मोजिला का इस्तेमाल करते हैं ओपेरा का इस्तेमाल करते हैं वहीं आईफोन में सफारी नाम का एक वेब ब्राउज़र आता है उसका इस्तेमाल किया जाता है वहीं लैपटॉप में हम गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर या माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनके बिना हम जानकारी को एक्सेस नहीं कर सकते याद रखिएगा वेबसाइट और वेब पेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है अब एक शब्द हमारा और बचता है जो है दोस्तों www। डब्लू तो www के बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी हमने पढ़ी हमने ये पढ़ा कि बेसिकली जो अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं और जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम डब्ल्यू कहते हैं बेसिकली डब्लू डब्लू एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारी पिक्चर आपस में हाइपर लिंक के हाइपर टेक्स्ट के द्वारा जोड़ी जाती है इसका अविष्कार टिम बर्नस ली के द्वारा किया गया था और w3c नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे मैनेज करती है एक फैक्ट जो मुझे आपको यहाँ पर बताना था वो ये है दोस्तों कि www का बैकबोन कहा जाता है http को तो http एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा इंटरनेट पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो http को डब्ल्यू का बैकबोन कहा जाता है बाकी सारी बातें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। हमने डिस्कस कर लिया है कि डब्ल्यू को बनाने के लिए किस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो यहां पर भी हमें कुछ बहुत डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अब जो टॉपिक आ रहा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसे दोस्तों हम वेब ब्राउजर कहते हैं और इसी के तहत हमें सर्च इंजन को भी पढ़ना है तो पहले इस चीज को ध्यान से समझिए कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या अंतर है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है तो इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों मान लीजिए ये पूरा इलाका इंटरनेट है इसे हमने मान लिया कि ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों इंटरनेट है अब इस इंटरनेट पर बहुत सारे अलग, अलग 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 प्रकार की जानकारी है या अलग अलग अलग, अलग प्रकार का बहुत सारा डेटा है बहुत सारी वेबसाइट है बहुत सारे वेब पेज हैं बहुत सारी फाइलें हैं और ना जाने क्या 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 इस इंटरनेट में भरा पड़ा है अब सवाल ये पैदा हुआ कि इंटरनेट पर जो इतनी सारी चीजें हैं उन्हें आम व्यक्ति कैसे एक्सेस कर पाएंगे उन्हें किस तरीके से वो उपयोग कर पाएंगे तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया इसके लिए दोस्तों एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाया गया और इसी को हम वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं तो वेब ब्राउजर क्या करता है दोस्तों इंटरनेट पर ये जो अलग अलग जानकारियां हैं या अलग अलग वेबसाइट है वो हमारे कंप्यूटर पर उन्हें उपलब्ध कराता है याद रखिएगा मैंने ये नहीं कहा कि उनको छांटता है मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि वो आपको एक्सेस करने के लायक बनाता है कि वेब ब्राउजर ने आपको वो जरिया दिया वो माध्यम दिया जिनके द्वारा आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं तो ये अच्छा काम होने लगा लेकिन फिर एक समस्या और आने लगी समस्या ये आने लगी कि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें हैं और लोगों को चीजों को ढूंढने में बड़ी समस्या आने लगी जैसे मान लीजिए कि मुझे एक इंटरनेट के बारे में पढ़ना है या मुझे इंटरनेट का अध्ययन करना है तो मुझे पूरी फाइलों को एक एक करके चेक करना होगा तब कहीं जाकर के मुझे इंटरनेट के बारे में पता पड़ेगा तो ये बड़ा ही हैक्टिक काम था और यह बहुत मुश्किल काम था तब एक टूल डेवलप किया गया वेब ब्राउजर के अंदर वेब ब्राउज़र के अंदर एक नया टूल डेवलप किया गया और इसे दोस्तों सर्च इंजन कहा गया और सर्च इंजन क्या करता है वो सारी जानकारी जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है जो कि इंटरनेट पर दी गई है दोस्तों वो इस पूरी जानकारी में से चीजों की चीजों को इंडेक्सिंग करता है और बताता है और चीजों को छांटने का काम करता है सिंपल भाषा में हम कहें तो तो सर्च इंजन हमें पूरी जानकारी को एक जगह ला कर के दे देता है जिसकी हमें आवश्यकता है जैसे अब अगर मुझे इंटरनेट के बारे में पता करना है तो मुझे ये पूरी फाइलों को पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं सीधा सर्च इंजन पर डालूंगा इंटरनेट तो इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी फाइलें आ जाएंगी ठीक है तो ये अंतर होता है एक वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में वेब ब्राउजर ने क्या किया वेब ब्राउजर ने हमें वो जरिया दिया कि हम इंटरनेट पर दी गई जानकारी को एक्सेस कर सकें यह एक सॉफ्टवेयर होता है जबकि सर्च इंजन इंटरनेट पर दी गई जानकारी को छांटने के काम आता है या फिर हमारे काम की इंफॉर्मेशन को निकालने के काम आता है तो सर्च इंजन फिल्टर का काम करता है दोस्तों आप इंटरनेट डालेंगे तो इंटरनेट से जुड़ी हुई बातें आएंगे आपने अगर डाला मान लीजिए कि इसरो तो इसरो से जुड़ी हुई बातें आएंगी जो भी शब्द आप सर्च इंजन में लिखेंगे उसी से जुड़ी हुई बातें आती हैं अब सर्च इंजन ने एक नई तकनीक अपनाई जिसे क्रॉलर कहा जाता है तो क्रॉलर का इस्तेमाल आजकल हर एक सर्च इंजन के द्वारा किया जाता है क्रॉलर क्या करता है कि जैसे आपने इसरो डाला तो अब इसरो से जुड़े हुए मान लीजिए 10 लाख पेज इंटरनेट पर है तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा पेज आपके काम का है तो इसरो सॉरी तो गूगल एक क्रॉलर के मदद से वो सारे पेजेस आपके सामने लेकर के आता है जो सबसे ज्यादा उपयोगी है और जो नए पेज हैं तो क्रॉलर का काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब हम एक सर्च इंजन की बात करते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूं वेब ब्राउजर और सर्च इंजन का अंतर आपको समझ में आया होगा दोस्तों दुनिया में बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जिनके उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं जैसे कि ओपेरा गूगल क्रोम सफारी इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला फायरफॉक्स और भी बहुत सारे हैं ये वेब ब्राउज़र कहलाते हैं ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों अपने आप में फिर दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन भी हैं जैसे कि गूगल तो गूगल का सर्च इंजन गूगल है लेकिन गूगल के ब्राउजर का नाम क्रोम है दोस्तों फिर एक और है बाईडू ये चाइना में यूज होता है बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है याहू डक डक गो तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन है तो वेब ब्राउजर के बारे में जैसे पढ़ें तो वेब ब्राउजर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जैसा कि हमने आपको बताया जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को यूजर के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में अनुवाद करता है इन वेब पेजों में मौजूद जानकारी में ग्राफिक्स आदि शामिल होते हैं वही सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के डेटाबेस से यूजर के सवाल को खोजता है ठीक है अब पहले हम वेब ब्राउजर की चर्चा कर लेते हैं कि वेब ब्राउजर में कौन कौन से प्रमुख वेब ब्राउजर हैं। यहां से प्रश्न बनते हैं पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है या निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है तो अब ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पर सबसे पहले है दोस्तों दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था जिसे 23 जनवरी 1993 को लॉन्च किया गया था दूसरे नंबर पर है गूगल का क्रोम इसे 2 सितंबर 2008 को लॉन्च किया गया था फिर है फायरफॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर है इसे 2002 में लॉन्च किया गया था और यह एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है हमने अभी एक शब्द पढ़ा था ओपन सोर्स उसका मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर तो फ्री है पर वो सॉफ्टवेयर जिन भाषाओं में लिखा गया है जिन कोड्स में लिखा गया है वो भी आपको फ्री दिए जाते हैं तो मोजिला जो है वो एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है दोस्तों ठीक है इसके बाद सफारी ये एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है जो 2003 में लॉन्च किया गया था फिर है दोस्तों का लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट एज ये नया वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का जो 2015 में लॉन्च किया गया और ये जो नए विंडोज 10, विंडोज 11 आ रहे हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट एज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है इसके बाद है दोस्तों ओपेरा आ, ओपेरा जो है वो उन्नीस में विकसित किया गया था चाइना के पास इसकी ऑनरशिप है फिर है स्लिम स्लिम 2021 का एक वेब ब्राउजर है मैक्सथन 2002 चाइना का एक वेब ब्राउजर है यूसी ब्राउजर ये भी चाइना और इंडोनेशिया का एक वेब ब्राउजर है जो 2017 में लॉन्च किया गया इसका उपयोग मोबाइल पर ज्यादा होता है ट का फुल फॉर्म है द अनियन ब्राउजर और इसे 2002 में लॉन्च किया गया था और टॉर के बारे में आप जानते हैं ये एक ऐसा वेब ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल करके हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं फिर है दोस्तों नेट स्केप उन्नीस में इसे लॉन्च किया गया था और एक है दोस्तों इपिक इपिक जो है वो भारत ये गलत हो गया यहाँ पर वेब ब्राउजर आएगा इपिक जो है वो भारत का पहला वेब ब्राउजर है इंडिया का पहला वेब ब्राउजर है इपिक इसका नाम जरूर याद रखिएगा ठीक है चलिए अब दोस्तों हम सर्च इंजन की बात करेंगे कि प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से हैं तो सर्च इंजन में एक है दोस्तों आरकी तो आर्की जो है वो 1990 में बनाया गया पहला सर्च इंजन है जो कि एलन एमटेज के द्वारा विकसित किया गया था गूगल 4 सितंबर उन्नीस को लॉन्च किया गया था इसे लैरी पेज और सरजी बिन के द्वारा बनाया गया और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया के आ, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। गूगल के बाद बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है दोस्तों जो 2009 में विकसित किया गया याहू याहू जो है इसे जेरी और डेविड फीलो ने विकसित किया था 1994 में इसके बाद यांडेक्स यांडेक्स जो है दोस्तों रूस का एक वेब ब्राउजर है जिसे 2000 सर्च इंजन है माफ कीजिए रूस का एक सर्च इंजन है जिसे 2000 में विकसित किया गया बाइडू बाइडू चाइना का एक सर्च इंजन है जिसे 2000 में विकसित किया गया आस्क डॉट कॉम दोस्तों आस्क डॉट कॉम की स्थापना उन्नीस में की गई थी ठीक है डक डक गो ये गैब्रियल वेनबर्ग के द्वारा 2008 में इस्तेमाल किया गया तो जो डार्क वेब है उसको एक्सेस करने के लिए हमें टॉर नाम के वेब ब्राउजर की जरूरत होती है जबकि डक डक गो नाम के सर्च इंजन की हमें आवश्यकता पड़ती है डक डक गो एक ऐसा सर्च इंजन है जो कभी आपकी गतिविधियों को ट्रेस नहीं करता लेकिन जब हम गूगल मोजिला ओपेरा यूसी ब्राउजर इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी पूरी एक्टिविटीज अक्तिविट, को ट्रैक करता है जिन्हें हमारे वेब प्रिंट कहा जाता है तो ये हमारे वेब प्रिंट का लगातार स्टोर करके रखता है उसका पर्पस ये होता है कि ताकि आपको और बेहतर रिजल्ट दिखाए जा सके इसके बाद दोस्तों एल डॉट कॉम ये 1985 में बनाया गया था ये मैं एक बार सर्च करूंगा टाइम ठीक है नेट स्केप ये भी एक सर्च इंजन है जो 1994 में ये मैं चेक करके आपको बता दूंगा ठीक है नाइनटीन uh, में अमेरिका का एक सर्च इंजन है इसके अलावा भारत के भी कुछ सर्च इंजन है दोस्तों जैसे सबसे पहला भारतीय सर्च इंजन गुरुजी .com है जिसकी शुरुआत 2006 में अनुराग डोड और गौरव मिश्रा ने की थी हालांकि 2012 में इसे बंद कर दिया गया तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन है तो आंसर होगा इपिक अगर पूछा जाए कि भारत का पहला सर्च इंजन कौन सा है तो आंसर होगा गुरुजी डॉट कॉम ठीक है आगे बढ़े दोस्तों एक और वेब आ, सर्च इंजन है भारत का जिसे वन टू थ्री खोज डॉट कॉम कहा जाता है इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी ये अब भी चल रहा है और यह बहुत कुछ गूगल की तरह दिखाई देता है फिर इपिक सर्च इंजन भी है और इपिक वेब ब्राउजर भी है और इसकी स्थापना 2010 में आलोक भरद्वाज ने की थी और इसका स्वामित्व बेंगलुरु में एक कंपनी है रिफ्लेक्स उसके पास है इनका दावा है कि यह एक बहुत सुरक्षित वेब ब्राउजर है और इसके द्वारा हम किसी भी तरीके से आपको ट्रेस नहीं करते हैं आपकी प्रिवेसी इसमें बहुत बेहतर रहती है दोस्तों इपिक ठीक है विजिट जरूर कीजिएगा देखो इन चीजों को विजिट कीजिए आपको पता पड़े कि भारतीय कंपनियां कैसा काम कर रही हैं इंडियन कंपनीज क्या करती हैं इनको विजिट कीजिए कि गुरूरी डॉट कॉम क्यों बंद हो गया वन टू थ्री खोज पर कैसे रिजल्ट मिलते हैं इनको विजिट कीजिएगा एक बार फिर जस्ट डायल डॉट कॉम तो ये एक डायरेक्टरी वाला सर्च इंजन है डायरेक्टरी का मतलब होता है जो कुछ निश्चित प्रकार के परिणामों को ही दिखाता है तो जस्ट डायल हमें सिर्फ नंबर्स की जानकारी देता है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत में मनी के द्वारा की गई थी मुंबई में रेडिफ रेडिथ मतलब रेडिफ रेडिफ। है रैडिफ, इसकी स्थापना उन्नीस में मुंबई में की गई थी इसमें मनोरंजन समाचार ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है क्यू मामू इसको क्यों मामू पढ़ेंगे शायद इसकी शुरुआत दो हजार इक्कीस में निश्चित धनानी के द्वारा की गई अहमदाबाद से टैप, इसकी दो हजार 2016 में की गई और यह गूगल की तरह कार्य करता है आई भारत डॉट ओ आर जी इसकी शुरुआत दो हजार चौदह में संजय जाट के द्वारा की गई थी यह अपने प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी टैप की सेवा को प्रदान करता है फिर एक है नीवा डॉट को इसकी शुरुआत 2018 में श्रीधर रामास्वामी और विवेक रघुनाथन ने की थी यह एक एड फ्री भारतीय सर्च इंजन है जो कि आपके डेटा को कलेक्ट नहीं करता हालांकि इसके लिए हमें पे करना होता है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की एड नहीं आती है तो ये दोस्तों कुछ भारतीय सर्च इंजन हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए अब सर्च इंजन के बारे में, के बारे में हम जान गए कि एक ऐसा टूल है इंटरनेट पर जो इंटरनेट की वेबसाइटों को हमारे या यूजर के हिसाब से फिल्टर करता है और यूजर को वो रिजल्ट दिखाता है जो उसने सर्च किया है या जो वो ढूंढना चाहता है तो दोस्तों ये जो सर्च इंजन है ये पांच प्रकार के होते हैं तो अब जरा हम सर्च इंजन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे जैसे सर्च इंजन का पहला एक प्रकार है क्रॉलर आधारित सर्च इंजन या क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन पढ़िएगा जब कोई इंटरनेट उपयोगकर्ता गूगल के खोज इंजन पर किसी विषय की खोज करता है तो गूगल के बॉट गूगल सर्वर के डेटाबेस में संग्रहित उस विषय से संबंधित नए वेब पेजों की खोज शुरू करते हैं और उस विषय से संबंधित सबसे अच्छे रिजल्ट उपयोगकर्ता को दिखाते हैं इसे क्रॉलिंग कहा जाता है तो वही जो हमने आपको समझाया था अभी कि मान लीजिए आपने इसरो के बारे में सर्च किया और इसरो के बारे में 10 लाख पेज इंटरनेट पर हैं तो क्रॉलिंग क्या करता है आपके लिए जो नए और उपयोगी पेज हैं उनको सबसे पहले दिखाता है दूसरा वेब ब्राउजर होता है जिन्हें डायरेक्टरी बेस्ड कहा जाता है ये एक निश्चित काम करते हैं जैसे कि जस्ट डायल दोस्तों जस्ट डायल पर आप नंबर सर्च कर सकते हैं एक होता है हाइब्रिड तो हाइब्रिड का मतलब है जिसमें सभी प्रकार की जानकारी आती है जैसे कि गूगल गूगल में हर एक प्रकार की जानकारी आती है आप मोबाइल नंबर भी सर्च कर सकते हैं अगर उसने डाला है ओनर ने और भी सारी चीजें आप आसानी से सर्च कर सकते हैं गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है जिसे मेटा सर्च इंजन कहा जाता है समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो यह सर्च इंजन अपने पास डेटाबेस को नहीं रखता और किसी दूसरे सर्च इंजन के डेटाबेस का प्रयोग करता है उदाहरण डकडगो और डॉक पाइल ठीक है और स्पेशलिटी मतलब एक पर्टिकुलर चीज को अब इसको समझिए कि ये मेटा सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है देखो जैसे गूगल है तो जब आप गूगल पर कोई भी जानकारी मांगते हैं तो गूगल का अपना एक डेटाबेस है तो उस डेटाबेस से गूगल ये जानकारी आपके सामने दिखाता है लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सर्च इंजन हैं सच एस डॉक पायल एंड डक डक को इनके पास अपना सर्वर नहीं होता इनके पास अपना डेटाबेस नहीं होता तो सर ये काम कैसे करते हैं तो जब हम डक डक गो जैसे वेब ब्राउजर सर्च इंजन पर जाते हैं तो ये जानकारी लेते हैं दूसरे सर्च इंजन के डेटाबेस से और फिर वो जानकारी हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं ये ऐसे वेब ब्राउज ऐसे सर्च इंजन को मेटा सर्च इंजन कहा जाता है जिनका खुद का डेटाबेस नहीं होता और जो दूसरे सर्च इंजन के डेटाबेस से रिजल्ट हमको दिखाते हैं तो ये दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रश्न पूछा जा सकता है ठीक है चलिए तो ये हमने चर्चा कर ली वेब ब्राउजर और वेब पेज के बारे में उम्मीद करता हूं कि ये आपके दिमाग में बड़ा क्लियर हो गया है क्योंकि प्रश्न आएंगे यहाँ से पूछेगा कि भारत का पहला वेब ब्राउजर इपिक भारत का पहला सर्च इंजन गुरुजी.com डॉट कॉम पूछेगा कि गूगल कहाँ की कंपनी है अमेरिका की कंपनी है गूगल का वेब ब्राउजर गूगल क्रोम माइक्रोसॉफ्ट के वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग ठीक है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आस कॉम भी एक सर्च इंजन है चलिए अब हम एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल के बारे में ईमेल एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके पत्र भेज सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं आज जबकि हम व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद भी ईमेल एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टूल है इंटरनेट का चाहे हमारे ऑफिशियल मेल हो, चाहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के मेल हो, कई जगह हमारा यूज़र नेम हमारा ईमेल ही होता है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ईमेल और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं पहले भी मैंने आपसे कहा है कि मेक श्योर जब आप अपना ईमेल एड्रेस बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से बनाइए और ढेरों ईमेल आईडी मत बनाओ एक ई मेल बनाओ और उसका इस्तेमाल करो उसके पासवर्ड को याद रखो ई का इस्तेमाल आप कई जगह पर करते हैं दोस्तों तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा ईमेल और मेक श्योर sure कि उसका नाम सही हो उल्टे सीधे नाम मत रखना कि मैं तुम्हारा प्यार हूं एट द रेट ऐसे नाम मत रखिएगा अच्छा नाम रखिएगा क्योंकि आप सोचिए अगर आप बीएससी का इंटरव्यू देने के लिए गए और आपसे पूछा गया आपका इंटरनेट का नाम क्या है तो आपने कहा मेरा नाम है जंगली रोमियो एट द मतलब नाम है ठीक है अजीब अजीब से नाम रखते हैं तो ऐसा फिर आपका इंप्रेशन बहुत खराब हो सकता है चलिए तो ईमेल को हम चार भागों में बांट करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम ईमेल का परिचय पढ़ेंगे जहां हम सामान्य बातों को समझेंगे कि ईमेल क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है ठीक है यहीं पर हम ईमेल से जुड़े हुए कुछ शब्दों को समझेंगे जैसे कि सीसी आपने एक शब्द सुना होगा एक बीसीसी आपने शब्द सुना होगा और ईमेल की संरचना क्या होती है जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं उनको हम जानेंगे फिर दोस्तों हम ईमेल के कुछ घटक को समझेंगे घटक का मतलब यहाँ पर है ईमेल में अलग अलग शब्द होते हैं जैसे स्पैम होता है जंक होता है इनबॉक्स होता है आउटबॉक्स होता है तो इन शब्दों का अर्थ क्या है फिर हम ईमेल के कुछ नियम को समझेंगे नियम का मतलब है कि ईमेल को सही तरीके से किस तरह यूज किया जाता है या फिर इसमें क्या नहीं होना चाहिए कि आपका ईमेल एड्रेस जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए ये सारे ईमेल के नियम कहलाते हैं दोस्त फिर हम आखिरी में ईमेल के कुछ प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे ऑलरेडी हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ नामों का जिक्र करेंगे और फिर अगले टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले ईमेल का हम एक सामान्य परिचय लेते हैं कि क्या है ईमेल आखिरकार तो ईमेल दोस्तों इंटरनेट की एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से आप डिजिटल रूप में जिसके माध्यम से आप डिजिटल रूप में कोई डॉक्यूमेंट ठीक है कोई डॉक्यूमेंट या 25 एमबी तक की एक फाइल भेज सकते हैं चाहे उसमें डॉट ई को छोड़ करके आप लगभग हर एक प्रकार की फाइल को ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं तो ईमेल इंटरनेट का एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आप कोई डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है जिसमें फोटोज भी हो सकती हैं वीडियोज भी हो सकते हैं इन सब को भेज सकते हैं लेकिन याद रखिएगा 25 एम से ज्यादा बड़ी फाइल हम ईमेल के द्वारा सामान्यतः नहीं भेज पाते दोस्तों ईमेल का जो आविष्कार है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है शुरुआत में ये कहा गया कि ई का जो आविष्कार है वो रे टॉमिलसन के द्वारा किया गया लेकिन बाद में अमेरिका ने माना कि ईमेल का आविष्कार 30 अगस्त 1982 को एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति शिवा अय दुरई के द्वारा किया गया था फिर बाद में यह पता पड़ा कि ईमेल का आविष्कार तो शिवा अय दुरई ने किया लेकिन पहला मेल जो भेजने का काम किया वो माफ कीजिए जो एट द रेट का साइन है वो रे टॉमलसन के द्वारा बना यूज किया गया था ईमेल में ठीक है तो ईमेल के आविष्कारक माने जाते हैं सिवा और रेट का प्रयोग करने वाले माने जाते हैं रे दोस्तों जब आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं जैसे एक शब्द होता है टू टू का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं जैसे अगर आप मुझे ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी लिखेंगे ठीक है। फिर एक शब्द आपने सुना होगा दोस्तों सी, सी, इसका फुल फॉर्म याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी कार्बन कॉपी का मतलब यह है कि जैसे आपने एक मेल मुझे भेजा तो मेरे साथ साथ आप इस मेल की कॉपी अगर किसी को भेजना चाहते हैं तो उसे कार्बन कॉपी कहा जाता है लेकिन जब आप कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे जिसको ये मेल भेजा जा रहा है ये पता रहेगा कि मेरे साथ साथ इस मेल की कॉपी किस किस व्यक्ति को भेजी गई है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये पता ना चले कि मेरे साथ साथ इस मेल की कॉपी किन व्यक्तियों को भेजी गई है तब हम इस्तेमाल करेंगे बी का बी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो मुख्य रिसीवर होता है उसे ये पता नहीं चलता कि उसके साथ साथ ये ईमेल की कॉपी और किसे किसे भेजी गई है तो एक ईमेल में इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं ऊपर आपको एक शब्द दिखाई देता है जहां फ्रॉम लिखा हुआ है फ्रॉम का मतलब आपका पता अर्थात वह व्यक्ति जो ईमेल भेज रहा है फिर इसके बाद तू आता है दोस्तों टू का मतलब है वह इंसान जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं फिर यहां आता है सीसी अगर आप इसकी कॉपी किसी को भेजना चाहते हैं और इसको बताना चाहते हैं कि भैया हमने आपके साथ साथ इस मेल की कॉपी फलाना धिमका व्यक्ति को भेजी है लेकिन अगर आप रिसीवर को नहीं बताना चाहते कि आपके साथ साथ हम इस ईमेल की कॉपी किसी को भेज रहे हैं तो आप उनके नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी अर्थात बीसीसी में लिखते हैं फिर नीचे ईमेल का एक विषय होता है सब्जेक्ट होता है जहां आप ईमेल के मुख्य विषय को लिखते हैं फिर इसके बाद ईमेल की मेन बॉडी आती है जहां आपका पूरा मैसेज लिखा रहता है और इसी में एक ऑप्शन होता है अटैचमेंट अटैचमेंट के द्वारा आप ईमेल में किसी भी फाइल को जोड़ पाते हैं दोस्तों ठीक है क्लियर है अब ये समझिए कि एक ईमेल एड्रेस किस तरह से दिखाई देता है तो ईमेल एड्रेस सामान्यतः आपने ऐसा देखा होगा जैसे यहां पर एक कॉमन एक जस्ट ईमेल एड्रेस है यश ड्योरा एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ऐसे बहुत सारे ईमेल होते हैं आपका भी एक ईमेल पता होगा हमारा भी एक ईमेल है तो ये कैसे होता है उनका मतलब क्या है ये समझिए तो ईमेल में जो सबसे पहला भाग हमें दिखाई देता है दोस्तों ये जो पहला भाग आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है यूजर नेम और यही उस व्यक्ति का नाम होता है जिसकी वो ईमेल आईडी है या ये हमेशा बदलता रहता है ये अपने हिसाब से अलग अलग व्यक्ति रखते हैं दोस्तों ठीक है तो हर एक व्यक्ति का जो पहला माफ कीजिए ईमेल का जो पहला हिस्सा है वो व्यक्ति या संस्था का नाम होता है और इसे यूजर नेम कहा जाता है यूजर नेम जैसे ही खत्म होता है दोस्तों उसके बाद ईमेल में एक चिन्ह का प्रयोग करना होता है जिसे हम एट द रेट सिंबल के नाम से जानते हैं ये बेसिकली एक सेपरेटर का काम करता है यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में फिर दोस्तों सेपरेटर अर्थात एट द रेट चिन्ह के बाद हमें डोमेन नेम देखने के लिए मिलता है डोमेन नेम का मतलब है वह संस्था या वह सेवा जिसके द्वारा आप ईमेल भेज रहे हैं जैसे अगर आपका अकाउंट जीमेल पर है तो आपका डोमेन नेम जीमेल होगा इसी तरह बहुत से आउटलुक पर हो सकते हैं कुछ लोग याहू पर हो सकते हैं और बहुत सी संस्थाओं का अपना एक ईमेल का डोमेन नेम होता है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई इन्फोसिस हो गई अन अकेडमी हो गई टाटा हो गई तो इसमें लिखा रहता है कि पहले यूजर नेम फिर एट द रेट टाटा .com इस तरीके से इनके यूजर नेम और उनका डोमेन नेम खुद का होता है फिर दोस्तों एक डॉट आता है और फिर आखिरी में कॉम तो ये डोमेन एक्सटेंशन या इसे हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं तो याद रखिएगा जब आप एक ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो सबसे पहला हिस्सा ईमेल में जो नाम होता है उसे दोस्तों हम यूजर नेम कहते हैं फिर दूसरे हिस्से में एक एट द रेट का चिन्ह आता है फिर दोस्तों तीसरे हिस्से में डोमेन नेम आता है ठीक है फिर हम एक डॉट का इस्तेमाल करते हैं डॉट ठीक है डॉट और फिर इसके बाद आप देखिए कि उसमें अलग अलग इनको मिला करके माफ कीजिए डॉट कॉम डॉट इन डॉट ओ आर जी इनको हम टॉप लेवल डोमेन का नाम देते हैं अब एक इंटरेस्टिंग बात आप समझिए कि ईमेल का एक नियम है कि यूजर नेम जो है वो चौसठ अक्षरों से ज्यादा का नहीं हो सकता अधिकतम इसमें 64 वर्ड हो सकते हैं तो अगर आप एक नाम लिख रहे हैं मान लीजिए कि मुझे एक ईमेल एड्रेस बनाना है, तो मैं लिखते जा रहा हूं शुभम गुप्ता शुभम गुप्ता शुभम शुभम गुप्ता गुप्ता पता पड़ा मैं 100 शब्दों का नाम बना दूं तो जब आप ऐसा करेंगे ईमेल आपका क्रिएट नहीं होगा आप अधिक से अधिक चौसठ शब्दों का प्रयोग यूजर नेम के लिए कर सकते हैं चौंसठ शब्दों अक, अक्षरों से ज्यादा माफ कीजिए चौंसठ अक्षरों से ज्यादा का उपयोग आप एड्रेस में नहीं अपने यूजर नेम में नहीं कर पाएंगे उसी तरह दोस्तों ये जो डोमेन नेम होता है जिसे जिसमें उस सेवा का नाम लिखा रहता है डोमेन नेम की जो अधिकतम सं, अक्षर संख्या होती है वो दो होती है दो अक्षरों से ज्यादा का डोमेन नेम नहीं लिखा जा सकता gmail.com डॉट कॉम जी माफ कीजिए gmail ठीक है याहू आउटलुक अनकेडमी ये डोमेन नेम कहलाते हैं तो डोमेन नेम दो सौ चौवन अक्षरों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए दोस्तों एक और ईमेल की विशेषता है कि ईमेल का उपयोग करते समय आप कभी भी स्पेस इस का इस्तेमाल नहीं कर सकते ते, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरा ईमेल बने शुभम और फिर मैंने स्पेस दिया गुप्ता ठीक है ऐसा नहीं होगा ईमेल लिखते समय कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता ईमेल एड्रेस में दूसरा पूरे के पूरे ईमेल में सिर्फ एक ही डॉट और एक ही एट द रेट का प्रयोग किया जाता है इसके अलावा अगर आप अपने नाम में डॉट बना करके लिखेंगे ईमेल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा एट द रेट का भी एक ही चिन्ह लगाया जाएगा हालांकि आप दूसरे चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं अंडर स्कोर जैसे चिन्हों का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन ऐट द रेट और डॉट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते वो ऑलरेडी ईमेल में एक बार रहता है इन्हें दोस्तों ईमेल के नियम कहा जाता है रूल्स ऑफ ईमेल कहा जाता है तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ से सवाल बनने की उम्मीद है ठीक है तो ये हमने कुछ बेसिक बातें समझी यूजर नेम एट द रेट सिंबल डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन अब ईमेल में बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं उन शब्दों को समझने का प्रयास कीजिएगा एक शब्द होता है जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं तो कंपोस्ट का मतलब है ईमेल को भेजना ये गलत लिखा है ईमेल को भेजने के लिए कंपोज शब्द का इस्तेमाल करते हैं नया ईमेल सेंड करने के लिए जीमेल में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोज कंपोज के द्वारा आप मेल भेज सकते हैं फिर दोस्तों दूसरा शब्द होता है इनबॉक्स ये वो जगह होती है जहां पर यूजर को अपने ईमेल मिलते हैं जैसे अगर मेरी एक ईमेल आईडी है और मुझे कोई व्यक्ति अगर ईमेल भेजेगा तो वो मेरे इनबॉक्स में दिखाई देते हैं फिर अगला शब्द होता है ड्राफ्ट ड्राफ्ट का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए मैं एक मेल लिख रहा था लेकिन मुझे कोई काम आ गया और मैंने उसको आधा छोड़ दिया और अपने मेल का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया तो वो जो आधा अधूरा मेल है वो ड्राफ्ट में जाकर के सेव हो जाएगा और मैं ड्राफ्ट में जाकर के उसे दोबारा खोल सकता हूँ कंप्लीट कर सकता हूँ और फिर मैं उसे सेंड कर सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सुविधा होती है मेल पर दोस्तों ड्राफ्ट के बाद एक शब्द आता है आउटबॉक्स मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को मेल भेजा आपने सेंड कर दिया आपको लगा यह सेंड हो चुका है आप आगे बढ़ गए लेकिन किसी कारणवश वो सेंड नहीं हो पाया तो वो आपके आउटबॉक्स में पहुंच जाएगा दोस्तों ठीक है यदि कोई ईमेल भेज दिया गया है और एरर की वजह से अगर वो सेंड नहीं हुआ तो वो आउटबॉक्स में स्टोर हो जाता है इसके बाद अगला शब्द आता है सेंट तो सेंट का मतलब है वो ईमेल जो आप दूसरे व्यक्ति को भेज चुके हैं फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है ईमेल का जिसे स्पैम कहते हैं स्पैम का मतलब होता है ऐसे ईमेल जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती ऐसे ईमेल जो हार्मफुल हो सकते हैं इन्हें दोस्तों जंक ईमेल भी कहा जाता है इन्हें मेलेशियस ईमेल भी कहा जाता है और इन्हें अनवांटेड ईमेल भी कहा जाता है ऐसे जिसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है जिनकी हमें जरूरत नहीं है तो वो सारे ईमेल स्पैम के फोल्डर में पहुंच जाते हैं फिर अगला शब्द है ट्रैश जो ईमेल हम डिलीट कर देते हैं वो ट्रेस में पहुंच जाती है और ट्रेस में 30 मेल तक रहता है तीस दिनों के बाद वह वहां से भी डिलीट हो जाता है दोस्तों ठीक है ट्रेस के बाद अगला शब्द है आर्काइव आर्काइव का मतलब है कि मान लीजिए कि ये हमारा इनबॉक्स है और इनबॉक्स में आपको पांच या तीन ईमेल आए आप नहीं चाहते कि ये पहला वाला मेल आपके इनबॉक्स में दिखे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आर्काइव तो वो फिर आपके आर्काइव में पहुंच जाएगा और फिर वहां से आप चाहें तो दोबारा उस मेल को इनबॉक्स में ला सकते हैं तो ये मैसेज आपके चैट बॉक्स में भी होता है कि आप अपनी चैट को आर्काइव में भेज सकते हैं ताकि वो सामान्य चैट में आपको ना दिखाई दे दोस्तों इसके बाद एक आखिरी शब्द होता है स्टार्ट तो ये भी नया एक फीचर है ईमेल का जितने भी महत्वपूर्ण मेल होते हैं उन पर आप स्टार टिक कर सकते हैं और जब आप अपने फिल्टर को यूज करेंगे तो वहां एक फिल्टर आएगा स्टार्ड मेल मतलब ऐसे मेल जिनकी आपको बहुत आवश्यकता होती है या जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तो ये है दोस्तों इंटरनेट ईमेल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तो घटक आसान है क्योंकि डेली भाषा में हम इनका इस्तेमाल करते हैं और डेली हम इनका यूज करते हैं तो यह शब्द समझने में आपको समस्या नहीं हुई होगी आगे बढ़ते हैं ईमेल के कुछ नियम की बात करते हैं तो यह हमने आपको बता ही दिया कि यूजर नेम चौसठ अक्षरों कैरेक्टर का हो सकता है डोमेन नेम टू कैरेक्टर का हो सकता है एक से अधिक डॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब ईमेल भेजने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना होता है प्रोटोकॉल का मतलब आप जानते हैं नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा इंटरनेट पर जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है तो ईमेल को भेजने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल लगते हैं जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होता है एस एम टी पी हमने चर्चा की थी अभी एस एम टी पी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो इसका उपयोग हम ईमेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए करते हैं फिर दूसरा शब्द है दोस्तों पीओपी या आई एम ए पी इन दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है ठीक है और ये इसका फुल फॉर्म है POP3 का Protocol, का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आईएमएपी फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ठीक है अब इसको उदाहरण के द्वारा समझिए कि जैसे एक व्यक्ति है यहां पर बॉब और वह एलिस को एक ईमेल भेजना चाहता है तो जब बॉब एलिस को ईमेल भेजेगा तो वह एस एम टी पी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा लेकिन जब एलिस को यह ईमेल प्राप्त होगा तो वह ईमेल इसे आई एम ए पी या पी ओ पी थ्री नाम के प्रोटोकॉल से प्राप्त होगा तो ईमेल को भेजने के लिए हम एस एम टी पी का इस्तेमाल करते हैं और प्राप्त करने के लिए हम पीओपी थ्री या आई एम ए पी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं तो ये दोस्तों हमारा सातवां टॉपिक था ये कुछ नोट है अच्छा हाँ सॉरी सॉरी माफ कीजिए एक नोट है नोट में ये लिखा हुआ है कि ईमेल में आप 25 एम से ज्यादा की फाइल नहीं भेज सकते लेकिन सर अगर हमें भेजना है तो हम क्या करेंगे तो उसका तरीका ये है कि आप उस फाइल को पहले क्लाउड कंप्यूटर पर स्टोर कीजिए सर ये क्लाउड कंप्यूटर क्लाउड सर्वर पर स्टोर कीजिए क्लाउड सर्वर का मतलब है कि आप उसे गूगल ड्राइव वगैरह में भेजिए तो गूगल ड्राइव में आप उसे डालिए फिर गूगल से एक लिंक लीजिए और उस लिंक को पेस्ट कीजिए अपने ईमेल में दोस्तों ये अलग अलग मेल सेवाएं हैं जो सुविधा देती है फाइल को भेजने की जी में एओ में आप 25 एम की फाइल भेज सकते हैं आउटलुक में आप 20 एम तक की फाइल भेज सकते हैं याहू और जोहो में 25 एम तक की फाइल भेज सकते हैं और जी एम एक्स में आप 50 एम तक की मेल फाइल को भेज सकते हैं तो अगर आपको इससे बड़ी फाइल भेजना है तो उसे आपको क्लाउड कंप्यूटर या क्लाउड सर्वर में स्टोर करना होगा जैसे कि गूगल ड्राइव वन ड्राइव वहां से आप लिंक क्रिएट कीजिए और उस लिंक को ईमेल में डाल दीजिए ये कुछ ईमेल सेवाएं हैं जैसे कि हॉटमेल ये भारत का पहला ईमेल था बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और उसे आउटलुक में कन्वर्ट कर दिया इसे 1996 में सबीर भाटिया ने बनाया था और 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया था याहू 1997 में जीमेल 2004 में रेडिफ 2009 में और सिफी जो है वो 1999 में आया तो ये अलग अलग ईमेल की लिस्ट है तो इसी तरह दोस्तों हमारा एक और बड़ा टॉपिक कंप्लीट होता है जहां हमने इंटरनेट से जुड़े हुए अलग अलग टूल्स का अध्ययन कर लिया अब हमें कुछ महत्वपूर्ण संगठनों की चर्चा करनी है पर उससे पहले एक मिनट हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या बढ़ा है तो देखिएगा जरा दोस्तों यहाँ पर चीज़ों को कि हमने अपने लेक्चर की शुरुआत की थी जहाँ हमने इंटरनेट का एक सामान्य परिचय लिया वहाँ हमने जाना कि इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट किस तरीके से काम करता है और हमने ये भी समझा कि जो इंटरनेट है उसकी सूचनाओं को तीन अलग अलग स्थानों पर स्टोर किया गया है जिसे हम सरफेस वेब डीप वेब और डार्क वेब के नाम से जानते हैं फिर हमने कंप्यूटर इंटरनेट के इतिहास को समझा और देखा कि अमेरिका की कंपनी के द्वारा आरपानेट की शुरुआत की गई जो इंटरनेट का एक पहला डेमोंस्ट्रेशन था बाद में जब आ, विंट सर्फ और बॉब कान के द्वारा टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल बनाया गया टिम बर्नर्स ली के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और हाइपरटेक्स्ट या फिर एचटीटीपी का आविष्कार किया गया तो उसके बाद चीजें आसान हुई और इंटरनेट कमर्शियली लोगों को मिलने लगा फिर इसके बाद दोस्तों हमने भारत में इंटरनेट को देखा कि 1986 में इरनेट के द्वारा इंटरनेट भारत में आया था दोस्तों और बाद में विदेश संचार निगम लिमिटेड 15 अगस्त उन्नीस को भारत में कमर्शियल इंटरनेट को शुरू करती है ठीक है फिर हम आगे बढ़े हमने इंटरनेट के अलग अलग प्रोटोकॉलों का अध्ययन किया बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक था यहाँ हमने समझा कि इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ समान नियमों की जरूरत होती है जिन्हें इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है इम्पोर्टेंट था यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स का अंतर साथ ही साथ हमने टी और आई प्रोटोकॉल के महत्व को भी समझा। फिर पांचवे नंबर पर हमने इंटरनेट के एड्रेस की बात की बात कि इंटरनेट के एड्रेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज यूआरएल होती है और यूआरएल के अलग अलग हिस्से होते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल सेपरेटर सब डोमेन डोमेन टॉप लेवल डोमेन डायरेक्टरी और रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं फिर हम पांचवे छठवे टॉपिक पर आए जहां हमने इंटरनेट की अलग अलग डिवाइस को पढ़ा जिसमें मॉडर्न सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है और रिपीटर भी एक महत्वपूर्ण डिवाइस है और अभी दोस्तों हमने सातवें टॉपिक को कंप्लीट किया जहां हमने इंटरनेट के कुछ प्रमुख टूल्स की बात की अब हम तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम इंटरनेट से जुड़े हुए संगठनों की बात करेंगे फिर हम इंटरनेट की शब्दावली को डिस्कस करेंगे लगभग 24 ऐसे शब्द जो महत्वपूर्ण हैं और आखिरी में हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे जैसे वीपीएन पी ऑल दो हम कंप्यूटर में डिस्कस कर चुके हैं पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे स्पेस वेब क्या होता है स्टार क्या है इनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे तो अब दो मिनट का हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम बचे हुए इन तीन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे बने रहिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा है और जिसके बाद जब हम एम लगाएंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे ठीक है चलिए दोस्तों तो अब हमारे आठवें टॉपिक को हमें शुरू करना है जहां हमें उन संगठनों की बात करनी है या उन फोरम्स की बात करनी है जो इंटरनेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं देखिए जैसा कि हमने पहले कहा था कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका काम है कि वो ये चेक करें कि इंटरनेट पर चीज़ें सही तरीके से चलें और हर चीज़ के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं जैसे डब्लू डब्ल्यू इसका भी एक स्टैंडर्ड है इंटरनेट प्रोटोकॉल इनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना होता है तो ये काम अलग अलग संस्थानों के द्वारा किया जाता है तो उन्हीं संस्थाओं की अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों पहला जो संस्थान है इसका नाम है आई ई टी एफ इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स फॉर्म याद रखिएगा ये इंटरनेट के कुछ स्टैंडर्ड को डेवलप करता है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है तो ये फॉर्म बस जरूर याद रखें कि आई ई टी एफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ठीक है दूसरा एक संगठन है जिसका नाम है आई एस ओ सी इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट सोसाइटी सबसे इम्पॉर्टेंट इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना और बॉब कान के द्वारा की गई थी ये इंटरनेट के प्रोटोकॉल और नीतियों का विकास करता है तीसरा इंस्टीट्यूट है आई ए बी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड यह आई की पेरेंट कंपनी है और यह भी इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीक का विकास करता है डब्लू थ्री सी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जिसकी स्थापना टिम बर्लस नी ने की थी और इसका उद्देश्य है डब्लू के लिए स्टैंडर्ड्स का निर्माण करना ठीक है तो 1994 में टिम बर्लस ली ने स्थापना की थी और यह कैम्ब्रिज अमेरिका में स्थित है एक संस्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है आई सी ए एन एन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड दी नंबर यह आईपी एड्रेस और डोमेन को प्रदान करने का काम करता है इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में है मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आई सी ए एन एन इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड दी नंबर नेम्स एंड दी नंबर ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजेल में है और इसका निर्माण उन्नीस में किया गया था यह और डोमेन नेम को प्रदान करता है तो इस पीपीटी में जो कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनेट सोसाइटी आती है जिसे विंट सर्व और बॉब कान ने शुरू किया था जिन्होंने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को बनाया था आईएबी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड आता है डब्ल्यू थ्री सी हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसकी स्थापना टिम बर्नस ली ने 1994 में की थी और सबसे इम्पोर्टेंट आई कैन अर्थात आई सी ए एन एन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर जो कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में स्थित है और यह है पी एड्रेस और डोमेन नेम प्रदान करता है अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको IP एड्रेस डोमेन सब डोमेन और टॉप लेवल डोमेन का अंतर समझ में आने लगा होगा अगले कुछ संस्थानों की बात करें तो एक संस्थान है DNR, नाम है डोमेन नेम रजिस्टर। के के मानकों के अनुसार डोमेन नेम प्रदान करता है ए एन एस आई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है आई आर टी एफ इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ समिट आयोजित किए जाते हैं जैसे कि वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेट गवर्नेंस और इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जिस तरह भारत में नई दिल्ली में इस बार इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन किया गया था उसी तरह विश्व के स्तर पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन किया जाता है तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है इंटरनेट सोसाइटी याद रखिएगा इसके अलावा डब्लू थ्री सी याद रखिएगा आई कैन याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेट संस्थान है भारत में अभी हम आगे ट्राई के बारे में चर्चा करेंगे पर वो हम अन्य तथ्यों में डिस्कस कर रहे होंगे दोस्तों अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ रहे हैं जहां हमें इंटरनेट से जुड़ी हुई शब्दावली का अध्ययन करना है दोस्तों वैसे तो इंटरनेट से लगभग 50-60 महत्वपूर्ण शब्द हैं जो जुड़े हुए हैं लेकिन मैं 24 महत्वपूर्ण शब्द लेकर के आया हूं जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है तो हम एक एक शब्द को समझेंगे और वहां से जो प्रश्न बनता है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे तो पहला ऐसा शब्द है जिसका नाम है दोस्तों बुकमार्क तो इसको समझिए पढ़ने से पहले इसको समझिए तो जब हम एक वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो एक वेब ब्राउजर हमें बहुत सारी सुविधाएं जो वेबसाइट हम विजिट करते हैं वो वेब ब्राउजर की हिस्ट्री में आती जाती है तो वहां से हम चाहें तो अपनी वेबसाइट को या हम ये देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट को एक्सेस किया वेब ब्राउजर का एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर होता है जिसे बुकमार्क कहा जाता है अब देखिए आप बहुत सारी वेबसाइट को विजिट करते हैं लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट आपको मिल जाती हैं, जिन्हें लगता है कि यार ये बड़ी महत्वपूर्ण है और आगे भी हम इन्हें विजिट कर सकते हैं तो उस वेबसाइट का आपको ध्यान रहे तो ऐसी वेबसाइट को आप सेव कर सकते हैं बुकमार्क में तो बुकमार्क एक यूजर की महत्वपूर्ण वेबसाइटों को सेव करता है ये कुछ ऐसा है दोस्तों कि हमारे फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं लेकिन हम कुछ कॉन्टैक्ट नंबर को फेवरेट कॉन्टैक्ट का दर्जा देते हैं या स्टार कॉन्टैक्ट का दर्जा देते हैं जहाँ हम बार बार जाना चाहते हैं या जो महत्वपूर्ण है उसी तरह इंटरनेट के वेबसाइट पर ऐसी वेबसाइट जो एक यूजर को महत्वपूर्ण लगती है वो उसे बुकमार्क के जरिए सेव कर सकता है ठीक है और भी बहुत सारी सुविधाएं अब आती हैं बुकमार्क में भी एक रीडिंग बुकमार्क आता है पर वो सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लियर तो ये हमारा पहला शब्द था बुक मार्क तो जिसे पढ़ें कि जिस वेबसाइट को यूजर बार बार देखता है उस वेबसाइट को बुकमार्क करके जल्दी एक्सेस किया जा सकता है बुकमार्क वेब पेज के लिए सुरक्षित किया गया एक लिंक होता है अगला एक शब्द है ब्लॉग तीन नंबर में पूछा गया था अभी एमपीपीएससी में ब्लॉग एक प्रकार से ऑनलाइन डायरी है जहां विचारों या लेखों को प्रकाशित किया जाता है तो ब्लॉग को आप ऐसे समझिए कि ये एक ऑनलाइन आर्टिकल है दोस्तों जर्नली जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो इसी तरह अगर एक व्यक्ति को ऑनलाइन आर्टिकल लिखना है तो वह ब्लॉग का सहारा लेता है ब्लॉग में एक व्यक्ति या संस्था अपने विचारों को व्यक्त करती है वो उसमें फोटोस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो उसमें वीडियोस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आजकल ब्लॉग की जगह वीडियो ब्लॉगिंग का चलन बहुत ज्यादा है जिन्हें कहा जाता है दोस्तों उसमें हम वीडियो बना करके देते हैं और बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है फिर तो एक शब्द होता है कुकीज बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है समझिएगा कुकीज कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जो ब्राउजर की कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। कुकीज को भेजने का काम सर्वर करता है जबकि कुकीज ब्राउजर में स्टोर होती हैं। अब इस बात को समझेंगे कि दो तीन शब्द क्या है तो जब हमने कंप्यूटर वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां हमने आपको कैश मेमोरी के बारे में बताया था कि कैश मेमोरी क्या होती है तो ये बेसिकली एक ऐसी मेमोरी होती है जहां पर वो सॉफ्टवेयर या वो चीजें आ जाती हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट पर क्या होता है समझिए तो इंटरनेट पर जब हम एक वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो वेब ब्राउजर की भी एक कैश मेमोरी होती है ठीक है अब अज्यूम कीजिए कि एक वेबसाइट है सपोज कीजिए अन अकेडमी डॉट कॉम और आप बार बार अन अकेडमी डॉट कॉम को विजिट कर रहे हैं और unacademy.com में भी जाकर के आप किसी स्पेशल वेब पेज को देख रहे हैं तो unacademy.com आपसे पूछेगा कि हमें अलाउ कीजिए कि हम कुछ कुकीज आपके ब्राउजर में भेज सके और अगर इन कुकीज को भेजने की अनुमति आप देते हैं तो ये कुकीज हमारी कैश मेमोरी में चली जाती है और जब आप अन अकेडमी का पेज खोलते हैं तो कंपैरेटिवली वो पेज बहुत जल्दी खुलता है उसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है और वो पेज आपको बहुत आसानी से मिल जाता है जिसे आप बार बार खोज रहे हैं तो कुकीज़ कुछ नहीं होता बस एक डेटा होता है जो आपके वेब ब्राउजर में सीधा स्टोर हो जाता है जिससे पूरा डेटा आपको इंटरनेट से लोड नहीं करना पड़ेगा कुछ डेटा ऑलरेडी ब्राउजर की कैश मेमोरी में होगा तो आपका ब्राउजर या पेज और जल्दी आप एक्सेस कर पाएंगे तो कुकीज़ जो वेबसाइट होती हैं, जो सर्वर होता है उनके द्वारा भेजा गया एक डेटा है जो वेब ब्राउजर में स्टोर होता है या वेब ब्राउजर की कैश मेमोरी में स्टोर होता है कुकीज के मदद से आप एक वेब पेज को और भी जल्दी एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद अगला जो शब्द है कुकीज़ के बाद अगला शब्द है क्लाउड कंप्यूटिंग ये हमने पहले भी चर्चा की थी फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों ये कहता है कि आपके पास मान लीजिए एक फाइल है अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक फोटो है इस फोटो को आप अपनी हार्ड डिस्क की जगह सर्वर पर अपलोड कीजिए या इंटरनेट के सर्वर पर अपलोड कीजिए और जब आप इसे इंटरनेट के सर्वर पर अपलोड करेंगे तो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हो आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं इसी को हम क्लाउड कंप्यूटर कहते हैं बहुत अच्छा कंसेप्ट और अब लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं क्यों मेरे पास दो ऑप्शन है कि मेरे पास मान लीजिए कि मेरी ये पीपीटी है तो इस पीपीटी को अगर मैं अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में डाल देता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गया हुआ हूं और मुझे एकदम से इस पीपीटी की जरूरत है तो ए, मेरे पास आने में प्रॉब्लम होगी या मेरा डेटा जो मेरी सिर्फ हार्ड ड्राइव में डला है वो खत्म भी हो सकता है दोस्तों तो इसके लिए अगर मैं अपनी पीपीटी को इंटरनेट पर स्टोर करूं या इंटरनेट की मेमोरी में, में स्टोर करूं तो मैं उसे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर हैं हैं दोस्तों या सर्विसेज माफ कीजिए एग्जांपल के लिए सबसे फेमस है गूगल ड्राइव बहुत फेमस सर्विस है आप अपने महत्वपूर्ण डेटा को गूगल ड्राइव में रखिए और कहीं से भी उसे स्टोर कर सकते हैं जो मैं यूज करता हूँ वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव इसका अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिक्स टीबी तक का स्पेस आपको मिलता है वन ड्राइव के साथ और भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जहां पर आप अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं तो ऐसी सुविधाओं को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है दोस्तों अगला एक शब्द है पॉपअप पॉपअप भी बड़ा कॉमन शब्द हो कई बार आपने देखा होगा पॉपअप मतलब कुछ ऐसा आपने कुछ खोला और ऐसे आपको दिख जाता है वो पॉपअप कहलाता है सीधी सी बात है कई बार आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं और एकदम से आपको एक पेज सामने दिखता है जिसमें या तो एडवर्टीजमेंट होती है या जो आपसे कहता है कि भैया हमें फला फला जानकारी लिख के दो फिर हम तुमको आगे आने देंगे जैसे अगर मैं एक वेबसाइट विजिट करूं और उसके सामने मुझे ऐसा एक देखने के लिए मिल जाए ये पॉपअप कहलाते हैं दोस्तों ठीक है इसके बाद एक शब्द होता है फिशिंग बहुत ही ये हम पढ़ेंगे ये हम पे पढ़ेंगे जब हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो इंटरनेट के माध्यम से पर्सनल को चुराने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है अब फिशिंग काम कैसे करता है इसको जरा समझिए तो जो एक अटैकर है जो आपकी इंफॉर्मेशन को चुराना चाहता है वो आपको एक ईमेल भेजेगा और उस ईमेल में दोस्तों कोई ना कोई ऐसी एक लिंक होगी कोई ना कोई ऐसी एक वेबसाइट की लिंक होगी जो आपके कंप्यूटर जो आपके इंफॉर्मेशन को चुराने का काम करेगी फिर जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे उस लिंक के द्वारा खोली गई वेबसाइट पर जाएंगे तो वो आपके डेटा को चुरा लेगा और फिर वो इस डेटा का उपयोग करके एक लेजिटिमेट वेबसाइट को खोलेगा फिशिंग में आप क्या करते हैं देखो हम सोच के देखिए फिशिंग क्या है अगर सिंपल बात करें तो फिशिंग में जब हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो हम एक नकली मछली को डालते हैं या चारा डालते हैं ताकि असली मछली उसको खाने आ जाए और वो हमारे जाल में फंस जाए अब सोचिए कि मुझे आपकी इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड चुराना है तो मैं क्या करूंगा मैं पहले आपको एक ईमेल भेजूंगा या एक लिंक भेजूंगा कि ये आपके एसबीआई अकाउंट का लिंक है इस पर क्लिक करो अपनी जानकारी भरो और आप पैसे निकाल लो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो एसबीआई की लिंक है बिल्कुल वैसी ही दिखती है एग्जैक्ट वैसी ही आपको वो लिंक दिखेगी आप जाओगे अपनी इन्फॉर्मेशन को भरोगे और जैसे ही आप इंफॉर्मेशन को भरोगे पूरी जानकारी हैकर्स के पास पहुंच जाएगी। फिर हैकर असली एसबीआई की वेबसाइट को खोलेगा वहां आपके क्रेडेंशियल्स को यूज करेगा और आपकी जानकारी या पैसे चुराएगा इसीलिए दोस्तों कहा जाता है खास तौर पर जब आप अमेजन फ्लिपकार्ट नेट बैंकिंग कभी भी इनको किसी भी उस वेबसाइट से और उस पते से मत खोलिए जो आपको लिंक के रूप में आती है आप इंटरनेट पर जाइए वेबसाइट वेबसाइट का नाम डालिए और उसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए हमेशा चेक कीजिए कि ये लोग क्या करते हैं ऐसे एस बी आई इंटरनेट बैंकिंग तो ये एक शब्द चेंज कर देंगे बीच का तो आपको दिखेगा वो वैसा ही लेकिन वो फर्जी वेबसाइट होती है तो जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कुछ बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं मेक श्योर कि आप ओरिजिनल वेबसाइट पर इंटरनेट पर सर्च करके जाइए अदरवाइज आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं दोस्तों ठीक है तो फिशिंग इस तरीके से काम करती है इसका नाम इसीलिए फिशिंग है क्योंकि आपको एक नकली मछली दी जाती है और फिर आप असली जाल में फंस जाते हैं एक और शब्द है जो साइबर सिक्योरिटी से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों और इस शब्द का नाम है स्पाईवेयर स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर के साथ गुप्त रूप से डाउनलोड हो जाता है और आपकी निजी सूचना को संकलित करता है बहुत डेंजरस चीज होती है स्पाईवेयर आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जनरली आप मूवीज डाउनलोड करते हैं फ्री मूवीज जो होती हैं जो हम टॉरेंट वगैरह से डाउनलोड करते हैं ठीक है आपने उस चीज को डाउनलोड किया तो उसी सॉफ्टवेयर के साथ ये सॉफ्टवेयर आ जाते हैं spyware, spy मतलब जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आप पर पूरी नजर रखे हुआ है तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या कहेगा चुपके से आपके कंप्यूटर में बैठ जाएगा और आपकी पूरी गतिविधियों पर नियंत्रण करेगा देखेगा इसके उदाहरण क्या है तो इसके उदाहरण है दोस्तों हम पढ़ेंगे वो सीधा सर्वर पर पहुंचती जाएंगी फिर मोबाइल स्पाइवेयर होते हैं और पासवर्ड स्टीलर होते हैं ये सभी स्पाइवेयर के एग्जाम्पल है एक बहुत अच्छी एडवाइस मैं आपको देता हूं दोस्तों एडवाइस ये है कि जो आपकी बहुत मतलब कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन मेक श्योर कि जब आप कोई बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप मत कीजिए उस समय क्योंकि कई बार हमें लगता है लेकिन जो हमारे कैमरा होते हैं माइक्रोफोन होते हैं वो हमेशा हमें सुन रहे होते हैं स्पेशली अब मुझे बहुत डर लगता है एलेक्सा जैसी डिवाइसेस से या फिर गूगल के जो असिस्टेंट होते हैं ऐसी डिवाइसेस से ये हमेशा हमारी बातों को सुन रहे होते हैं एवरी टाइम दे आर लिसनिंग टू अस ठीक है इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे नजर आया कि हम लोग दो तीन बार ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं आप भी करिएगा हम लोग बैठे हुए हैं हम लोग बस चर्चा कर रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छा ए सी आ रहा है इस एस ए को खरीदने का प्लान है हमने चर्चा की और हमने सर्च नहीं किया इंटरनेट पे हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं बैठ कर के हमारे सबके मोबाइल वहां पर हैं हमको अगले ही पल इंटरनेट पर ए का एड देखने लगा हमने फिर एक बार इसको ट्राई किया तो इसका मतलब है कि हमारी सारी बातों को सुना जाता है तो अब हम सेफ तो नहीं है पर एटलीस्ट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि व्हेन वी आर एट प्राइवेट मूवमेंट जो हमारे प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं या फिर कुछ हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं मेक श्योर sure कि इन चीजों को हम दूर रखें बिकॉज यही चीजें आगे जाकर के इतनी हार्मफुल हो जाती हैं कि ये साइबर बुलिंग का रूप ले लेती हैं और तौर पर जो महिलाएं हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं और वो सुसाइड तक अटैम्प्ट करती हैं तो इन चीज़ों से बचने का तरीका है एक तो हमें एंटीवायरस को रखना चाहिए अपडेट्स रहना चाहिए और मोबाइल और फोन का बहुत ध्यान से हमें इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों ठीक है तो स्पाईवेयर बहुत खतरनाक चीज़ होती है जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ठीक इसके बाद अगला एक शब्द है दोस्तों होम पेज होम पेज का सीधा सा मतलब है कि जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो जो उसका पहला पेज है वो होम पेज कहलाता है अगला शब्द है होस्ट समझते हैं शब्द के बारे में होस्ट किसी नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर होता है और इससे जुड़े हुए अन्य कंप्यूटरों को सूचना दी जाती है ये हमने वहां पढ़ा हुआ था जब हम नेटवर्क पढ़ रहे थे कि अगर एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो उसे होस्ट कहा जाएगा और दूसरे कंप्यूटर जो उससे जुड़े हुए हैं उस हर एक सिस्टम को नॉड कहा जाएगा ठीक है अगला शब्द है क्लाइंट क्लाइंट वह कंप्यूटर है जो किसी सर्वर से जुड़ा रहता है अन्य शब्दों में क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो सर्वर से सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि अभी जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो यूजर और क्लाइंट इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं गेटवे इस यह एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर है जो दो या दो से अधिक अलग अलग प्रोटोकॉलों का उपयोग करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग डिवाइसेज हैं जो अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही हैं, और अगर उन्हें हम जोड़ना चाहते हैं तो हम गेटवे का इस्तेमाल करते हैं अगला शब्द है दोस्तों सर्फिंग तो ये बहुत ही अच्छा शब्द है हम बहुत यूज करते हैं सीधी सी बात है जब हम इंटरनेट चलाते हैं और उस पर जब हम अलग अलग सूचनाओं को सर्ज करते हैं तो उसे सर्फिंग कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मेरा काम ही है पढ़ाना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आप में भी कई बार यह सर्फिंग की होगी अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हो आप शॉपिंग के लिए कर सकते हो आप रिसर्च के लिए कर सकते हो आप चाहें तो किसी भी काम के लिए आप सर्फिंग कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो जब आप इंटरनेट पर बहुत सारी चीजों को सर्च करते हैं तो उसे हम वेब सर्फिंग कहते हैं ठीक है आगे देखें स्पूलिंग स्पूलिंग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है और स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डेटा को लेकर प्रिंट करता है इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डायग्राम देख लीजिएगा इमोटिकॉन ये दो शब्द होते हैं दोस्तों एक शब्द होता है इमोजी और दूसरा शब्द होता है इमोटिकॉन इमोजी का मतलब ये वाले जिसमें आपको पूरा एक फेस दिखाई देता है जिनका इस्तेमाल आज हम बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन याद कीजिए जब शुरुआत में हमने टेक्स्ट मैसेज शुरू किया था तब ये इमोजीज नहीं होती थी तब इस तरह के चिन्ह होते थे ये स्माइली को बताता था ये दुख को व्यक्त करता था ये अजीब सा चेहरा है जो पता नहीं क्या बताता है ठीक है ये भी इस तरह की इमोजी का इस्तेमाल ये आंख मारने को डिस्कस करता है दोस्तों तो इन सब शब्दों का उपयोग हम करते थे ये मैंने नहीं यूज किए हैं कि दिल है तो ऐसा कुछ करके ये तो नया है दोस्तों ठीक है तो ये तुम पता ही नहीं है ओके okay, जबकि हम तो इसी जमाने से हैं इमोटिकोन के जमाने से हैं जब इमोजीस नहीं आती थी शुरुआत में टेक्स्ट मैसेज करते थे तो ये इमोटिकॉन और इमोजीस का अंतर होता है इमोजी जो हम आज यूज कर रहे हैं ये चीजें और जिनमें हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं वो इमोटिकोन्स कहलाते हैं आगे बढ़े अगला शब्द है बफर बफर ठीक है दो उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर की गति में अंतर होने पर बफर का उपयोग किया जाता है आपको याद होगा हमने एक मेमोरी के बारे में भी पढ़ा था एक इस कैश मेमोरी ही थी वो तो कैश मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है क्योंकि दोनों की स्पीड में काफी अंतर होता है तो इसी तरह मान लीजिए कि अगर दो गति दो उपकरण हैं और उनके बीच अगर डेटा ट्रांसफर की स्पीड में डिफरेंस है तो वहां हम बफर का इस्तेमाल करते हैं एक शब्द है फ्लेम फ्लेम का मतलब है इंटरनेट यूज़र के बीच ईमेल में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोई भी अपमानजनक भाषा का अगर इस्तेमाल करता है तो उसे फ्लेम कहा जाता है और ये बहुत हुआ है जूम कॉल पर स्पेशली मुझे दुख तब होता है दोस्तों कि जब आप टीचिंग जैसे कामों में ये हरकतें करते हैं टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल थिंग ठीक है एक शिक्षक के लिए भी और एक विद्यार्थी के लिए भी पर मैंने बहुत देखा है कि जूम कॉल पर एक तो टीचर्स ने ऑनलाइन खासतौर पर वो टीचर जो पचास साल के हैं बावन साल के हैं आप सोचिए है उनके लिए कितना मुश्किल रहा है कोविड का दौर जब उन्होंने सारी चीजों को छोड़ करके सीखा कि जूम पर हम मीटिंग कैसे कर सके क्लासेस कैसे करें और जब उन्होंने क्लासेस ली तो कुछ बहुत अभद्र हरकतें स्टूडेंट्स के द्वारा की गई दिस इज नॉट गुड दिस इज नॉट एट ऑल गुड बिकॉज दो मिनट के लिए सोचिए कि आपके और हमारे पापा इसके टीचर से मम्मी है कितना मुश्किल था उनके लिए ऑनलाइन चीज़ों को कर पाना तो जब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल बीच में करते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंसिंग में तो उसे फ्लेम का नाम दिया जाता है दोस्तों अगला है एड ऑफ फ्लैश तो यह वेब पेज पर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट को चलाने की एक तकनीक है जैसे वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए फ्लैश प्लेयर की जरूरत पड़ती थी और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यूट्यूब पर वीडियो प्ले नहीं कर सकते एडोब फ्लैश प्लेयर की आवश्यकता होती है अगला है दोस्तों रियल टाइम कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आरसी आरसी के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसा सिस्टम है जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर में संग्रहित फाइलों की तलाश करता है हुज हु इज कहा जाता है ये एक क्वेरी एंड रिस्पांस प्रोटोकॉल है इंटरनेट रिले चैट बेसिकली ये रियल टाइम चैट है जो व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल आज हम करते हैं वो वास्तव में इंटरनेट रिले चैट है ऐसी चैट जिसमें आपको इंस्टेंट मैसेज मिलता है यहाँ पर मैंने हाई किया आपको तुरंत मैसेज मिलेगा और तुरंत जब आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं ई को समय लगता है क्योंकि ई पहले आपको भेजना है फिर वहाँ से कोई ई भेजेगा तो एक कम्युनिकेशन करने में इट विल टेक टाइम दोस्तों बट इंटरनेट रिले चैट में ऐसा नहीं होता इसमें आप इंस्टेंट मैसेज करते हैं एग्जाम्पल फेसबुक मैसेजर एग्जाम्पल व्हाट्सएप एटसेट्रा एक और शब्द है पीडीएफ, इसका फुल फॉर्म बस याद रखिएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ठीक है इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर में फाइल को तैयार किया एक्सेल में फाइल को बनाया वर्ड में बनाया कोई फॉन्ट इस्तेमाल किए तो कई बार ये फाइल दूसरे सिस्टम में नहीं चलती लेकिन जब आप इन फाइलों को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो यह फाइल एक प्रकार से लॉक हो जाती है और फिर वो हर सिस्टम पर खुल सकती है जिस सिस्टम में पीडीएफ रीडर है तो पीडीएफ तो आप लोग बहुत डिमांड करते हैं और मुझे लगता है कि आई मेड श्योर विद दिस थिंग जो आप अप्रिशिएट थोड़ा सा कर सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने बहुत मैनेज करके रखा है चीज़ों को एक वीडियो की लिंक होती है उसके नीचे पी होता है फिर आपको एक कंप्लीट पी मिलता है और आपकी हर डिमांड को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं प्रिंट वाला पी फिर पी बिना एम के ऐसा वैसा ठीक है और आप लोगों की डिमांड्स फिर भी खत्म नहीं होती कई बार मैसेज पढ़ते रहता हूँ बीच बीच में आप लोगों के तो लगता है कि सर अब इसको ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट कर दीजिए इट्स नॉट इजी जॉब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनोनोमस सर्वर इम्पोर्टेंट नहीं है क्रॉस प्लेटफॉर्म पढ़ लीजिएगा पुश मैसेज ये जरा पढ़ लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है देखो पुश मैसेज एक ऐसी चीज होती है कि जो किसी वेबसाइट को लॉगिन किए बिना भी हमारे फोन पर आते रहते हैं ये फोन पर ज्यादा आते हैं जैसे आपने दोस्तों देखा होगा कि फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएंगे भले ही हम उसको लॉग करें या ना करें ईमेल ऊपर आते रहते हैं तो इन सबको पुश मैसेजेस कहा जाता है पिंग इंटरनेट पर किसी सर्वर के प्रतिक्रिया देने में लगे समय की जांच पिंग कहलाती है कि कोई सर्वर कितनी जल्दी कनेक्ट कर पा रहा है उसको हम पिंग के नाम से जानते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका आप अध्ययन करें ये कुछ फुल फॉर्म है ये इमेज के अलग अलग प्रकार हैं जैसे जे पी जी तो जेपीजी इमेज का एक प्रकार होता है दोस्तों और इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक गैलरी सिर्फ फुल फॉर्म याद रखो ये सब मत पढ़ना एक होता है png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक gif बहुत इस्तेमाल हो रहा है अब इसका ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट svg स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एक बार इसको देखिए फिर हमारे आखिरी टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों तो अब हमारे इस बड़े से पर बहुत अच्छे से लेक्चर का हम आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां हमें कुछ अन्य तथ्यों को डिस्कस करना है और तीन ऐसे कंसेप्ट हैं जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं उनकी हम बात करेंगे एक शब्द जो आपने दो ढाई साल पहले बहुत ज्यादा सुना होगा नेट न्यूट्रिलिटी आज भी कभी कभी इस शब्द की चर्चा होती है तो हम नेट न्यूट्रिलिटी को समझेंगे फिर दोस्तों हम बात कर रहे होंगे स्पेस इंटरनेट के बारे में खास तौर पर स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो कि अमेरिका की एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है और फिर हमें तीसरे और आखिरी टॉपिक में बात करना होगा प्रॉक्सी सर्वर के बारे में ये तीन बड़े महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जहां पर इनकी चर्चा हुई है या फिर यहां से कुछ प्रश्न बनते रहते हैं तो सबसे पहले हम नेट न्यूट्रलिटी को डिस्कस करेंगे पहले इस चीज को समझिएगा फिर हम इसकी परिभाषा को समझेंगे देखो नेट न्यूट्रलिटी एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है न्यूट्रल न्यूट्रल रहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी हो आप सभी के लिए एक समान व्यवहार करेंगे तो नेट यूटिलिटी का मतलब है कि इंटरनेट में समान व्यवहार करना लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये समान व्यवहार कैसे और किसके लिए इस्तेमाल किया जाना है तो इसको इस तरीके से समझिए दोस्तों हमने जब इस लेक्चर की शुरुआत की थी तो हमने आपको कहा था कि अगर एक व्यक्ति को इंटरनेट के साथ जुड़ना है तो उसे आवश्यकता होती है एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की एक इंटरनेट सर्विस प्रदाता की अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा तो वह व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा नहीं जुड़ पाएगा अब ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो इनके द्वारा एक अजीब सी मांग की जाने लगी इनके द्वारा दो काम किए गए पहला काम ये कर रहे थे दोस्तों कि ये जो कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि गूगल की वेबसाइट हो गई फिर व्हाट्सएप हो गया फेसबुक हो गया इनके एक्सेस टाइम को इन्होंने कम किया मतलब इन पर ज़्यादा आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं और आई ने एक डिमांड रखी कि ये जो फ्री सर्विसेज इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है जैसे कि ईमेल मैसेजेस व्हाट्सएप, तो इनसे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक हिस्सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलना चाहिए इसको इस डायग्राम की सहायता से आप समझिए कि अभी हमको इंटरनेट की सेवाएं कुछ इस तरीके से मिलती हैं ये हमारा घर है ये इंटरनेट है और बीच में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और ये जो सारी सेवाएं हैं चाहे ईमेल हो गेम हो सोशल मीडिया हो ब्लॉग हो यूट्यूब हो ये सीधे हम तक पहुंचा देते हैं अब सपोज कीजिए कि अगर हम नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत को हटा देते हैं तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा इंटरनेट होगा और घर होगा लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया से कहेगा कि आपकी अर्निंग का एक पर्टिकुलर हिस्सा हमें चाहिए तो अब मुझे ये बताइए क्या ये सारी वेबसाइट पैसा खुद से पे करेंगी आंसर है नहीं ये पैसा अल्टीमेटली हमें पे करना होगा तो आज ये सारी सर्विसेज जो हम फ्री में इंजॉय करते हैं फिर हमें इनके लिए एक मंथली चार्जेस देना होगा ये नेट न्यूट्रलिटी का एक कंसेप्ट दूसरा नेट न्यूट्रलिटी का यह कहता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम इंटरनेट प्रदान करना है बिना किसी भेदभाव के मतलब यह है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसा नहीं कर सकते कि वो कुछ वेबसाइट को दिखाने के लिए आसान आ, तो मतलब ज्यादा जल्दी उनको एक्सेस करने का समय दें और उन्हीं को वो रिफ्लेक्ट करें कोई भी वेबसाइट हो चाहे गूगल के जैसा एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जाइंट हो या फिर एक छोटी सी वेबसाइट जो कि किसी छोटे से शहर के एक व्यक्ति ने बनाई है सबको एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इसी को दोस्तों नेट न्यूट्रिलिटी कहा जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते समय किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे और सभी को एक समान अधिकार इंटरनेट पर दिया जाएगा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुद्दा चर्चा में दो वजह से आया कि 2019 में 2019 में केरल में एक केस हुआ दोस्तों केरला में एक केस हुआ तो केरल हाई कोर्ट में एक केस गया जिसे फाहिमा शरीन बनाम केरल राज्य का केस कहा जाता है इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है क्योंकि इंटरनेट के द्वारा हम शिक्षा और निजता जैसी चीजों को प्राप्त करते हैं तो केरल हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज दी फंडामेंटल राइट राइट टू इंटरनेट ठीक है तो इसीलिए इंटरनेट का स्वतंत्र रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी ही कुछ गाइडलाइन भारत में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जारी की जिसे हम ट्राई कहते हैं ट्राई के द्वारा फरवरी 2016 में उठाया गया और यह तय किया गया कि कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर डेटा सेवाओं के लिए भेदभाव पूर्ण शुल्क की नीति नहीं अपनाएंगे और सभी के लिए एक समान व्यवहार किया जाएगा तो नेट न्यूट्रलिटी यही है सिंपल भाषा में अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए साहब नेट न्यूट्रिलिटी क्या है तो आप आसान भाषा में बताइएगा कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के द्वारा सभी वेबसाइटों और इंटरनेट के सभी उपयोगकर्ताओं के साथ बिना किसी पक्षपात के व्यवहार करना ही नेट न्यूट्रिलिटी कहलाती है अगर नेट न्यूट्रिलिटी नहीं होगी तो ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ सकता है या फिर आप सोच के देखिए दोस्तों कि आज हमें व्हाट्सएप जैसी सेवाएं फ्री क्यों मिलती हैं इसलिए मिलती है कि अगर कल के दिन व्हाट्सएप ने हमसे एक शुल्क लेना शुरू कर दिया तो हमारे पास दूसरे चैटिंग प्लेटफॉर्म हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं सच एस टेलीग्राम है आज सिंगल नाम की एक एप्लीकेशन है हम इनका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई नई सेवा को आने ही ना दे वो कहे कि सिर्फ आपको व्हाट्सएप यूज करना है और व्हाट्सएप यूज करने पर हमको हम आपको ज्यादा बेहतर स्पीड देंगे तो इससे क्या होगा लोग ना चाहते हुए भी मोनोपोली का शिकार हो जाएंगे उनके पास विकल्प नहीं बचेगा और फिर हमें इन फ्री सेवाओं के लिए भी पे करना पड़ेगा इसीलिए नेट न्यूट्रिलिटी ज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इसीलिए नेट न्यूट्रलिटी को राइट टू इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगला जो शब्द है दोस्तों वो एक और शब्द है इस शब्द को हम स्पेस इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं और ये शब्द चर्चा में आया क्योंकि एलॉन मस्क नाम के एक बड़े ही शानदार आंतरप्रन्यर और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कहा कि अभी इंटरनेट जो हम केबल के माध्यम से देते हैं हम क्यों ना एक काम करें कि जो पूरी दुनिया भर में सैटेलाइट लगाएं और सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट देना शुरू करें तो जब इंटरनेट की सुविधाएं हम सैटेलाइट के द्वारा देना शुरू कर देंगे तो इसे हम स्पेस इंटरनेट का नाम देंगे। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की एक निजी कंपनी स्पेसएक्स ने स्पेस इंटरनेट की संकल्पना दी और उसने 60 सैटेलाइटों के एक समूह को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया अभी ये ट्रायल चल रहा है स्पेसएक्स की इस योजना का नाम स्टार लिंक नेटवर्क है इसके माध्यम से यह 2020 तक अमेरिका तथा कनाडा में स्पेस इंटरनेट सेवा देना शुरू करेगी 2021 तक इसका लक्ष्य पृथ्वी पर कम कीमत में नॉन स्टॉप इंटरनेट सेवा देना शुरू है इस परियोजना के पहले चरण में 12,000 हजार सैटेलाइटों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और दूसरे चरण में 30,000 हजार सैटेलाइटों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा ऐसे इलाके जहां टावर या केबल नहीं पहुंच पाती इस सुविधा के द्वारा वहां भी इंटरनेट देना शुरू किया जाएगा तो बहुत सामान्य भाषा में याद रखिए कि स्पेस इंटरनेट का मतलब है जब सैटेलाइट का उपयोग करके हम पूरी दुनिया में लगभग 40 से पचास हजार सैटेलाइट लगाएंगे और इन सैटेलाइट के द्वारा हम इंटरनेट सुविधा प्रदान करेंगे पूरी दुनिया में फिर इंटरनेट मिलेगा आप कहीं पर रहते हो पर इस प्रोजेक्ट को शुरुआत तो की गई ट्रायल किया गया पर आगे इसको अनुमति अभी भी नहीं मिली है प्रॉब्लम यह है जो सबसे बड़ा खतरा है कि लो अर्थ ऑर्बिट में अगर हम इतनी सारी सैटेलाइट्स को लगाएंगे और अगर सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वैसे भी हम अंतरिक्ष कचरे से अभी निपट नहीं पाए हैं तो अंतरिक्ष का कचरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा यही कारण है कि अभी भी इस प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से मंजूरी नहीं मिली है और गूगल और स्पेस दोनों इसमें शामिल हैं और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के काम जारी है पर याद रखिएगा स्टार एक स्पेस इंटरनेट का प्रोजेक्ट है जो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा प्रपोज किया गया है आखिरी जो शब्द यहां पर आता है दोस्तों एक और शब्द आता है प्रॉक्सी सर्वर ठीक है तो एक शब्द आपको समझना होगा प्रॉक्सी प्रॉक्सी शब्द का मतलब क्या होता है समझिए दोस्तों तो प्रॉक्सी शब्द का मतलब होता है किसी और के नाम पर किसी और के नाम पर जब आप काम करते हैं तो उसे प्रॉक्सी कहा जाता है जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और इसे एक्चुअल में बी नाम के व्यक्ति से बात करनी है लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आ जाए सी जो बी बनकर के बात करे तो ये प्रॉक्सी कहा जाएगा ठीक है तो जब हम एक काम किसी और के नाम पर करते हैं तो उसे प्रॉक्सी कहा जाता है लेकिन प्रॉक्सी सर्वर किस तरह काम करता है अब इस बात को समझिएगा देखिए होता यह है कि जैसे अगर एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर को अगर कोई भी जानकारी इंटरनेट से लेनी होती है तो वो सीधे सीधे इंटरनेट में सर्वर के पास जाता है और वह अपनी जानकारी को लेकर के आता है इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है वो यहाँ तक आएगा और सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ तक आएगा क्योंकि सर्वर भी इंटरनेट से जुड़ी हुई एक डिवाइस है और जितनी भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं उनका एक अपना आईपी एड्रेस होता है तो ये सामान्य तरीका है कि अगर हमें इंटरनेट से कोई जानकारी चाहिए हम उस सर्वर के पास जाएंगे और वो जानकारी हमारे पास आ जाएगी। तो इसी पीसी कि यहीं पर है जो ऑलरेडी लगा हुआ है और ये सर्वर भी यहाँ पर है जो ऑलरेडी लगा हुआ है जहां से हमें जानकारी चाहिए पर बीच में दोस्तों शुरुआत की गई एक नया कंसेप्ट प्रॉक्सी सर्वर की अब ये होगा कि अगर हमें कोई भी जानकारी इस सर्वर से चाहिए तो हम सीधे नहीं मांगेंगे पहले हम अपनी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को भेजेंगे फिर प्रॉक्सी सर्वर एक दूसरा आईपी एड्रेस यूज करके सर्वर से ये रिक्वेस्ट मांगेगा वो सर्वर जानकारी इस प्रॉक्सी सर्वर को देगा और प्रॉक्सी सर्वर से ये जानकारी हमारे कंप्यूटर तक पहुंचेगी तो ऐसे सर्वर को हम प्रॉक्सी सर्वर का नाम देते हैं जो कि इंटरमीडिएट का काम करता है दोस्तों अब इसमें भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि सर ये क्यों करते हैं इसका लाभ क्या है तो इसका पहला लाभ जो आपको दिख रहा है कि इसके द्वारा हम आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं दूसरा लाभ इसका यह है कि हम ऐसी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं जो जर्नली हमारे लिए ब्लॉक की गई है तीसरा इसमें यह भी फायदा होता है दोस्तों कि इसके द्वारा इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है वो इसलिए कि अगर बार बार इस सर्वर से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन प्रॉक्सी सर्वर की कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है और फिर हमें जल्दी वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है कई बार इसका उपयोग अगर अच्छे तरीके से आप करते हैं तो आप साइबर अटैक से भी बच सकते हैं यही कारण है कि बहुत सी कंपनियां या बहुत से लोग प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं एक बार इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि प्रॉक्सी नाम का अर्थ है किसी और की ओर से कार्य करना और प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ता नाम की ओर से संचालित होता है प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम या राउटर है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच ट्रांसफ़र का काम करता है यह हमलावर को निजी नेटवर्क पर हमला करने से रोकने में मदद करता है इस तरह प्रॉक्सी सर्वर ये सीधा बिना प्रॉक्सी सर्वर के और ये प्रॉक्सी सर्वर के साथ कहानी कुछ ऐसे दिखाई देती है इसके लाभ क्या हैं इसके द्वारा हम आईपी एड्रेस को छिपा सकते हैं इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए ब्लॉक की गई वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए और सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तो ये दोस्तों तीन बातें हमें अन्य तथ्य वाले टॉपिक में डिस्कस करनी थी और इसी तरह हमने एक और टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है इंटरनेट उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कल हम दोबारा मिलेंगे जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करेंगे अब आपके दिमाग पे एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम इनके एम कब लगाएंगे तो इस बार दोस्तों चूंकि समय थोड़ा कम है पहले मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूं पूरा इसके बाद हम एक एमसीक्यू का सेशन रखेंगे इसमें हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के एमसीक्यू को लगाएंगे या फिर बीच में अलग से दूसरी क्लास लेते हुए हम एमसीक्यू लगा लेंगे परेशान मत होइएगा इसी प्लेलिस्ट में हम एमसीक्यू की क्लास को भी इंक्लूड कर देंगे ठीक है तो अभी आप टॉपिक को पढ़ते जाइए एम भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा देखते हैं जैसे भी समय का मैनेजमेंट होता है लेकिन कल आपसे मुलाकात होगी जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अन पर अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है और ऑफर ये है कि जो अनअकेडमी uh, पर सामान्यतः हमें 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलता है अभी अनलॉक 20 के तहत अन अकेडमी पर 10 की जगह बीस प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है ये अलग अलग टॉपिक का प्राइजेस है जैसे आप देख सकते हैं कि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी तेरह हज़ार एक सौ निन्यानवे रुपये में मिलेगा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों क्योंकि मैंने बहुत सारी ये कोर्सेज़ हैं जो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए हुए हैं और आने वाले समय में भी मैं हिस्ट्री और पेपर थ्री का कोर्स पढ़ाने वाला हूँ जो जून के बाद शुरू होगा एक और बात है कि प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में से आप चूज कर सकते हैं पर इन सब के लिए प्लीज़ मेरा कोड एस जी लाइव जरूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको डिस्काउंट मिले और ये मेरी मेहनत का एक फल होगा अगर आप कोई वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ यूज़ माय कोड आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें या अनअकैडमी की क्लास को अनलॉक करें उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा आपसे मिलेंगे अपना ख्याल रखिए लेट्स क्रैकेट